ठीक है अहमद भाई, हम लाइव जा चुके हैं। ठीक है, तो लिंक जो है मैं भी आपको दे देता हूँ, और मेन वाइल ग्रुप में से मैं जो स्कॉलरशिप नेटवर्क के अंदर भी इसे शेयर कर देता हूँ। ठीक सही है, सही है। है, एंड अभी सब वेटिंग रूम में है ना? जी, वेटिंग रूम में है, एंड आई एम एक्चुअली गोइंग टू अलाउ देम। मीन वाइल मैं लाइव जा रहा हूँ। सही, जाओ। लाइव किधर किधर जा रहे हो? मुझे आवाज नहीं आ रही, म्यूट हो। मैरी क्यूरी के पेज के ऊपर भी और स्कॉलरशिप नेटवर्क के ऊपर भी, और मैं शेयर करता जाऊंगा अभी जैसे आप स्टार्ट करेंगे ना। ठीक ठीक है, है। जी ठीक है। पार्टिसिपेंट्स जो है वो सारे आने लगे हैं, एंड दे विल बी हियर इन फ्यू मिनट्स। ओके। ठीक है अहमद भाई, स्टार्ट करते हैं। औजबिल्लाशन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का ये जो हमारा सेशन है, आप लोगों को मेरी आवाज़ बिल्कुल ठीक आ रही होगी। आज का हमारा सेशन जो है वन डे वर्कशॉप ऑन मैरी क्यूरी पोस्ट डॉक फेलोशिप्स पे है, जो यूरोप की बहुत ही हैवी किस्म की, मतलब आप सोच लें कि हाईली फंडेड कोई चीज़ होती है ना, ये उससे भी ऊपर की है। तो इस पोस्ट डॉक के अंदर हमने रिसेंटली कोई रजिस्ट्रेशन प्रोसेस रखा था। जो पार्टिसिपेंट्स हमारे टीम्स में जो पार्टिसिपेंट ने रजिस्टर करवाया था, दे आर एक्चुअली हेयर विद अस ऑन जूम, और हम इसी जूम को लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं अपने मैरी क्यूरी के पेज के ऊपर, सॉरी ग्रुप के अंदर, और स्कॉलरशिप नेटवर्क के अंदर भी। एंड आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जो लोग यहाँ पे बैठे हैं उनमें लिंक चैट में दे देता हूँ, प्लीज इसको शेयर कर दीजिएगा और सब लोग जो है फिर इसे ज्वाइन कर सकते हैं। मकसद इसका ये है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को रीच आउट करके बता सके कि मैरी स्कोलडोस का क्यूरी एक्शंस की पोस्ट डॉक फेलोशिप क्या है। लेकिन जो जूम के अंदर है वो पार्टिसिपेंट्स वो हैं जिनको हम प्रपोजल्स राइटअप के अंदर और इनके एप्लीकेशन प्रिपरेशन के अंदर वन टू वन गाइड करने वाले हैं। और यूजुअली हमने वो लोग यहाँ पे इनवाइट किए हैं या जिन्होंने रजिस्टर किया है, जो लोग अपने या तो पीएचडी थीसिस के लास्ट सेमेस्टर के अंदर हैं, या उन्होंने अपना थीसिस सबमिट करवा दिया हुआ, या वो पोस्ट डॉक रेडी कर रहे हैं, या वो प्रोफेशनल लाइफ के अंदर हैं। ठीक है, जो रेडी टू सबमिट हैं अपने प्रपोजल को विद इन फ्यू वीक्स, जो जिसकी डेडलाइन अप्रोक्सीमेटली इन सेप्टेम्बर है। ठीक है, तो आज के एक सेशन में, इस सेशन में हम बहुत ज्यादा गुफ्तगू करने वाले हैं। तकरीबन 2 से 3 घंटे का सेशन होगा ये, और इस सेशन के अंदर बकायदा हमारे पास जो आज हमारे गेस्ट हैं, मैं उनको इंट्रोड्यूस करवाता चलूँ। हमारे गेस्ट जो हैं वो डॉक्टर मोहम्मद अहमद खान हैं, जो पोस्ट डॉक्टर रिसर्चर हैं स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर। और पोस्टर के ऊपर आपको इनकी सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी, लेकिन बेहतरीन ये होगा कि अहमद भाई आएं और खुद को इंट्रोड्यूस करवाएं, क्योंकि इससे ये होगा वो अपनी लाइफ स्टोरी कि वो किस तरीके से पाकिस्तान से आए, इटली, जर्मनी, डेनमार्क या जहां जहां भी गए मुझे पता है, लेकिन वो आपको बताएं, ताकि आप लोगों को मोटिवेशन मिले कि जो पोस्ट डॉक फेलोशिप के बारे में लोग ये कहते हैं कि इसकी सिलेक्शन बहुत कम है और बहुत ही कम लोग सिलेक्ट होते हैं, तो हम लोग भी पाकिस्तान में से हैं जो उठ के यहाँ पे आए हैं।
मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद अमार तवैल, मैं अपने नाम के साथ डॉक्टर जानबूझ के लगाता हूँ क्योंकि मैंने पीएचडी की है रिसेंटली। होपफुली आप लोग भी कर लेंगे जो पीएचडी कर रहे हैं, तो ये लाइफ की एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है इंशाल्लाह, तो इसको कैच करना भी जरूरी होता है। तो मैं ऐसे ही आपके कान खाता रहूंगा 3 घंटे के लिए और आपको मोटिवेट करके भी रखूंगा। अहमद भाई आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज अपना माइक को अनम्यूट करें एंड प्लीज गो अहेड। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रही आ रही। चलो सब, तो मैं स्क्रीन शेयर कर लूं अमार? जी जी करें। चलो परफेक्ट। अच्छा अमार, बीच में मुझे टोक देना अगर कोई चीज हो, अगर सही प्रॉपर ना हो रही हो या कुछ भी हो ना, तो मुझे इंटरप्ट कर देना, ठीक है? ओके ओके गो अहेड प्लीज। जस्ट वेट। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, तो मेरा नाम है भाई अहमद और मैं इस वक्त जो है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में रिसर्चर हूँ, पोस्ट डॉग रिसर्चर। तो आज मैं आप लोगों को जो ये वेबिनार करवा रहा हूँ वो है कि एक अच्छी मैरी क्यूरी पोस्ट डॉग इंडिविजुअल फेलोशिप के लिए हम ज़बरदस्त किस्म की एप्लीकेशन किस तरह रखें, लिखें। और अगर आपके पास बहुत अच्छा रिसर्च आइडिया अक्सर होता है लेकिन आप लोगों को नहीं पता होता कि उसको प्रपोजल में कंपोज कैसे करना है, तो इंशाल्लाह आज की इस टॉक में आप लोगों को स्टार्ट से लेके एंड तक इसके बारे में सब चीज़ें पता चल जाएगी कि मैरी क्यूरी पोस्ट डॉग इंडिविजुअल फेलोशिप क्या होती है और किस तरह अप्लाई करते हैं, उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, तो ये सब आज आपको इंशाल्लाह बहुत अच्छे से पता चल जाएगा। तो सबसे पहले मैं अपना आपको शॉर्ट इंट्रो दे देता हूँ। तो अभी रिसेंटली मैं जो हूँ करंटली रिसर्चर हूँ स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में। उससे पहले मैं मैरी क्यूरी पोस्ट डॉक फेलो था टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ डेनमार्क में। उससे पहले मैंने पीएचडी किया था यूरोपियन फेलोशिप और इरास्मस प्लस में इटली और जर्मनी से। उससे पहले मैंने मास्टर्स किया था इरास्मस मुंडस स्कॉलरशिप में जर्मनी और रोमानिया, जो ज्वाइंट मास्टर्स प्रोग्राम था। और उससे पहले जो है मैंने जो है पाकिस्तान से एनएडी यूनिवर्सिटी कराची से बैचलर्स इन बायोमेडिकल इंजीनियरिंग किया। और मेरा मेन रिसर्च एरिया जो है वो है ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस सिस्टम्स फॉर न्यूरल एप्लीकेशंस, यानी स्ट्रोक पेशेंट्स या एपिलेप्सी या डिफरेंट काइंड ऑफ न्यूरल एप्लीकेशंस के लिए जो है डिफरेंट सिस्टम डिजाइन करना, और इसके अलावा डिफरेंट बायोसेंसर, बायो सिग्नल प्रोसेसिंग। सो इस किस्म की सारी चीजें मेरा मेन रिसर्च एरिया है। तो आज जो वर्कशॉप की हमारी आउटलाइन होगी वो 4 हिस्सों में डिवाइड होगी। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि मैरी क्यूरी इंडिविजुअल फेलोशिप है क्या, उसके लिए जो हमें एब्स्ट्रैक्ट लिखना है वो किस तरह लिखा जाएगा। तीसरे सेक्शन में बताऊंगा कि असल जो प्रपोजल राइटिंग है वो किस तरह होगा, और फोर्थ सेक्शन में कुछ अदर डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है। तो इसमें जो है मैरी क्यूरी इंडिविजुअल फेलोशिप में प्रपोजल राइटिंग को सेक्शन B1 कहते हैं और जो अदर डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसको सेक्शन B2 कहते हैं, वो अभी हम आगे सही से देखेंगे। और फिर एंड में हम थोड़ी ओपन डिस्कशन भी कर लेंगे कि क्या क्या है, किस तरीके से डिफरेंट क्वेश्चन वगैरह। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम सेक्शन 1। ओके, सो मैरी क्यूरी इंडिविजुअल फेलोशिप जो है वो मेनली 2 टाइप्स की हैं, एक है यूरोपियन फेलोशिप और एक है ग्लोबल फेलोशिप। तो यूरोपियन फेलोशिप में भी हमारे पास डिफरेंट कैटेगरीज आ जाती हैं, कैरियर रीस्टार्ट, सोसाइटी एंड इंटरप्राइज, रीइंटीग्रेशन, स्टैंडर्ड यूरोपियन फेलोशिप। ये 4-5 किस्म की यूरोपियन फेलोशिप होती है मैरी क्यूरी की, और एक होती है ग्लोबल फेलोशिप। तो यूरोपियन फेलोशिप में क्या होता है कि विद इन द यूरोप आप ट्रैवल करते हैं या नॉन यूरोपियन कंट्री से आप यूरोप में आते हैं, और ग्लोबल में आप यूरोप से नॉन यूरोपियन कंट्रीज में जाते हैं। ये किस तरह होता है, क्या होता है, ये मैं अभी आपको बताऊंगा। लेकिन यूरोपियन फेलोशिप जो है वो 12 मंथ्स से 24 मंथ्स के बीच की होती है, आप कुछ भी रख सकते हैं। और जो ग्लोबल फेलोशिप है वो नॉर्मली 24 से 36 मंथ्स के लिए होती है। तो ये दोनों में फिलहाल एक डिफरेंस है। तो यूरोपियन फेलोशिप में जो मेनली 4 किस्म है उसमें है, फर्स्ट 1 स्टैंडर्ड यूरोपियन फेलोशिप। इसमें क्या होता है कि ये नॉर्मली जो है हम लोगों के लिए है कि जो लोग बाहर रहे हैं, जो यूरोप से बाहर हैं या किसी और कंट्री में, अगर वो यूरोप आना चाह रहे हैं मैरी क्यूरी इंडिविजुअल फेलोशिप में, तो उनके लिए स्टैंडर्ड यूरोपियन फेलोशिप है। तो इसकी जो मेन रिक्वायरमेंट है कि आप जिस यूरोपियन कंट्री को सिलेक्ट कर रहे हैं तो लास्ट 3 ईयर्स में आपने उधर 12 मंथ से ज्यादा टाइम ना गुजारा हो। यानी अगर आप फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अभी डेनमार्क में होता, 10 महीने मैंने डेनमार्क में गुजारे हुए होते, तब मैं स्टिल डेनमार्क को अपना होस्ट रख सकता था मैरी क्यूरी इंडिविजुअल फेलोशिप के लिए। लेकिन अगर पिछले 3 साल में मैंने 12 महीने से ज्यादा टाइम गुजारा है तो फिर मैं मैरी क्यूरी इंडिविजुअल फेलोशिप में डेनमार्क के लिए अप्लाई नहीं कर सकता। सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग, प्लीज कंटिन्यू। And it's okay.
तो तब मैं डेनमार्क को नहीं रख सकता था, लेकिन मैं फिर कोई और कंट्री, यूरोपियन कंट्री को रख सकता था। नेक्स्ट कैटेगरी आती है कैरियर रीस्टार्ट पैनल। अब ये इनके लिए होता है कि फॉर एग्जांपल आपने किसी भी वजह से 12 मंथ्स का मिनिमम ब्रेक लिया अपने करियर से, किसी भी वजह से, पेरेंटल लीव या सिक लीव या जो भी है उसकी वजह से, और अब आप दोबारा यूरोप आना चाह रहे हैं अपना करियर रीस्टार्ट करने के लिए, तो फिर उसके लिए होती है करियर रीस्टार्ट पैनल। ये सेकंड टाइप है। इसमें जो है, इसमें इसके लिए ज़रूरी है कि पिछले 5 साल में आपने 36 मंथ से ज़्यादा उधर ना रहे हो, ये इसकी होती है। लेकिन ये ज़्यादातर हम लोगों के लिए नहीं होती, हमारे लिए नॉर्मली ज़्यादातर स्टैंडर्ड यूरोपियन फेलोशिप ही वैलिड होती है हम लोगों के केस में। एक होती है रीइंटीग्रेशन पैनल। अब इसमें क्या होता है, ये इसमें जो है, जो लोग रिसेंटली या तो अभी अभी यूरोप आए हैं या आना चाहते हैं, लेकिन इसकी मैं एग्जांपल दूंगा कि फॉर एग्जांपल मैं डेनमार्क में मैंने काम किया, अब मैं बाहर चला गया किसी और कंट्री में, ठीक है। अब मैं जब दोबारा अगर डेनमार्क आना चाहता हूँ या दोबारा यूरोप में आना चाहता हूँ कहीं बाहर से, तो इसको कहते हैं रीइंटीग्रेशन पैनल। कि अगर मैं थोड़े टाइम के लिए बाहर चला गया था और मैं वापस आ रहा हूँ, तो फिर मैं इस डोमेन में अप्लाई कर सकता हूँ। इसके लिए लेकिन ज़रूरी है या तो आप यूरोपियन सिटीजन हो या प्रीवियस लॉन्ग टर्म रेजिडेंट। ये लॉन्ग टर्म रेजिडेंट का मतलब होता है कि आपने पहले 5 साल या उससे ज़्यादा यूरोप में टाइम अपना स्पेंड किया हो, तो फिर आप लॉन्ग टर्म रेजिडेंट कहलाते हैं। तो रीइंटीग्रेशन के लिए ये ज़रूरी है। और जो फोर्थ कैटेगरी है वो है सोसाइटी एंड एंटरप्राइज पैनल। तो इसमें जो है नॉन एकेडमिक होस्ट होते हैं, तो ये भी रेलिवेंट नहीं होती ज़्यादा अप्लाई करने के लिए हम लोगों के लिए। ये ज्यादातर इंडस्ट्रियल लोगों के लिए होती है और इसकी कोई बिल्कुल ही अलग ही कहानी वगैरह होती है, तो ये भी हमारे लिए नहीं है। तो हमारे लिए जो है वो, हमें जब भी, अगर आप फ्यूचर में जो भी अप्लाई करेगा, तो जब आप प्रपोजल में जब लॉग इन होंगे तो डिफरेंट ऑप्शंस होंगे कि कौन सा आपने करना है, स्टैंडर्ड यूरोपियन, करियर रीस्टार्ट, री इंटीग्रेशन। तो हम लोग, आप लोगों ने जो है स्टैंडर्ड यूरोपियन फेलोशिप सेलेक्ट करनी होगी उनमें से। अब सेकेंड वन आती है ग्लोबल फेलोशिप। अब ग्लोबल फेलोशिप में क्या होता है, ग्लोबल फेलोशिप में दो फेजेस होते हैं, एक होता है आउटगोइंग फेज, एक होता है इन रिटर्निंग फेज। अब आउटगोइंग फेज क्या होता है, आउटगोइंग फेज में आपने यूरोप से बाहर जाना है, ठीक है। 12 से 24 महीने आप यूरोप से बाहर दूसरे मुल्क में गुजारेंगे। फॉर एग्जाम्पल यूएस से चले गए, आप ऑस्ट्रेलिया चले जाएं, आप न्यूजीलैंड चले जाएं, कोई भी अच्छे कंट्री सेलेक्ट करें और आप वहां जा सकते हैं। लेकिन उसके बाद आपको 12 महीने वापस यूरोप आना है, समझ में आई बात। लेकिन इसके लिए भी जरूरी है कि या तो आप यूरोपियन सिटीजन हो या आप लॉन्ग टर्म रेजिडेंट हो, यानी आपने यूरोप में 5 साल या उससे ज्यादा टाइम गुजार लिया हो, तो फिर आप बाहर जा सकते हैं। ग्लोबल फेलोशिप के थ्रू आप 24 मंथ्स के लिए बाहर जा सकते हैं, एंड अगेन उसके बाद 12 मंथ्स के लिए आप वापस आ सकते हैं। तो उस केस में ग्लोबल फेलोशिप बहुत अच्छी होगी। और मैं काफ़ी लोगों को जानता हूँ जो यूएस और कनाडा वगैरह जाते हैं, ग्लोबल फेलोशिप में गए हैं, मेरे पर्सनली जानने वाले भी, तो उन्होंने 24 मंथ्स उधर स्पेंड किए और फिर वापस उन्होंने आए। अच्छा, मजे की बात इसमें जो है, जो मोबिलिटी रूल है कि आपने लास्ट 3 साल में 12 महीने से ज़्यादा ना स्पेंड किया हो टाइम, ये आउट गोइंग फेज के लिए, यानी आउट ऑफ द यूरोप आप जहाँ जा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल यूएस या कैनेडा या ऑस्ट्रेलिया, तो आपने उधर ना स्पेंड किया हो। आपने यूरोप में बेशक आपने स्पेंड किया हो, इट डजेंट मैटर। अगर मैं फॉर एग्जाम्पल डेनमार्क में 10 साल से भी रह रहा हूँ या जर्मनी में 10 साल से रह रहा हूँ, स्टिल मैं अपना रिटर्निंग फेज के लिए मैं जर्मनी या डेनमार्क रख सकता हूँ, उसमें मोबिलिटी रूल अप्लाई नहीं होता। लेकिन आउट गोइंग फेज में सिर्फ अप्लाई होगा कि मैं जहाँ जा रहा हूँ उधर मैं लास्ट 3 ईयर्स में 12 महीने या उससे ज़्यादा ना रहा हूँ। और ग्लोबल और स्टैंडर्ड और दूसरी इंडिविजुअल फेलोशिप में एक और भी, सॉरी यूरोपियन फेलोशिप में एक और भी फर्क है कि इसमें जो है एक और एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट चाहिए होता है, लेटर ऑफ कमिटमेंट, जो आपको अपने होस्ट से चाहिए होता है, आउट ऑफ द यूरोप वाले से, यूएस कनाडा जहाँ भी आप गए, उनसे एक लेटर चाहिए होता है जिसमें वो सारा मेंशन करें कि भाई हाँ ये हमारे पास आ रहा है, हम इसको असिस्ट करेंगे, इसको हम सपोर्ट करेंगे, एक्स वाई जेड जो भी, यानी एक प्रॉपर लेटर ऑफ कमिटमेंट उनकी तरफ से आए। लेकिन नॉर्मल यूरोपियन फेलोशिप्स में आपको ऐसा कोई लेटर चाहिए नहीं होता, ठीक है। हाँ, ये हो गया। अच्छा, अब हम इसके अगर सैलरी स्ट्रक्चर की बात करें
तो ये काफ़ी अच्छी सैलरी होती है मैरी क्यूरी इंडिविजुअल फेलोशिप की। सो इसमें लिविंग अलाउंस जो है वो जो बेसिक लिविंग अलाउंस है वो होता है 50-80 यूरोस पर मंथ, साथ में मोबिलिटी अलाउंस 600 पर मंथ और फैमिली अलाउंस 660 पर मंथ। अच्छा, लेकिन ये जो लिविंग अलाउंस वगैरह है ये कंट्री करेक्शन कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई होते हैं, यानी अगर कोई कंट्री ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है तो उसमें आपकी सैलरी थोड़ी सी कम हो जाएगी, बट जो अगर कोई कंट्री थोड़ा एक्सपेंसिव है तो उसमें आपकी सैलरी ज़्यादा आ जाएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल जर्मनी का कोएफिशिएंट जो है वो 0.988 है और डेनमार्क का 1.335। तो अगर सिर्फ एक एग्जाम्पल के लिए कोई मैरिड स्कॉलर हो, तो अगर वो डेनमार्क में काम कर रहा है किसी डेनिश यूनिवर्सिटी में इंडिविजुअल फेलो है, तो उसकी पर मंथ सैलरी होगी 8423 यूरोस पर मंथ ग्रॉस, नॉट नेट। इसमें से टैक्स वैक्स जो भी है वो कटेगा, लेकिन जो जर्मनी में होगा उसकी होगी ग्रॉस सैलरी 6234 यूरोस पर मंथ, अगेन इट्स ग्रॉस, सो नेट जो है वो आपको कट के मिलेगी। जब डेनमार्क में, अच्छा मैंने जो है अपने मैरी क्यूरी पोस्ट डॉक जो है मैंने डेनमार्क से किया, तो उधर जो हम लोगों को जो नेट सैलरी आती थी आफ्टर ऑल टैक्सेशन एंड दिस काइंड ऑफ थिंग्स, वो अराउंड आती थी 4900 या 5000 यूरोस के करीब आती थी आफ्टर टैक्सेशन, क्योंकि उधर टैक्सेशन वगैरह काफ़ी है। तो ये बहुत एक अच्छी सैलरी है, और मोस्टली जो है किसी भी कंट्री में मैरी क्यूरी की सैलरी उधर के जो नॉर्मल पोस्ट डॉक्स होते हैं उनसे 25% ज़्यादा ही होती है मैरी क्यूरी इंडिविजुअल फेलोशिप की सैलरी, तो बहुत ही ज़बरदस्त होता है। अच्छा अहमद भाई, जी यहाँ पे मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा कुछ, जी बोले 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 अगर मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर सकूँ तो दैट वुड बी ग्रेट। करें एक मिनट, आप स्टॉप करेंगे अपनी स्क्रीन प्लीज़? जी, मैं कर दी हाँ जी, मैं सिर्फ यहाँ पे दो चीज़ें ऐड करना चाहूँगा, जो लोग थोड़े से परेशान होंगे कि ये कहाँ से सारी इन्फॉर्मेशन हम देख सकते हैं, अहमद भाई भी आपको बताएंगे। तो ये बेसिकली मैरी स्कोलडॉस का क्यूरी एक्शंस का डेवलपिंग टैलेंट एडवांस रिसर्च का ये पेज है। इसका लिंक मैंने जो है जूम की वर्कशॉप जो है उसके अंदर भी रखते हैं, बाकी मैं लिंक्स भी पेस्ट करने वाला हूँ। बेसिकली आप यहाँ पे देख सकते हैं इनकी कैटेगरीज, ठीक है, कौन कौन सी टर्मिनोलॉजीज यहाँ पे यूज हो रही हैं, कौन कौन सी एक्सचेंज प्रोग्राम्स हैं, पोस्ट डॉक्टर फेलोशिप क्या है, यूरोपियन पोस्ट डॉक्टर फेलोशिप क्या है, ग्लोबल पोस्ट डॉक्टर फेलोशिप क्या है, ठीक है। और ये सारी इसके क्या क्या आपको एडवांटेज से हैं इसके, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अलाउंस कितना है, मोबिलिटी अलाउंस कितना है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे अपडेट भी होती रहती हैं। फॉर एग्जाम्पल जो लेटर ऑन आने वाले हैं, फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट ईयर कोई ये वर्कशॉप दोबारा देखता है तो वो यहाँ से इस वेबसाइट से अपडेटेड वर्जन ले सकते हैं। सेकेंडली यहाँ पे जो कंट्री कोफिशेंट्स की बात हो रही थी, अगर यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं तो इस तरीके से कुछ कंट्री कोफिशेंट होता है, ये वाली लिस्ट होती है, ठीक है। तो हर कंट्री का जो बेसिक सैलरी अभी बताई है अहमद भाई ने, वो 50-80 बताई है, ठीक है, जो ग्रॉस है, ठीक है। तो उसके अंदर आप मल्टीप्लाई करते हैं, फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, ये 100% है बेल्जियम की बेस पे, और जहां पे ये 100 से कम हो जाएगी उससे सैलरी आपकी कम हो जाएगी, जहां पे इससे ज्यादा होगी उससे ज्यादा हो जाएगी। इसी तरह जैसे अहमद भाई ने अभी बताया कि डेनमार्क की जो है वो ज्यादा है, मेरे ख्याल से अहमद भाई डेनमार्क की सबसे ज्यादा है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। डेनमार्क इज आई थिंक सबसे ही ज्यादा हाँ जी, लेकिन अगर आप ग्लोबल फेलोशिप में आउटर कंट्री जाते हैं, फॉर एग्जांपल कनाडा कोई जाता है या यूएसए जाता है ग्लोबल पोस्ट डॉक फेलोशिप के लिए, तो उनको उस कंट्री के हिसाब से मिलेगी या क्योंकि जो होस्ट कंट्री है। ग्लोबल फेलोशिप में जो है आपका आपका मेन जो होस्ट होता है ना वो यहीं का होता है, यूरोप ठीक का, है, तो ठीक है। आपका असल जॉब कॉन्ट्रैक्ट और सब चीजें यूरोप पे ही बनी हुई होती है, तो आपको उसी कंट्री का भी ग्लोबल में कहते हैं ज्यादा अच्छा है कि आप डेनमार्क वगैरह को अगर आप होस्ट रखें नॉर्मली एग्जैक्टली तो आपकी सैलरी थोड़ी ज्यादा ही होती है, तो फिर वो लोग यूएस जाते हैं और फिर थर्ड ईयर वापस आके वो उसी सैलरी को कंटिन्यू रखते हैं। ठीक है, थैंक यू जी, और प्लीज हाँ, और कंटिन्यू कीजिएगा। इधर एक और चीज ऐड करना चाहूंगा, जो अभी अमार ने वो दिखाया कि 60%, सो 60% का मतलब है कि कोएफिशिएंट 0.6 हो जाएगा, अगर आपने मल्टीप्लाई करना है एग्जैक्टली तो 78 लिखा हो तो उसका मतलब होगा 0.78, अगर 120 लिखा हुआ है तो इसका मतलब है 1.2 से मल्टीप्लाई करना है आपको, तो बस वैसे। चलो मैं आप स्क्रीन शेयर करूं, जी जी प्लीज। सही, ओके ठीक है। अब जब आपने अब इरादा कर लिया फॉर एग्जांपल कि ओके मैं इंडिविजुअल फेलोशिप में अप्लाई करना चाह रहा हूँ, तो उससे पहले सबसे पहले एक चेक लिस्ट है जो आपको बड़े अच्छे से पता होनी चाहिए और आपको हमेशा चेक करनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल डेडलाइन, इस दफ़ा की डेडलाइन है 14 सितंबर 2022 और शाम के 7 बजे ब्रसल टाइम के मुताबिक। दूसरी मोबिलिटी रिक्वायरमेंट, सॉरी, जैसे मैंने बताया कि आप लोगों ने लास्ट 3 साल में 12 महीने या उससे ज़्यादा ना रहे हो यूरोपियन फेलोशिप के लिए,
यूरोप में, यानी जो भी आप होस्ट कंट्री सेलेक्ट कर रहे हैं उसके लिए, और ग्लोबल के लिए आउटगोइंग फेस के लिए, ठीक है। और रिसर्चर रिक्वायरमेंट, हाँ जो है आप किसी भी उसके हो सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई आप स्पेसिफिक नेशनैलिटी हो अगर आप यूरोपियन फेलोशिप में अप्लाई कर रहे हैं। लेकिन अगर ग्लोबल फेलोशिप में अप्लाई कर रहे हैं तो फिर आप जो है या तो सिटीजन हो या लॉन्ग टर्म रेजिडेंट हो। और इसके अलावा आपके आपके पास आपका आपके पास डॉक्टरेट डिग्री हो एट द टाइम ऑफ डेडलाइन, या डेडलाइन से पहले पहले आपने अपना थीसिस डिफेंड कर दिया हो, भले डिग्री ना मिली हो, थीसिस डिफेंड कर दिया अगर आपने डेडलाइन से पहले पहले, तब भी आप उसके लिए एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए, ठीक है। और इसके अलावा आई थिंक लास्ट ईयर ये नया रूल आया है कि मैक्सिमम आफ्टर पीएचडी मैक्सिमम 8 ईयर्स तक आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पीएचडी को 8 साल से ज़्यादा हो गया तो फिर आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। और इस 8 ईयर्स में से आप ये डिफरेंट काइंड ऑफ वेकेशंस, आपने छुट्टियां जो हैं वो निकाल सकते हैं, मेटर्निटी लीव, पेरेंटल लीव, नेशनल सर्विस का टाइम, नॉट वर्किंग इन रिसर्च, इस तरीके की सारी चीज़ें निकालें, तो उसके बाद 8 साल या उससे कम हो तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा एक दूसरा ऑप्शन होता है रीसबमिशन का। रीसबमिशन क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल मैंने प्रपोजल सबमिट किया, अब वो मेरा स्कोर आया 75, 80, 85 जो भी, लेकिन मुझे स्कॉलरशिप नहीं मिली, तो मैं नेक्स्ट टाइम उसको रीसबमिट कर सकता हूँ वही होस्ट रख के, सब कुछ वही रख के। लेकिन अगर मेरा स्कोर 70% या उससे कम है तो फिर मैं वही प्रपोजल रीसबमिट नहीं कर सकता। और आपको जब प्रोसेस चल रहा हो, अगर आप रीसबमिट कर रहे होंगे तो उसमें वो पूछेगा कि ये रीसबमिशन है, अगर आप कहेंगे यस तो फिर वो आपसे पुराना प्रीवियस नंबर भी मांगेगा। और ये याद रखिएगा, जब जब आप रीसबमिशन करते हैं तो जो रिव्यूअर्स होते हैं, क्योंकि इस साल मैं जो हूँ मैरी क्यूरी इंडिविजुअल फेलोशिप का रिव्यूअर भी था, तो मेरे पास भी प्रपोजल्स आए थे जो मैंने ये प्रेजेंटेशन में बीच बीच में कोई लाइनें मार रही कौन है अच्छा खैर, तो हाँ मैं क्या कह रहा था, हाँ तो इस दफा मैं जो हूँ रिव्यूअर भी था। अहमद भाई सॉरी, अहमद भाई सिक्योरिटी का बटन नीचे ज़ूम पे आ रहा है आपके पास, उस पे क्लिक करके एनोटेशन रोक दें। सिक्योरिटी नीचे ज़ूम की टैब होती है ना। बिल्कुल बिल्कुल। सो अच्छा एनोटेट ऑन शेयर्ड, ओके ठीक है, वो हटा दूं ना उसे, चेक मार्क अनचेक कर दें। हाँ जी ठीक है, सही, थैंक यू अमर। तो मैं इस दफ़ा जो रिव्यूअर भी था इंडिविजुअल फेलोशिप का, तो मेरे पास प्रपोजल्स आए थे और मैं रिव्यू वगैरह किए। तो ये याद रखें, जब रीसबमिशन के हमारे पास प्रपोजल्स आते हैं तो उसमें ये भी होता है कि हमारे पास पुरानी रिव्यू रिपोर्ट भी आती है, तो जो पुराने रिव्यू रिपोर्ट होते हैं हम उसको भी देखते हैं कि इसने पुराने कंसर्न्स जो थे उनको भी ओवरकम किया हुआ है या नहीं किया हुआ। तो रीसबमिशन का भी बहुत अच्छा चांस होता है, ये मैंने बहुत दफा देखा है लोगों के बहुत कम प्रपोजल में स्कोर होता है एक टाइम, नेक्स्ट ईयर वो अप्लाई करते हैं और उनको मिल जाती है, तो ये भी एक बहुत अच्छा तरीका होता है, ठीक है रीसबमिशन का। अब इसके अलावा सुपरवाइजर, जब भी आपने अप्लाई करना है तो उससे पहले आपके पास एक होस्ट यूनिवर्सिटी का सुपरवाइजर होना चाहिए, जो बहुत विलिंग जो विलिंग हो के हाँ आपको होस्ट करेगा और आप उसके साथ अपना पोस्ट डॉक जाके करेंगे। तो उसके साथ मिलके आपको कोई प्रोजेक्ट आइडिया डिस्कस करना, तो फिर उस पर आप लोग प्रपोजल लिखना शुरू करते हैं। और इसके साथ साथ होस्ट ऑर्गेनाइजेशन, काफी कंट्रीज हैं यूरोप में जिनमें मैरी क्यूरी का अलग बकायदा डिपार्टमेंट है, कि उधर पूरी एक टीम है जो सिर्फ मैरी क्यूरी के लिए ही बैठी हुई है। और इनमें सबसे ज्यादा तेज है स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, फॉर एग्जाम्पल स्वीडन, डेनमार्क, नॉर्वे, और इसके अलावा बेल्जियम और जर्मनी। इनमें जो है जर्मनी का एग्जैक्ट बहुत जगहों पे नहीं होता, कुछ जगह पे है कुछ जगह पे नहीं, लेकिन बेल्जियम में काफ़ी सुना है मैंने। तो इधर बकायदा इनके मैरी क्यूरी के पूरे पूरे डिपार्टमेंट हैं, तो वो आपको जब अगर आपको उधर उस यूनिवर्सिटी का सुपरवाइजर एग्री करे कि मैं आपको होस्ट करूँगा, तो वो लोग भी आपकी प्रपोजल के से रिलेटेड काफ़ी हेल्प करते हैं। इसके साथ साथ लास्ट पॉइंट जो है वो है फेमिलराइज योरसेल्फ विद द सबमिशन प्रोसेस। अहमद भाई रीजन बताइएगा कि उनको क्या मिलता है हेल्प करने के लिए, क्या उन्हें फंडिंग मिलती है या उनको भी सैलरी कुछ मिलती है पर मंथ, ये बताइए। हाँ, तो उनका ये फायदा होता है कि जब मैरी क्यूरी का जो बजट होता है ना, उसमें कोई एक एलोकेटेड बजट आपकी यूनिवर्सिटी को जाता है, ठीक है। तो काफी अक्सर होता है कि उनकी जो सैलरीज है ना वो एक्सटर्नल उन लोगों के ही पैसों से थोड़ी बहुत निकल रही होती है कुछ ना कुछ, ठीक है। कि अगर मैं फॉर एग्जांपल मैं मुझे डेनमार्क में गया,
तो फिर मेरे बजट से कुछ सैलरी जो है टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ डेनमार्क की मैनेजमेंट को भी जाएगी। और इसके अलावा इनके साथ साथ जो है यूरोप में विद इन द कंट्रीज भी ये भी बहुत होता है कि भाई हमारे पास इतने मैरी क्यूरी फेलो होते हैं, क्योंकि एक एक्सट्रीम यूरोपियन मोस्ट प्रेस्टिजियस फेलोशिप है। तो इससे ये भी होता है कि एक इन लोगों की आपस में भी कॉम्पिटिशन होता है कि अगर इनके पास ज्यादा, फॉर एग्जाम्पल मैरी क्यूरी इंडिविजुअल फेलोशिप के पास ज्यादा बंदे आते हैं, तो आपको पता होगा कि ये ITN वगैरह के प्रोजेक्ट जो होते हैं तो फिर इन लोगों को भी मिलने के चांसेस ज्यादा होते हैं फ्यूचर में इन कंट्रीज को। क्यों? क्योंकि इन्होंने मैरी क्यूरी के काफी अच्छे होस्ट किए होते हैं, तो यूरोपियन यूनियन को पता होता है कि इनके पास मैनेजमेंट का बहुत अच्छा, अच्छी टीम है, बहुत अच्छा सिस्टम है, सो डिफरेंट यूरोपियन प्रोजेक्ट्स भी इनके पास आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तभी इन लोगों ने बकायदा पूरा अलग अलग मैरी क्यूरी का डिपार्ट रखा हुआ है और इसको बहुत अच्छे तरीके से ये लोग करते हैं। मुझे, मैं अपना बताता हूँ, मैं इटली में जो है उस वक्त कर रहा था PhD, ठीक है, नहीं उस टाइम मैं जर्मनी में था, PhD ही कर रहा था, लेकिन जब मैं इंडिविजुअल फेलोशिप में अप्लाई करने लगा था और प्रोफेसर मुझे टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ डेनमार्क ने कह दिया कि ठीक है आप करें, तो उस वक्त DTU जो है, DTU यानी टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ डेनमार्क, उन लोग, वो लोग एक मैरी क्यूरी पे वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करा रहे थे डेनमार्क में। तो उन्होंने कहा था कि पता नहीं 10 या 12 लोगों की सीट्स हैं, आप लोग अप्लाई करें। मैंने वैसे ही अप्लाई किया तो उन्होंने मुझे इनवाइट कर लिया कि ठीक है आप आए सीखें कि भाई कैसे प्रपोजल राइटिंग है। तो उन्होंने मुझे ट्रैवल एक्सपेंसेस, मुझे होटल, सारा कुछ उन्होंने ही कवर किया। यानी मैं सिर्फ गया था 3 दिन की वर्कशॉप में सीखने के लिए कि प्रपोजल लिखना कैसे, और वो भी पूरा उनकी तरफ से पेड था कि भाई, और उन्होंने बहुत अच्छे से काफी चीजें कवर भी की थी। तो ये लोग अहमद बहुत, भाई, जी अहमद भाई, बोले, इस तरह की स्टोरीज काफ़ी मतलब इटली से, जर्मनी से और डिफरेंट अदर कंट्री से भी मिलती हैं कि ये लोग हेल्प आउट करते हैं आपको प्रपोजल राइटअप में, क्योंकि जाहिर बात है एक यूनिवर्सिटी रिसर्च की बेस पे स्टैंड स्टैंड कर रही है। मैरी बिल्कुल, क्यूरी का प्रोजेक्ट जीतने का मतलब ये है कि आपका टॉप नॉच का प्रपोजल है और रिसर्च आपकी टॉप नॉच की है। सेकेंडली, उस प्रोजेक्ट का फायदा ये होता है जब फंडिंग लाइन अक्सर पेपर्स में लिखी जाती है तो वो हाई इंपैक्ट जर्नल्स में जाने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि उसके पीछे जो फंडिंग होती है वो अच्छी होती है। थर्ड बात, ये सारे के सारे ओपन एक्सेस पेपर इसमें जरूरी होते हैं पब्लिश करना। और फोर्थ, ये होता है कि आपको मतलब ये टैक्स पेयर्स के पैसों से आपको मिलती है फंडिंग सारी, तो ये भी होता है कि आपने रिसर्चर्स नाइट पे अपने प्रोजेक्ट्स भी जो हैं उन्हें भी प्रेजेंट करना होता है। अक्सर यूनिवर्सिटीज की कंपल्शन होती है, तो मेरे ख्याल से काफी ज्यादा रीजन हैं इस वजह से यूनिवर्सिटीज जो हैं आपको हेल्प आउट करती हैं। वाकई नाइस, अच्छी एडिशन की शुक्रिया। सर आपने, थैंक यू। हाँ, तो आपको सिर्फ यानी सांस काफी, दिलवा रहा हूँ मैं, सांस साथ 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 आपको थैंक यू सांस सर, दिलवा। सही है सही, शुक्रिया। नहीं तो जैसे अमार ने भी काफी चीजें ऐड अप कर दी, तो भाई बहुत सारे अच्छे रीजंस हैं कि जिसकी वजह से ये लोग बहुत ज्यादा हेल्प कर रहे होते हैं आपके। तो अब अगर हम रिसर्च टॉपिक और सेकेंडमेंट्स पे आए, तो रिसर्च टॉपिक जो है डिफरेंट होते हैं, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, लाइफ साइंस, इकोनॉमिक्स साइंस, ICT, इंजीनियरिंग साइंस एंड ह्यूमैनिटीज, एनवायरनमेंट एंड जियो साइंस। तो यानी सारी कैटेगरी है, इसमें कोई एक स्पेसिफिक साइंटिफिक एरिया नहीं है, आप किसी भी एरिया के हो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये हो गया रिसर्च। और दूसरी चीज होती है सेकेंडमेंट। सेकेंडमेंट का मतलब होता है कि अगर मैं, फॉर एग्जाम्पल डेनमार्क में मुझे मिल गई 2 साल के लिए इंडिविजुअल फेलोशिप, तो मैं 6 महीना, 3 महीना, 4 महीना किसी और यूरोपियन कंट्री में जाऊं और उधर टाइम स्पेंड करूं। और वो जहां मैं जाकर टाइम स्पेंड करूं, जरूरी नहीं कि वो सिर्फ एक इंस्टीट्यूट हो, वो दो भी हो सकते हैं, एक हो दो हो, जरूरी नहीं वो रिसर्च इंस्टीट्यूट हो, वो कोई कंपनी भी हो सकती है, एकेडमिक हो, नॉन एकेडमिक हो, कहीं भी हो, लेकिन आउट ऑफ योर होस्ट कंट्री आप जाएं। तो अगर लेस देन 18 मंथ्स की स्कॉलरशिप है, तो आपका मैक्सिमम ड्यूरेशन सेकेंडमेंट का 3 मंथ का हो सकता है। और अगर आपके पास 18 मंथ से ज्यादा की फेलोशिप है, तो फिर यानी कि जो आपने विन की है, अगर 24 मंथ्स की है, तो फिर आपका टोटल सेकेंडमेंट मैक्सिमम 6 मंथ्स का हो सकता है टोटल। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप एक दफा 2 महीने के लिए कहीं चले गए, फिर 1 महीने के लिए चले गए, फिर 3 महीने के लिए चले गए, तो टोटल 6 मंथ्स, या आप डायरेक्ट 6 मंथ के लिए चले गए तो, और मैक्सिमम है, तो मैंडेटरी नहीं कि सिर्फ ये मैक्सिमम ही जाए, आप कम भी जा सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखें कि मैरी क्यूरी इंडिविजुअल फेलोशिप के लिए सेकेंडमेंट्स लाजमी लाजमी रखिएगा, ये बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। अगर आपने सेकेंडमेंट नहीं रखा तो ये बैकफायर कर जाता है कि भाई आपने कहीं भी नहीं, कोई भी आप नेटवर्किंग ही नहीं कर रहे, कोई कोलैबोरेशन ही नहीं कर रहे अपने प्रोजेक्ट की, आप सिर्फ एक ही कंट्री जाके उधर ही काम करना चाह रहे हो। और हाँ, जो भी सेकेंडमेंट आप रखें तो वो जस्टिफाई भी होना चाहिए, क्योंकि प्रपोजल में वो आपको जस्टिफाई करना होगा कि आप उधर क्यों जाना चाह रहे हैं, आप उधर क्या काम करेंगे, उनके पास ऐसी क्या फैसिलिटीज हैं, सुपरविजन है जो आपके लिए, प्रोजेक्ट के लिए बहुत अच्छी होगी। तो इस चीज का भी ध्यान रखिएगा कि ये नहीं कि कोई भी सेकेंडमेंट ले लें, नहीं, सेकेंडमेंट भी देख दाख के
बिल्कुल, जो आपके प्रोजेक्ट से बहुत रिलेटिव हो उसी को लीजिएगा। अब अगर हम आते हैं पेज लिमिट्स और फॉर्मेटिंग स्टैंडर्ड के लिए, तो इसके जो प्रपोजल्स हैं या इसकी जो एप्लीकेशन है उसमें दो पार्ट होते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में कुछ भी नहीं होता, उसमें बस वो एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होती है कि भाई अच्छा कौन सी यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, ये वो दो चार पांच चीजें जो भी हैं वो आपको एडअप करनी होती है। तो पार्ट ए में तो कुछ भी नहीं होता, असल होता है पार्ट बी। और पार्ट बी में भी फिर फर्दर हम दो चीजों में चले जाते हैं, B1 एंड B2। तो जो असल मैरी क्यूरी का इंडिविजुअल फेलोशिप का जो प्रपोजल है ना वो है B1, और वो है 10 पेजेस का, ठीक है। और B2 में क्या होता है, B2 में CV होती है और एक दो चीज होती है, वो मैं बताता हूँ। ये तो B1 मेन प्रपोजल, अच्छा, और मेन प्रपोजल मैक्सिमम 10 पेजेस का, और इसमें तीन मेन चीजें जो आपको कवर करनी होती हैं, एक्सीलेंस, इम्पैक्ट, इम्प्लीमेंटेशन। ये तीनों वर्ड आप लोग याद रख लीजिए, क्योंकि अभी आगे ये चीजें बार बार आएंगी और बहुत ज्यादा आएंगी। तो यानी ये चीज ना बिल्कुल आप लोग जहन नशी कर लें मैरी क्यूरी इंडिविजुअल फेलोशिप के लिए, प्रोपोजल के लिए स्पेशली, एक्सीलेंस, इम्पैक्ट, इम्प्लीमेंटेशन। ये अभी हम अच्छे से डिटेल में देखेंगे कि क्या है, ठीक है। और B2 सेक्शन के लिए होता है CV, कैपेसिटी ऑफ द पार्टिसिपेटिंग ऑर्गेनाइजेशन, वो क्या है वो मैं दिखाऊंगा। और एथिकल एस्पेक्ट, अगर आपकी रिसर्च में कोई ह्यूमंस इन्वॉल्व हैं तो फिर उनके कुछ एथिकल एस्पेक्ट आपको बताने होंगे। और सेवंथ जो डॉक्यूमेंट है वो लेटर ऑफ कमिटमेंट होता है, अगर आप ग्लोबल फेलोशिप के हैं। अगर आप ग्लोबल फेलोशिप के नहीं है तो फिर वो लेटर ऑफ कमिटमेंट नहीं चाहिए होता। अहमद तो भाई, एक क्वेश्चन यहाँ पे बड़ा जी इम्पोर्टेंट बोलिए। है कि जब आप सेकंडमेंट पे अप्लाई करते हैं या सेकंडमेंट को बीच में रखते हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से सेकंडमेंट रखता हूँ जर्मनी में अप्लाई करके, मैं सेकंडमेंट रख ली स्पेन की फॉर एग्जांपल, सही है। तो क्या मुझे स्पेनिश होस्ट का लेटर चाहिए होगा अप्लाई नहीं करते वक्त? नहीं सेकंडमेंट का नहीं 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 चाहिए, तो नहीं इसका नहीं मतलब यह है कि आप सेकंडमेंट का जो लिखते हैं वो बाद में चेंज भी हो सकती है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग? हाँ, ये टेंटेटिव होती हैं ये, यानी कि जैसे बिल्कुल मेरे केस में मैंने जो रखे थे मैं उधर गया नहीं था, मैं कहीं जी, और बिल्कुल चला ऐसे गया। होता, बिल्कुल ऐसे बहुत ज्यादा होता है, पीएचडी में भी होता हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो ये टेंटेटिव होती हैं, लेकिन हाँ, ओ लेकिन जो ग्लोबल फेलोशिप में जो आपने आउटगोइंग फेज लिया है वो मस्ट परमानेंट है होता है कि आपको उधर ही जाना है, उसको आप नहीं यू, चेंज कर सकते हो, ठीक ठीक है। है। असल में मेरे तो ख्याल से इसमें रूल ये था पीएचडी के लिए, तो ये था कि अगर आपकी सेकंड मैन को 1.5 साल से ज्यादा है तो चेंज करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपका फंड्स भी वहां पे जाने होते हैं। अगर होस्ट आपका एक है तो आप सेकंड मैन इजिली चेंज कर सकते हैं, लेस देन 3 मंथ्स है, 6 मंथ्स की है, शॉर्ट सेकंड मैन जिसे हम बोलते हैं, तो मेरे ख्याल से उनको चेंज करना मुश्किल नहीं है। लेकिन जब क्योंकि आप ये बता रहे हैं तो है जी, ही, हाँ इसमें तो है ही मैक्सिमम 6 मंथ्स ना, तो इसमें एग्जैक्टली, इतना डिफिकल्ट नहीं होता है कि सेकंड में अगर आप ऊपर नीचे कर लें कोई तो मसला नहीं। एक से ज्यादा भी रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक होस्ट इंस्टीट्यूट अच्छे वाला लिख दिया हमने मैंने दो और ली वहां पे रखी, ना, ठीक है, मेरी दो तो सेकंड थी, ठीक है, तो दो रखना ज्यादा अच्छा है या एक ही रखना ज्यादा अच्छा है? दो दो भी रख सकते हैं, क्योंकि मैंने एक एक कंपनी रखी थी, इंडस्ट्री रखी थी, और एक जो है यूनिवर्सिटी रखी थी। तो जी जो इवन मुझे जो इवेल्युएशन रिपोर्ट आई थी उसमें भी रिव्यूअर ने ये अच्छा ही कमेंट दिया था कि भाई इसने बहुत अच्छे दो सेकंडमेंट रखी जो बहुत रेलिवेंट थी, जो एकेडमिक्स को भी कवर कर रही थी, नॉन एकेडमिक डोमेन को भी कर रही थी, तो उसका नेटवर्किंग स्ट्रांग हो गई थी, और ये वो, तो वो एक पॉजिटिव वे में गया था वो, ठीक हो, ये भाई अच्छा था, ठीक ठीक है। तो हाँ, तो भाई प्रपोजल मैक्सिमम जो है वो 10 पेजेस, CV मैक्सिमम 5 पेजेस, ठीक है। और बाकी जो एथिकल एस्पेक्ट्स वगैरह के लिए कोई वो नहीं थी, कोई वो नहीं है कि कितने पेज का होना चाहिए। इसके अलावा जो है आपका पूरा प्रपोजल जो है 11 मिनिमम जो है फॉन्ट जो साइज है वो 11 होना चाहिए, और जो टेबल्स और जो गैंट चार्ट होगा उसमें मिनिमम आप 8 तक जा सकते हैं। और एक और बहुत जरूरी बात कि अगर आपने टेबल जबरदस्त, क्योंकि अब क्या होता है, क्योंकि 10 पेज में प्रपोजल लिखना बहुत मुश्किल है, बहुत ही ज्यादा मुश्किल, क्योंकि आप जब पहला ड्राफ्ट लिखते हो तो 15 पेज 16 पेज पे चला जाता है अगर आप ठीक से लिख रहे हो, तो उसको 15 पेज 10 पेज में लाने में बहुत मुश्किल होता है। तो लोग अक्सर क्या करते थे कि जानबूझ के जबरदस्ती टेबल्स बना देते हैं, क्यों, क्योंकि उसमें 8 फॉन्ट साइज अलाउ है, तो वो टेबल बना के उसी में सारा डाल डाल के काफी कुछ कर देते। तो अब इन लोगों ने फिर बाद में, ये काफी पहले ही इन्होंने फिर चेंज कर दिया था कि अगर आपने जबरदस्ती टेबल बनाया हुआ है तो ये जो है रिव्यूअर के पास अथॉरिटी है कि वो आपको ईमेल करेगा कि भाई ये 8 अलाउ नहीं है, ये आपने जबरदस्ती किया है, इसको दोबारा आप 10 करें, इसका फॉन्ट साइज सॉरी 11 करें, और फिर हमें वापस भेजें। तो जब आप उस टेबल का साइज आप 11 करेंगे तो आपका प्रपोजल 10 पेजेस से
एक्सीड कर जाएगा, और लेकिन आप एक भी चेंजिंग नहीं कर सकते, यानी इज एम आर भी चेंज नहीं कर सकते, आपको सिर्फ उसका फॉन्ट 11 करना है और आपको उनको सेंड करना है। तो आप जैसे उसको 11 करेंगे, आपका प्रपोजल 10 पेज से बाहर जाएगा, तो जो 11वां पेज है वो वैसे वो कट ऑफ हो जाएगा, तो यानी आपका प्रपोजल एक तरह का इनकम्प्लीट फिर चला जाएगा। तो तभी इसलिए बेहतर है कि जबरदस्ती के टेबल मत ऐड कीजिएगा, मिनिमम फॉन्ट 11 है वो रखें, टाइम्स न्यू रोमन नॉर्मली यूज करते हैं तो वो भी सही है, अच्छा रहता है, और जो टेबल्स हैं उसके लिए हम मिनिमम 8 यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें जो है स्कोर इवैल्यूएशन जो है वो 0 to 5 होती है, ठीक है। तो 0, 1, 2, 3 तो हटा ही दें, वो तो फजूल ही माने जाते हैं, लेकिन 4 और 5 जो है, 4 होता है वेरी गुड और 5 होता है एक्सीलेंट, लेकिन अगर आपको विन करना है तो आपको 4 और 5 के बीच में ही रहना होता है। लेकिन ये स्कोरिंग क्राइटेरिया क्या होता है, ये स्कोर आउट ऑफ 5 होता है, लेकिन हर सेक्शन का अलग अलग। मैंने जैसे स्टार्ट में बताया था, ये 3 चीजें आपको याद रखनी है, एक्सीलेंस, इम्पैक्ट, इम्प्लीमेंटेशन, ये तीनों हर जगह आपको यूज करना है। तो एक्सीलेंस का वेटेज 50% होता है, इम्पैक्ट सेक्शन का वेटेज 30% होता है, और इम्प्लीमेंटेशन का वेटेज 20% होता है। सो जस्ट फॉर एग्जांपल, अगर आपके एक्सीलेंस में आए 4.5, इम्पैक्ट में आए 4, इम्प्लीमेंटेशन में आए आपके पास 3.5, तो उनके वेटेड स्कोर जो है 50%, 30% और 20% वो आगे जो है वो ये बनेंगे, और टोटल आपका स्कोर बन जाएगा 4.15, जो परसेंटेज बनता है 83। मेरिक्यूरी के लिए थ्रेश होल्ड है 70 मिनिमम, लेकिन 83 में भी कभी आपको नहीं मिलेगी फेलोशिप। क्यों? क्योंकि जो भी जिनको भी मिलती है वो उनके 90 प्लस होते हैं, 92, 93, 95, 96, ऐसे स्कोर अगर आपके पास होंगे तो ही आपको मिलेगी नॉर्मली। और अगर आपने 85 क्रॉस किया लेकिन आपको फंड नहीं मिली, फॉर एग्जांपल आपके 86 आए, 87, लेकिन आपकी जो वो था, फॉर एग्जाम्पल आपने इंजीनियरिंग में अप्लाई किया, तो आपके डोमेन का जो थ्रेश होल्ड था उस साल 93 था फॉर एग्जाम्पल, लेकिन आपके 85 से ज्यादा थे, तो आपको एक सील ऑफ एक्सीलेंस मिलेगी। तो काफी कंट्रीज में सील ऑफ एक्सीलेंस की बहुत इंपॉर्टेंस है। वो क्या होता है कि इसका मतलब होता है कि आपका प्रोजेक्ट बहुत अच्छा था, आपका प्रोजेक्ट बहुत इनोवेटिव है, सब चीजें हैं, लेकिन ड्यू टू लैक ऑफ फंडिंग आपको पैसे नहीं मिल पाए। तो उस कंट्रीज में डिफरेंट और भी एजेंसीज होती हैं, फंडिंग बॉडीज होती हैं, जो कहती हैं कि ठीक है, जिनके पास सील ऑफ एक्सीलेंस है उनको मैरी क्यूरी नहीं मिली लेकिन हम फंड कर देंगे, ठीक है। ये जो है बेल्जियम में काफ़ी होता है, ये डेनमार्क वगैरह में भी, नॉर्वे, स्वीडन, इधर ये चीज़ें होती हैं, तो उधर सील ऑफ एक्सीलेंस को भी काफ़ी अच्छा माना जाता है कि ठीक है, इसके पास सील ऑफ एक्सीलेंस है, तो एटलीस्ट 85 से ज्यादा तो होने ही चाहिए, लेकिन कोशिश करें 90 से ही ज्यादा हो तो बहुत अच्छा है। और स्कोर के साथ साथ आपको एक इवैल्यूएशन समरी रिपोर्ट मिलती है, जिसमें तीनों सेक्शन के वीकनेस और स्ट्रेंथ मेंशन होते हैं, कि एक्सीलेंस की क्या वीकनेस थी, क्या स्ट्रेंथ थी, इंपैक्ट की क्या स्ट्रेंथ और वीकनेस थी आपके प्रपोजल में, और इम्प्लीमेंटेशन। बिल्कुल एंड में आप लोग मुझे याद दिलाएगा, मैं आपको एक इवैल्यूएशन रिपोर्ट भी दिखाऊंगा जो थी, और कि वो किस तरीके की होती है और उसमें क्या क्या मेंशन होता है, मुझे रिमाइंड करा दीजिएगा आप, ठीक है। तो ये तो था हमारा एक इंट्रोडक्शन के मैरी क्यूरी इंडिविजुअल फेलोशिप क्या है, किस तरीके की चीजें हैं। अब हम आते हैं भाई सेकंड सेक्शन की तरफ, एब्स्ट्रैक्ट राइटिंग। ये याद रखिएगा, एब्स्ट्रैक्ट बहुत छोटा सा ही होता है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि सबसे पहले जो चीज पढ़ी जाती है वही एब्स्ट्रैक्ट होता है। तो अगर तो एब्स्ट्रैक्ट में ही इंटरेस्टिंग ना हुआ तो यानी कि वो टर्न ऑफ है रिव्यूअर्स के लिए, भले आगे प्रपोजल बहुत अच्छा हो लेकिन अगर एब्स्ट्रैक्ट बहुत जबरदस्त नहीं हो तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, तो ध्यान रखिएगा। और एब्स्ट्रैक्ट का जो मेन पर्पस है वो क्या है कि ये फंडिंग एजेंसी जो है, जो यूरोपियन यूनियन है, वो रिव्यूअर्स सेलेक्ट करती है बेस्ड ऑन द कीवर्ड्स एंड योर एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है, जो मेन चीज है। तो अगर आपका एब्स्ट्रैक्ट बहुत वेग है और बहुत क्लियर नहीं है तो हो सकता है वो किसी गलत रिव्यूअर के हाथ आपका एब्स्ट्रैक्ट चला जाए, जो आपके डोमेन में बहुत एक्सपर्ट ना हो। और अगर ऐसा हो गया तो यकीन करें उसको तो आपका प्रोजेक्ट अगर समझ ही नहीं आया तो वो तो वैसे ही आपको बहुत ही मसले निकालता रहेगा कि ये भी नहीं, वो भी नहीं, ऐसा नहीं, वैसा नहीं। तो फंडिंग एजेंसी रिव्यूअर्स जो सिलेक्ट करती है वो प्रपोजल और कीवर्ड्स की बेस पे करती है, तो इसके लिए भी इसका एक बहुत अहम रोल है, ठीक है। और सबसे मेन चीज, द एब्स्ट्रैक्ट जो है बड़ा फर्स्ट इंप्रेशन होता है। अगर आप ये पहली लाइन
अगर देखें ये जो इसको तभी कहते हैं इसको जनरल और बोरिंग सा नहीं होना चाहिए, इसको डायरेक्ट और कंक्रीट होना चाहिए। इसका क्या मतलब है, अगर आप फर्स्ट वाला पढ़ें जो जो लिखा हुआ है वो बहुत ही आपको अजीब सा लगेगा। फॉर एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि इन अ नॉलेज बेस्ड एंड कस्टम ड्रिवन इकोनॉमी इट बिकम्स इंक्रीजिंगली इंपॉर्टेंट टू इंटीग्रेट हाई टेक्नोलॉजी इन टू कॉम्प्लेक्स गुड्स एंड सर्विस विच आर गियर टूवर्ड्स इंडिविजुअल यूजर रिक्वायरमेंट्स। आई मीन ये तो कुछ ना समझ में आया ना बड़ा फैंसी सा लग रहा है कि वो पता नहीं क्या कहना चाह रहा है। लेकिन अगर इसके नीचे वाला आप देखें, अगर आप इसी बात को या किसी दूसरी बात को आप इस तरह लिखेंगे, वी प्रपोज टू डेवलप अ न्यू इंटीग्रेटेड सेल्फ एडजस्टिंग नैनो इलेक्ट्रिक सेंसर बेस्ड ऑन फंक्शन लाइक दिस 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 द मल्टी फंक्शनल सेंसर माइक्रो मॉड्यूल विल कंसिस्ट ऑफ एक्स एंड वाई इट विल बी केपेबल ऑफ जेड एंड जे। यानी कि आपने बहुत डायरेक्ट बोला, बहुत कंक्रीट बोला, बहुत क्लियर बोला। तो ये चीज बहुत जरूरी है, कोई बहुत कोई बोरिंग सा और कोई बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड और कॉम्प्लेक्स सा नहीं बनाइएगा, सिंपल सा रखना है हमें एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, और एब्स्ट्रैक्ट में ये जो है ये 8 पॉइंट हमें कवर करने हैं। सबसे पहला फ्रेम, फिर गैप, फ्रेम यानी कि प्रॉब्लम क्या है और ये इंपॉर्टेंट क्यों है। फिर दूसरा पॉइंट आता है गैप कि ठीक है ये तो प्रॉब्लम है और लेकिन अभी आजकल में मसला क्या है, यानी क्या ऐसा रिसर्च गैप मौजूद है जिसको आप फिल करना चाहेंगे। फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स आ जाएंगे जिसमें आप बताएंगे कि ये गैप है और मैं इसको इस तरह फिल करूंगा। फिर मेथडोलॉजी बतानी है आपने कि भाई आप जो ऑब्जेक्टिव आपने ऊपर बताया है तो वो उसके लिए आप क्या मेथडोलॉजी अडॉप्ट करेंगे। उसके बाद इम्पैक्ट के भाई ठीक है इस प्रोजेक्ट का इम्पैक्ट क्या होगा। और देन इसके बाद जो है रिसोर्सेज, रिसोर्सेज मतलब के सॉरी कि ये सुपरवाइजर और ये यूनिवर्सिटी आपके लिए बेस्ट क्यों है। और लास्ट रेलिवेंस टू वर्क प्रोग्राम यानी कि ये प्रोजेक्ट आपके आपको आपकी ट्रेनिंग के लिए कैसे बेनिफिट होगा। ये याद रखिए मैरी क्यूरी इज नॉट अबाउट द प्रोजेक्ट, इज नॉट ओनली अबाउट द रिसर्च, इट्स मोर अबाउट योर ट्रेनिंग एंड रिसर्च। तो इसका ये है कि ज्यादा से ज्यादा कि आप डेवलपमेंट फेज में हो, आप बहुत ज्यादा नया सीखो भी और आप अच्छी रिसर्च भी करो, तो ये इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो इसका बहुत जरूरी ध्यान रखिएगा। और जो एब्स्ट्रैक्ट है वो 2000 कैरेक्टर्स अलाउ होता है इंक्लूडिंग इंक्लूडिंग सॉरी 2000 वर्ड्स। हाँ वो आई थिंक सो, हाँ सॉरी 2000 कैरेक्टर्स अलाउ है विद स्पेसेस। और जब आप फर्स्ट टाइम लिखेंगे एब्स्ट्रैक्ट वो ऑब्वियसली 2000 कैरेक्टर से ज्यादा ही होगा, लेकिन फिर आप उसको कट शॉर्ट करके उसको कम में ला सकते हैं। अब जो है आप लोग सिर्फ 5 मिनट लें। अच्छा ये इसमें पॉइंट देख लें कौन कौन से हैं, फ्रेम, गैप, ऑब्जेक्टिव, मेथड, इंपैक्ट, रिसोर्सेस, रेलेवेंस टू द वर्क प्रोग्राम। तो ये 7 पॉइंट बनते हैं फ्रेम से लेके। अब ये जो है ये एक विनिंग प्रपोजल यानी ये मेरा वाला प्रपोजल का एब्स्ट्रैक्ट है। तो इसमें जो येलो हाईलाइट है वो मैंने लिखा हुआ है ऊपर, फ्रेम, देन गैप, देन ऑब्जेक्टिव, मेथड, इंपैक्ट और रिसोर्सेज, देन रेलेवेंस टू द वर्क प्रोग्राम। और ये टोटल 1998 करेक्टर्स थे। अभी जरा 2-3 मिनट लें आप लोग, जरा इसको एक दफा हर कोई अपने तौर पे रीड आउट कर ले, मैं फिर इसको आगे आपसे कंटिन्यू करता हूँ। अहमद भाई, यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहूंगा जी कि जी बोले नमाज बोले आप। नमाज ब्रेक मेरे ख्याल से पाकिस्तान में नमाज का टाइम भी है अभी, तो मेरे ख्याल से 10 मिनट नमाज ब्रेक दे देते हैं। मीनवाइल जो लोग पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए हैं दूसरे, अभी मुझे मैसेज रिसीव हुआ है कि 10 मिनट तक मगरिब की नमाज ब्रेक है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। वो अच्छा अच्छा सॉरी सुबह तो इधर हो रही है। हाँ हाँ ठीक जी, है हाँ ठीक जी, हाँ जी। है। अच्छा अच्छा मैं कौन सुबह 8 बजे कौन सी नमाज होने वाली है। ठीक नहीं, है वो ठीक है, पाकिस्तान के अलावा भी काफी लोग बैठे हैं, तो वो मेन सही है वाइल सही है। ये इसको पढ़े, तो नहीं पांच जब भी, मिनट की बजाय हम 10 मिनट जब ले भी रहे हैं बीच अभी। में ब्रेक लेनी हो कुछ भी हो मुझे आप लोग बता दो, मैं कर लूंगा। लेकिन 5 मिनट में ये आप लोग जरा पढ़ लें और जी फिर जो भी करना है वो फिर मुझे बताइएगा, मैं कंटिन्यू करूंगा उस चीज को। जी जी प्लीज। भाई सब पढ़ना, बैठे नहीं रहना भाई आप सब। ये बड़ी बात है अहमद भाई, आप अपना जो विनिंग प्रपोजल है वो आपने उठा के यहाँ पे रख दिया। अब भी ना पढ़े तो फिर इनकी मर्जी है। नहीं बिल्कुल सही बात है। जो लोग टेम्पलेट 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 की बातें करते हैं कि टेम्पलेट दे दें हमें, टेम्पलेट कैसा कैसा होना चाहिए, अपना दे दें, तो ये देखें जी, हमने पहले ही रख दिया है और सब मैंने सब उसको सेक्शंस हाईलाइट। में डिवाइड कर बिल्कुल दिया है आप लोगों के लिए, कि आप लोग सही से देखें कि क्या क्या किधर था। तो प्लीज जी पढ़ लें तो जरा।
अहमद भाई, मेन वाल यहाँ पे एक क्वेश्चन आया कि आई हैव अ क्वेश्चन दैट दिस इज बेटर टू कं इज दिस बेट इज इट बेटर टू कंसल्ट विद सम प्रोफेसर एंड प्रिपेयर प्रपोजल विद हिज हेल्प और टू सबमिट प्रपोजल इंडिविजुअली। पहली बात तो मेरे ख्याल से ये है कि ये प्रोफेसर के बिना तो आप अप्रूव करके कर ही नहीं कर सकते ना, तो आपको यूनिवर्सिटी से होस्ट लेटर चाहिए, और जब तक वो प्रोफेसर नहीं आपके साथ मिलकर अप्रूव करता प्रपोजल तो ये नहीं हो सकता। मतलब ये बिल्कुल है कि आपने पहला अपना ड्राफ्ट बना के प्रोफेसर को भेजना है, फिर उसकी एग्जैक्टली एक्सेप्टेंस चाहिए होगी, यानी उसकी एक्सेप्टेंस से मुराद है यूनिवर्सिटी की एक्सेप्टेंस। और मेरे ख्याल से यूरोप के अंदर आधे से ज्यादा प्रोफेसर जो है ना वो इजीली आपको दे देते हैं, क्योंकि हर बंदा तो इवन के मेरा रिसेंट जो प्रोफेसर है उन्होंने लिख के लगाया अपने रिसर्च गेट पे, इफ समबडी वांट्स टू अप्लाई फॉर दिस जस्ट कॉन्टेक्ट मी ऑन दिस ईमेल। तो ये तो पीछे भाग रहे होते हैं कि कोई बंदा लिखे प्रपोजल। आप क्या बिल्कुल कहना चाहेंगे अहमद भाई इस पर? ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसी बात है कि लेकिन हाँ, अगर वो बहुत अच्छे स्टैंडर्ड का नहीं होगा तो वो, जब आपका ड्राफ्ट अगर जाता है और बहुत ही लो लेवल का होगा तो वो मना कर देते हैं, क्योंकि उनको भी पता होता है कि क्या लेवल है प्रोपोजल का और रिक्वायरमेंट का, तो वो मना कर देते हैं कि कुछ प्रोफेसर्स मना कर देते हैं, वरना कुछ कहते हैं अच्छा ठीक है सबमिट कर दो, लेकिन अगेन आप बगैर प्रोफेसर के तो आप सबमिट कर ही नहीं सकते हो ना, क्योंकि जब आप लिखोगे वो। अच्छा हाँ, एक और बात मैं मेंशन करना सॉरी भूल गया कि कुछ यूनिवर्सिटीज में प्रोपोजल सबमिट उनके रिसर्च ऑफिस करते हैं, उधर सबमिट आपको करना अलाउ ही नहीं होता, कि क्योंकि मैरी क्यूरी में कि जब आप लॉग इन अकाउंट बनाते हैं तो उसमें एक ऑप्शन होता है कि आप किस किस को एक्सेस देना चाहते हैं, तो कुछ यूनिवर्सिटीज का ये रूल है कि वो कहते हैं कि हमारे फलाना रिसर्च डिपार्टमेंट का फलाने जो हैं मैनेजमेंट के लोग, आप उनको ऐड करें एक्सेस में, और जो फाइनल सबमिट बटन है, यानी लिटरली ये चीज होती है कि सबमिट बटन आप नहीं दबाओगे,
सबमिट बटन यूनिवर्सिटी वाले दबाएंगे, कुछ जगहों पे होता है। मेरी मेरे हिस्से में, मेरे उसमें नहीं हुआ था ऐसा। डीटीयू वाले ये नहीं कहते, वो कहते हैं हाँ बस प्रोफेसर के साथ मिलके पूरा प्रपोजल बन गया, सब सही हो गया तो ठीक है आप सबमिट कर दें। लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज मैंने काफी देखा है ये चीज कि उधर वो लोग अप्लाई, वो लोग सबमिट करते हैं। तभी आप पहले उनसे पता भी कर लेना कि उनका क्या है, रूल्स रूल्स क्या हैं? बिल्कुल क्या है। सॉरी ये चीज मैं पीछे स्किप कर गया, लेकिन ये मैंने कहीं लिखा था और ये मैंने बोलना भूल गया शायद। हाँ, ये जो है ना फेमिलराइज विद योर सेल्फ विद द सबमिशन प्रोसेस, तो इसमें जो पहला पॉइंट है अगर आप देखें, इट इज रिकमेंडेड टू डिस्कस विद योर होस्ट ऑर्गेनाइजेशन सुपरवाइजर व्हाट इज द प्रेफर्ड प्रैक्टिस इन टर्म्स ऑफ सबमिशन ऑफ द प्रपोजल। तो ये वही बात है कि उनसे आप पूछ लें कि उनकी क्या कॉमन प्रैक्टिस है, कि वो क्या यूज करते हैं। और रजिस्ट्रेशन के वक्त, अकाउंट बनाने के वक्त एक PIC नंबर होता है हर यूनिवर्सिटी का, वो भी आपको डालना होता है जब आप अकाउंट बनाते हैं और आप प्रपोजल के लिए स्टार्ट करते हैं। तो ये PIC नंबर भी आपको वो यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी देगी, यूनिवर्सिटी तो इसका देगी। मतलब ये मेरा हुआ कि प्रोफेसर जो है वो, उनको पता होना चाहिए कि चल क्या रहा है बिल्कुल यूनिवर्सिटी के बिल्कुल अंदर। अगर उनको नहीं पता एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसेस का, तो वो, उनके चांसेस कम हैं जो बिल्कुल प्रपोजल को बिल्कुल टाइमली अप्लाई करने के। सेकेंडली, बेहतर ये होता है कि अगर किसी का विनिंग प्रपोजल ऑलरेडी उसकी लैब में काम कर रहे हैं कुछ लोग इस प्रोजेक्ट पे। नहीं देते, नहीं 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 देते। नहीं नहीं ये यही मैं पूछने जा रहा हूँ कि अगर कोई, फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक जगह पे अप्लाई करना चाह रहा हूँ और उस बंदे के पास ऑलरेडी एक मारी क्यूरी पोस्ट डॉक फेलो काम कर रहा है उसी लैब के अंदर, तो सिलेक्शन के चांसेस क्या हैं? मैं वही बता रहा हूँ कि अब जैसे फॉर एग्जांपल हमें वो जो वर्कशॉप हुई थी DTU में, तो मैं गया तो उन्होंने हमें दो विनिंग प्रपोजल दिए वर्कशॉप में। और उससे पहले जो है वो एक एक्ट ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी लिखवाया, जिसमें यह था कि अच्छा वो दो प्रपोजल हम ना बाहर ले जा सकते थे, ना उसका कुछ लिख सकते थे कहीं, ना उसकी तस्वीर खींच सकते थे। वो सिर्फ उधर ही पढ़ा और उन्होंने उसी वक्त उधर ले लिया। वो भी सिर्फ वर्कशॉप वालों के लिए था जो वर्कशॉप में आए थे, वरना ये इनका बहुत बहुत ज्यादा वो है कि ये अपने विनिंग प्रपोजल्स कभी किसी को नहीं देते, कभी नहीं ठीक देते। है। अच्छा, क्वेश्चंस काफी आ रहे हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज हैंड रेज करके क्वेश्चन खुद पूछें, इससे थोड़ा यार इंटरेक्टिव। अमार सॉरी मैं आपको बात काट रहा हूँ यार, ये जो स्क्रीन में येलो किसी ने कुछ लगा दिया था वो हट सकता है हाँ क्या? जी, मैं अभी कोशिश करता हूँ। आप ऐसा करें, स्क्रीन स्टॉप करें, स्टॉप दोबारा आए, करूँ? हाँ बल्कि रुके, मैं इसका कुछ करता हूँ अभी, वो जस्ट बहुत लेट मी सी। बुरा लग रहा है, वो पूरी रिकॉर्डिंग में साथ साथ कोई बात नहीं घूमता है, हाँ हम पाकिस्तानी हैं तो चलता है, आपको पता है। है। मुझे अच्छा नहीं लग रहा वो असल स्क्रीन पे ना। चलें 1 मिनट, अब आप दोबारा से शेयर कीजिए अपनी स्क्रीन, बल्कि पहले क्वेश्चन ले लें मेरे ख्याल से ऐसे। हाँ मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ, किधर है भाई क्वेश्चंस? जी प्लीज बोलिएगा, आप अक्सर अरशद अपना क्वेश्चन पूछिएगा। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम जी। मेरा क्वेश्चन ये है कि जब सुपरवाइजर ने ऐड कर दिया है पोर्टल पे, तो पोर्टल पे जो अपना जो पर्सनल प्रोफाइल अपडेट करने का सेक्शन है, तो क्या वो कंप्लीट करना जरूरी है? वो भी कोई देखता है या फिर जस्ट जो हम CV अपलोड करेंगे सेक्शन B2 में, दैट इज जस्ट इनाफ? नहीं, सब कुछ, हर चीज, पूरी पूरी चीज फिल करनी, कुछ छोड़ना नहीं है भाई। ओके नहीं, कुछ छोड़ना नहीं है, कुछ भी नहीं छोड़ना। और वैसे क्यूरियोसिटी है, मुझे जानना चाहूंगा वो आप सेक्शन छोड़ना क्यों चाह रही हैं। वो एक्चुअली डिटेल काफी टाइम कंज्यूमिंग था, इसलिए मैं कह रही थी कि प्रोफाइल क्या कंप्लीट बात करना है, जरूरी नहीं है। नहीं आपने ये तो बहुत ही अजीब बात कर दी। टाइम कंज्यूमिंग से अगर आप भाग रही हैं तो फिर ये चीजें आप लोगों के लिए वैसे ही नहीं होगी भाई। तो ये मैं पहले बता दूं, ये एक्सट्रीम टाइम कंज्यूमिंग काम होते हैं, तो इस चीज से नहीं भागो कभी, प्लीज ये रिक्वेस्ट है आप लोगों से। ठीक ये मत ठीक देखें, ये जो मैंने आज आप लोगों के लिए प्रेजेंटेशन बनाई है, इसमें मुझे जितना टाइम लगा है ना इसको बनाने में, और जहां जहां से मैंने डेटा लेना पड़ा है किस किस से, वो मैं जानता हूँ। मैं भी ये कर हाँ सकता था कि मैं कहूँ कि भाई बहुत कोई छोटी सी ऐसे ही कुछ बना के दे दो, नहीं क्या नहीं फर्क पड़ता है। बहुत अच्छी बनाई हुई है और बहुत सिस्टमेटिकली ये तो गाइड मैं कर रहे वही हैं। कह रहा हूँ, ये मत सोचें कि बड़ा मुझे वियर्ड लगा, टू बी ऑनेस्ट, कि वो छोटा सा स्टार्टिंग का सेक्शन आप कह रहे हो मुझसे डिटेल मांग रहे हैं तो मैं छोड़ दूं। नहीं, वो जो जिसमें सारी पब्लिकेशंस अपनी अपलोड करनी सब है, करियर डालें जो मांग रहे हैं, डिटेल्स। अगर अगर हाँ मांग रहे हैं डालें, अगर मांग रहे हैं। और लेकिन मुझे ये नहीं पता कि ये आप कहाँ, कौन से पोर्टल में आप देख रही हैं कि जो पब्लिकेशंस भी आपकी मांग रहे हैं, तो पर्सनल कंफर्म प्रोफाइल में करें।
यही पर्सनल प्लान है। यूरोपियन होराइजन नहीं तो पे अगर मिस अगर वो होराइजन मांग ने रहे ट्राई हैं किए, अपलोड करें, अगर वो मांग तो रहे उसमें सेक्शंस हैं हैं अपनी पर्सनल ठीक डिटेल्स है अपलोड यार करने के। आपने किए थे सारे मुझे करनी अपने सर्च है, पेपर्स एंड एवरीथिंग? 3 साल हो गया तो एग्जैक्ट ये बात याद नहीं है कि मैंने वो चीजें अपलोड की थी, लेकिन अगेन मैंने अगर अपलोड की थी या नहीं की थी छोड़ दें, आप करें ठीक ओके थैंक है, करें यू। छोड़ें कुछ भी नहीं, वेलकम। ठीक है थैंक यू। जी अहमद भाई, नेक्स्ट जो हैं पार्टिसिपेंट उनका माइक अनम्यूट करने की रिक्वेस्ट कीजिएगा आप प्लीज, भाई मेरे यहाँ पे कोई म्यूट कर ग्लिच दो। आया हुआ। कौन है भाई, नाम क्या है उसका? जिनका हैंड रेज है, मेरे यहाँ पे स्क्रीन शो नहीं हो रही, मेरे ख्याल से यहाँ पे कोई ग्लिच आ गया। हाँ अच्छा, तो ये अक्सा अरशद का हो गया ना? हाँ जी हाँ जी, नेक्स्ट का कीजिएगा, अगला है तहा आस्क टू अब्बास अन, बिन। हाँ जी इनको आस्क टू अनम्यूट करें आप। ओके हाँ भाई करते हैं भाई। अस्सलाम वालेकुम अभी, कैसे हैं वालेकुम आप? भाई, हम ठीक है। जी अच्छा, थैंक यू सो मच, आपने ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की। मुझे थोड़ा सा, एक तो आपको थोड़ा सा डिस्कस करना था कि मैं ग्रेजुएट हूँ केमिकल इंजीनियरिंग में, पीएचडी की भी है, और लास्ट ईयर की, लेकिन मैंने की शंघाई से। और सिचुएशन आपको पता होगी कि हम 2020 से पाकिस्तान में ही थे, ठीक है तो मैं इस सेंस में लकी था कि मैंने अपनी अपनी पब्लिकेशंस कंप्लीट कर ली, लेकिन वो पब्लिकेशंस 2.5 साल की मेरी पीएचडी का काम हुआ था, बाकी 1.5 साल 2 साल मैं घर में ही रहा। तो वो पब्लिकेशन सही मेरी है बहुत कम है, 4 पब्लिकेशन है मेरी, लेकिन मेरे पास पीएचडी डिग्री आ गई है। ठीक फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये पूछना होगा कि ये पब्लिकेशंस क्या मेरे लिए इशू खड़ा करेंगी आगे मेरी क्यूरी के पोस्ट डॉक के लिए। और सेकंड ये पूछना आपसे कि जो है, अगर मैं इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड में जाना चाहूँ, वो थोड़ी सी हटके हो, केमिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड ना हो, बट क्योंकि वो सिमुलेशन से रिलेटेड ही है, मेरी पीएचडी भी सिमुलेशन में है, तो क्या ये मुझे मुझे इस तरफ जाना चाहिए? क्योंकि मैं जाना तो चाहता हूँ, लेकिन देखिए मेरे लिए कोई जो एक्सेप्टेंस मेरी एक प्रोबेबिलिटी है वो इसकी कम तो नहीं हो जाएगी। समझ गया और आपका बात। थर्ड और एक मिनट लास्ट एक मिनट क्वेश्चन ये एक कि, मिनट, ताहिर भाई दो बहुत है मेरे ख्याल से, पीछे भी लाइन लगी और हमारे पास टाइम कम है। थैंक यू। ओके जी प्लीज दीजिएगा ओके आपका जवाब ओके दे देता हूँ। तो पहली बात तो ये कि पहला सवाल भूल गया। यही बात है, आप दूसरे का जवाब दें। पब्लिकेशन की बात कर रहे हैं कि वो हाँ, वो पब्लिकेशन पब्लिकेशन, आपने पहले पब्लिकेशन की बात की थी, तो मैं ऐसे बंदों को भी जानता हूँ जिनकी 2 पब्लिकेशन थी और उनको मैरी क्यूरी इंडिविजुअल फेलोशिप मिल गई। ठीक है, मैरी क्यूरी इंडिविजुअल फेलोशिप में अगर आपका प्रपोजल तगड़ा है ना, तो यानी कि मैं इस साल इवेलुएटर भी था, तो मैंने एक बंदे को जो हम लोगों ने ग्रांट की, उसकी 3 पब्लिकेशन थी। ठीक है, और भी ऐसे बहुत केसेस होते हैं, तो 2 इट्स फाइन, अच्छी हो ठीक है 2 हो, लेकिन आपका प्रपोजल बहुत तगड़ा हो तो आप क्लिक कर सकते हो। दूसरी जो इंटरडिसिप्लिनरी का बोला, तो मैरी क्यूरी का काम ही इंटरडिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट है, ये आगे आने वाला है। ठीक है, इंटरडिसिप्लिनरी मल्टीडिसिप्लिनरी, वो चाहते हैं कि आप कुछ नया करो, लेकिन ये नहीं कि मैं फिजिक्स का हूं तो मैं केमिस्ट्री में चला जाऊं या बायो में चला जाऊं। लिंक बनना चाहिए। लिंक होना चाहिए, आपकी केमिकल इंजीनियरिंग की डिग्री है, आप उसकी एप्लीकेशन कहीं कर रहे हो कि भाई ठीक है मैंने ये किया हुआ है, मेरे ये रिसर्चेस या जो भी हुआ हुआ है, अब मैं इसको इधर इंप्लीमेंट करना चाह रहा हूँ अपनी एक्सपर्टीज। ये नहीं कि बिल्कुल ही कुछ नया के मुझे मजा आएगा, ठीक है ऐसा नहीं, लेकिन हाँ अगर उसकी एप्लीकेशन है गो फॉर इट। ठीक एक है और बात है अहमद भाई, यहाँ पे कि सेकंड बताइए। माइंड रखते ही बंदा इस वजह से है कि आपके इंटरडिसिप्लिनरी एक्शंस के तौर पे आप काम करें, कोई आपका पार्ट एक ऐसा हो जो शायद किसी कंपनी में चल रहा है और जो रिसर्च में नहीं है, तो आप उस गैप को ब्रिज करने बैठ जाएं कि ठीक है हम अप्लाइड नेचर की तरफ लेके जा रहे हैं, हाँ ये बात भी लाइक बिल्कुल सही वे है, प्रोडक्ट लेकिन डेवलपमेंट होगी समथिंग लाइक दैट। लेकिन इसके अलावा मैरी क्यूरी का मेन प्रपोजल भी आपका इंटरडिसिप्लिनरी ही होना चाहिए। अगर आपने बिल्कुल सिर्फ वही रखा हुआ है जो आपकी पिछली एक्सपर्टीज चली आ रही है, तो आपको नहीं मिलेंगी। ये भी याद रखिएगा कि इसको इंटरडिसिप्लिनरी होना मैंडेटरी है प्रोजेक्ट को। ये अभी मैं आगे बताने वाला हूँ कि अगर आपने वही चीजें रख ली तो फिर नहीं मिलेगा। अगर आप केमिकल इंजीनियरिंग जो आपकी एक्सपर्टीज है, आप उसी में अभी भी कहोगे मैं उसी में रहना चाहूँ, तो वो कहेंगे नहीं। ठीक है बिल्कुल चलो बिल्कुल ये चीज़ है। ठीक है नेक्स्ट नेक्स्ट चलते क्वेश्चन। हैं। इकराम भाई प्लीज क्विकली एक क्वेश्चन पूछेगा। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब वालेकुम मेरा नमस्कार। सवाल है प्रोजेक्ट के ट्रेंड के हवाले से, यानी कि आप जब एक्सेप्टेंस किसी सुपरवाइजर से ले लेते हो
तो उसके बाद क्या ट्रेंड है कि वो आपको प्रोजेक्ट का एक आइडिया बताएगा, या वो किस चीज़ में इंटरेस्टेड है वो बताएगा, या आप अपना कोई उसे आइडिया, इनोवेटिव आइडिया उसे प्रेजेंट करो कि जी मैं इस पे काम करना चाहता हूँ, आपका क्या ख्याल है, इस हवाले से बताइएगा। मैरिक्यूरी इंडिविजुअल में 95 या उससे भी ज्यादा परसेंट आइडिया आप ही का होना चाहिए, ठीक है? तो ये नहीं कि आप उनको आइडिया दो और वो यानी आप उनसे बोलो कि भाई आप हमें आइडिया दें, तो वो तो खुद ना रिसर्च फंडिंग प्रोफेसर भी बड़े लिख रहे होते हैं, उनकी अपने आइडियाज अगर हैं तो नॉर्मली वो खुद ही रखेंगे, या अगर उनके अपने आइडियाज के ऊपर पहले ही फंडिंग है तो वो उस पर पोस्ट डॉक हायर करेंगे या कुछ ऐसा। तो आइडिया आपका होना चाहिए, आप उनको अप्रोच करो कि भाई मेरे पास ये आइडिया है और मैं मैरी क्यूरी इंडिविजुअल फेलोशिप में अप्लाई करना चाहता हूँ। तो फिर वो अगर उनको अच्छा लगा आइडिया और आपकी प्रोफाइल, तो वो कहेंगे ठीक है गो फॉर इट। और हाँ, तो आई थिंक दैट्स फाइन। जी ठीक हो गया। नेक्स्ट है मोहम्मद फारूक। जी फारूक भाई, थैंक यू फॉर योर प्रेजेंटेशन। एक्चुअली मैं साउथ कोरिया में हूँ सिंस लाइक 10 ईयर्स, और बीइंग असिस्टेंट प्रोफेसर यहाँ काम कर रहा हूँ। सही है। तो एक्चुअली वांट टू मूव इन यूरोप। तो जिस तरह मैरी क्यूरी का एक बड़ी हमने सुना है कि बड़ा जबरदस्त है, सॉरी इन शॉर्ट के क्या कोई ऐसा हो सकता है कि मैरी क्यूरी हम कोरिया में रह के कोई कोलेबोरेटिव कोई इस तरह का प्रोजेक्ट ले सके, नंबर वन, ये एक मेरा क्वेश्चन है। सेकेंडली कि ये मुझे चूंकि बिल्कुल नहीं यूरोप का आइडिया, तो ये मैरी क्यूरी फ्लैगशिप और होराइजन वगैरह ये सब एक ही है, इसको थोड़ा सा काइंडली डिस्टिंग्विश कर दीजिएगा। जजाक अल्लाह। नहीं है, ठीक है, पहले तो आप वो कोलैबोरेटिव नहीं बना सकते, कोरिया को रख के कुछ कर दें तो नहीं, ये पॉसिबल नहीं है, ये पहला सवाल। और दूसरा कि मैरी क्यूरी के अंदर ही बहुत सारी चीज़ें हैं, तो अगर आप मैरी क्यूरी के एक्सचेंज प्रोग्राम्स भी हैं, स्टाफ एक्सचेंज प्रोग्राम्स हैं, बहुत सारे डिफरेंट प्रोग्राम, तो ये वाला जो है ना, अगर ये स्पेसिफिकली है मैरी क्यूरी इंडिविजुअल फेलोशिप, और इंडिविजुअल फेलोशिप के अंदर दो होते हैं, यूरोपियन फेलोशिप और ग्लोबल फेलोशिप, सो दैट्स इट। इसके अलावा अगर आप कुछ और कुछ भी देख रहे हैं, तो वो कोई अलग डोमेन है, वो कोई अलग इटसेल्फ कोई प्रोग्राम होगा, जो अगर आप अप्लाई करना चाहें तो आप कर सकते हैं, लेकिन वो ये प्रोग्राम नहीं होगा। मैरी क्यूरी के वैसे बहुत सारे डिफरेंट किस्म के प्रोग्राम होते हैं। असल में जो होराइजन 2020 या होराइजन 2025 है, ये एक प्रोजेक्ट है यूरोपियन कमीशन का। जितने यूरोपियन यूनियन के अंडर टैक्स पेयर्स हैं वो इस रिसर्च बजट को एक जगह पे इकट्ठा करते हैं, देन दे फाइट फॉर फंडिंग। ठीक है, तो वो प्रोजेक्ट लिखते हैं, जैसे ITN PhD के प्रोजेक्ट्स हैं, इसी तरह मैरी क्यूरी इंडिविजुअल पोस्ट डॉक फेलोशिप है। इंडिविजुअल से नाम इसका चेंज होकर पोस्ट डॉक्टर फेलोशिप हो गया इस साल। ये दो दो हैं जिसमें ग्लोबल और ये पोस्ट डॉक्टर फेलोशिप है जो यूरोपियन है। और इसके अलावा आपकी बहुत सारी, आप इसकी मैरी क्यूरी की साइट पे जाएं, होराइजन 2020 या होराइजन 2030 आगे भी आ रही है, एक और आ रही है होराइजन, खैर जो भी उसका नाम नहीं मेरे माइंड में आ रहा। तो आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी जहां पे आप कोलेबोरेशन कर सकते हैं। ERC की ग्रांट भी है, यूरोपियन रिसर्च काउंसिल की, और पाकिस्तान में NUST में एक दो प्रोफेसर हैं जिन्होंने विन भी की है कोलेबोरेशन के बाद। तो इस तरह की बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है, आप वो सर्च आउट करके आप उस पर देख सकते हैं। नेक्स्ट लेकिन हम चलते हैं। इंडिविजुअल, हाँ, लेकिन इस इंडिविजुअल में आप नहीं कर सकते, कोरिया नहीं के नहीं इसमें नहीं, साथ डिफरेंट उसमें आप कर सकते होंगे, लेकिन बिल्कुल इसमें नहीं कर सकते हाँ बिल्कुल जी, साहब। क्योंकि वो खुद कोरिया में है अभी, वो अगर यहाँ पे आके 5 साल रहते हैं तो देन दे कैन चूज कोरिया फॉर ग्लोबल फेलोशिप, और बिल्कुल उसके बिल्कुल, चांसेस जो है उस पर वो डिपेंड फिर करते हैं। अलग चीज है। जी बिल्कुल। इफ्तखार अली। जी इफ्तखार सर, वालेकुम अच्छा सलाम जी, बोलिएगा प्लीज। सर, मेरा भी जो थीसिस है वो फाइनल स्टेज पे है, डिफेंस होना बाकी है, फॉरेनर रिलेशन की। तो मेरी अभी रिसेंटली सिर्फ 2 पब्लिकेशन, तो इसका काइंडली थोड़ा स्ट्रेस करते हैं कि क्या मुझे अप्लाई करना चाहिए। डिफेंस कब है आपका? प्रॉबली नवंबर दिसंबर में। नहीं, फिर आप नहीं कर सकते, आपको 14 सितंबर से पहले पहले आपका डिफेंस होना चाहिए। लेकिन लेकिन दैट्स फाइन, आप अभी सीखो, क्योंकि अभी सीख के करने में भी टाइम लग ही जाता है, तो अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करो, और वैसे भी चीजें भी आप देखो तो आपको पता चलती रहेंगी, और अपने आप को मेंटली नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर करें, परफेक्ट है ये ठीक भी, है। ठीक है? अहमद भाई, दो तीन क्वेश्चंस हैं, मैं वो आपसे पूछता हूँ जो चैट में आए हुए हैं, कि क्या हम सेकंडमेंट के लिए यूरोप से बाहर भी कोई कंट्री रख सकते हैं पोस्ट डॉक्टर फेलोशिप के अंदर? नहीं रख नहीं सकते, नहीं ठीक है। नहीं
अरे स्मिथ कुड भी, मेरे ख्याल से सेकंड मैन के लिए आप जा सकते हैं, क्योंकि सेकंड मैन का बजट होता है कि आप यूरोप से बाहर मूव कर सकते हैं फॉर शॉर्ट सेकंड मैन, जो 3 वीक की होती है इफ आई एम नॉट रॉन्ग। वो सेकंड मैन नहीं है, वो शॉर्ट विजिट है, वो शॉर्ट विजिट है, वो आप कर सकते हैं, मतलब 15 दिन के 3-4 कर लें आप, वो 2 हफ्ते के लिए आप चले जाओ कहीं भी, लेकिन वो उसका कोई इतना इंपैक्ट भी नहीं पड़ता आपके प्रपोजल में। असल चीज सेकंड मैन होती है, तो वो तो 2 हफ्ते के लिए कहीं भी आप जा सकते हो, तो कॉन्फ्रेंस या कोई समर स्कूल भी महीने के हो जाते हैं, तो वो तो एक अलग बात है, लेकिन सेकंड मैन नहीं कर सकते आप। ठीक हो गया। और कैन वी अप्लाई फॉर मल्टीपल होस्ट, सॉरी मल्टीपल होस्ट के साथ मिलके अप्लाई कर सकते हैं या एप्लीकेशन देनी होगी? एक ही होगा होस्ट, एक ही होगा, बाकी सेकंड मैन होगा दूसरा। ठीक है, मतलब फंडिंग जो है जैसे आईटीएन में 50-50 ट्रांसफर होती है, यहां पे नहीं होगी कुछ भी, एक ही दो, वो एक ही के पास होगा। चलिए ठीक हो गया जी। अहमद भाई आप कंटिन्यू कीजिए साथ प्लीज। ठीक है मैं कंटिन्यू करूँ ना हम भाई, अब ओके मैं शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पे बाकी सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर हम प्रेजेंट करें यहाँ पे तो आप प्लीज एनोटेट ना करें, अदरवाइज जो बंदा एनोटेट कर रहा है यहाँ पे बैठा स्क्रीन खराब कर रहा है अहमद भाई जो शेयर कर रहे हैं, तो फिर मैं उन्हें फिर जूम मीटिंग से निकाल दूंगा, फिर अच्छी बात नहीं है ना, फिर यहाँ पे बता भी दूंगा कि कौन था। ठीक है जी अहमद भाई आप कंटिन्यू करें प्लीज। अच्छा चलें, अब आप लोगों ने अगर ये एब्स्ट्रैक्ट पढ़ लिया है तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि शुरू की जो 2-3 लाइन है उसमें फ्रेम था, ठीक है, कि क्या मसला है। उसके बाद जो है गैप आए कि भाई के ठीक है क्या रिसेंटली गैप इस फील्ड में क्या है, फिर ऑब्जेक्टिव के भाई हम क्या उसकी या मैं क्या डेवलप करूंगा, ठीक है। उसके बाद आपने बताया कि भाई किस तरीके से या मेथड में क्या क्या मैं यूज करूंगा। उसके बाद इम्पैक्ट बताया, फिर बताया कि प्रोफेसर और DTU क्यों अच्छा है, और उसके बाद रेलिवेंस के भाई इससे मुझे जो है ये स्किल्स मिलेंगी और भाई कोलैबोरेशन बनेगा यूरोपियन और ये वो। ये अगर आप देखें ये 1998 कैरेक्टर्स का बहुत प्रिसाइज और बहुत यानी ये सब कुछ कवर कर रहा है और एक स्टोरी के तौर पे। तो ये याद रखें ये एब्स्ट्रैक्ट या प्रपोजल ना एक कहानी होती है कि आप बिल्कुल जब आप पढ़ें तो आप बिल्कुल बस पढ़ते ही जाएं कि बड़ा कि अच्छा ये ऐसा ये बिल्कुल। तो इस चीज का बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और दूसरी चीज कि इसके ऊपर 2 राय होती हैं कि आप आई भी यूज कर सकते हैं और रिसर्चर भी यूज कर सकते हैं, कि अगर थर्ड पार्टी को आप जैसे वो थर्ड बंदे को आप वो एड्रेस करके बोल रहे हो कि भाई के प्रपोजल राइटिंग में इस वाले में, या तो आप बोलें कि आई विल डू दिस आई विल डू दैट, या आप उसको एज अ रिसर्चर एक थर्ड उसको पता नहीं क्या कहते हैं भूल गया मैं चलो, लेकिन हाँ थर्ड जो है वो पर्सन एज अ कंसिडर करके उसको रिसर्चर आप करके करें। तो मैंने अपने उसमें रिसर्चर लिखा था, लेकिन काफी लोगों ने II करके भी लिखा था, तो ये मैंने जब बात पूछी तो उन्होंने कहा ये दोनों सही है आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और अहमद भाई यहाँ पे जो हमने प्रोजेक्ट लिखा था ना रिसेंटली यूरोपियन के अंदर, तो उसके ऊपर हमने यूज किया था वर्ड अर्ली स्टेज रिसर्चर, जैसे होता है कि ESR ये करेगा ESR ये करेगा रिसर्चर ये करेगा, तो वो वाली बात के II की बजाय मेरे ख्याल से रिसर्चर बेहतर होगा। वो इसलिए, लेकिन वो जो आपने अप्लाई किया था वो शायद कोई बड़ा प्रोजेक्ट होगा या उस वक्त पता नहीं होगा कि वो कौन सा रिसर्चर है। बिल्कुल ऐसा ही, ठीक है, लेकिन ये तो आपका अपना है ना, उन्होंने ये बात बोली थी जो मुझे इन लोगों ने बोला, कहते हैं बाकी यूरोपियन प्रोजेक्ट जब लिखते हैं तो हमें पता नहीं होता हायरिंग किसकी होगी। ठीक है, अब तो पता है कि ये बंदा है। हाँ, अब तो आपको पता है कि मैं अपने लिए ही कर रहा हूँ। उन्होंने कहा था कि या इसमें आप IV लिख सकते हैं या वरना आप रिसर्चर लिख सकते हैं, तो उन्होंने कहा बोथ आर फाइन। और दूसरा ये याद रखें प्रपोजल में आप एब्स्ट्रैक्ट में और ओवरऑल प्रपोजल में ये वर्ड्स आपने लाजमी यूज करने हैं, इंटरडिसिप्लिनरी मल्टीडिसिप्लिनरी EU स्ट्रेटेजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। अगर आप गूगल करें या इनकी वेबसाइट में कहीं भी जाएं तो एक होते हैं सस्टेनेबल UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स SDG के नाम से, इसको जरूर मेंशन करें। आपका जो भी टॉपिक है, जैसे मैं हेल्थ टेक्नोलॉजी का बंदा हूँ तो मेरा जो डेवलपमेंट गोल था वो गुड हेल्थ एंड वेलबींग वाले कैटेगरी में आता है। डिफरेंट गोल्स थे SDG 1 SDG 2 SDG 3, मेरा I think 2 या 3 था I don't know, लेकिन डिफरेंट कैटेगरीज है। तो आप अपनी रिसर्च के लिहाज से देखिए कि आप किसके अंडर आ रहे हैं और उसका जिक्र अपने प्रपोजल में लाजमी करें, ये एक्सट्रीमली मैंडेटरी चीज है। अगर आप इसका जिक्र नहीं करेंगे तो इसके स्कोर कटते हैं। तो ये इंटरडिसिप्लिनरी मल्टीडिसिप्लिनरी और ये सब चीजें जरूरी है, और इसके अलावा आपका प्रोजेक्ट इंटरडिसिप्लिनरी लाजमी होना चाहिए।
कि आप कुछ नया अप्लाई करना चाह रहे हैं जो आपने पहले कभी नहीं किया, तो आप अपनी स्किल्स को किसी दूसरी फील्ड में अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो इसका भी ध्यान में रखिएगा आप लोग, ठीक है। अब आते हैं हम सेक्शन थ्री, जो जो असल पूरा मेन पार्ट है और बड़ा पार्ट है वो है कि हाउ टू राइट अ प्रपोजल, ये है सेक्शन B1, ठीक है। अब इसका ये जो है टोटल है 10 पेजेस का, अभी आप लोगों को लग रहा होगा उफ ला 10 पेजेस, लेकिन जब अगर आप वाकई सही से लिखने बैठते हैं ना तो ये 10 पेजेस से बहुत एक्सीड कर जाता है, इसमें इतनी चीजें हमें हमें लिखनी होती हैं कि वो एक्सीड कर जाता है। तो याद रखिए मैरी क्यूरी जो प्रपोजल है वो बहुत ही प्रिसाइज और कंसाइज किस्म का है कि आपको बहुत कम पेजेस में बहुत सारी इंफॉर्मेशन लिखनी है और इस तरह लिखनी है कि सब कवर भी हो जाए और कुछ छूटे भी ना, तो ये एक बड़ा ट्रिकी चीज होती है। तो अगेन 3 बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एक्सीलेंस, इम्पैक्ट, इम्प्लीमेंटेशन। 50% एक्सीलेंस का कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, 30 इम्पैक्ट का, 20 इम्प्लीमेंटेशन का। पेजेस की कोई लिमिट नहीं है कि कौन कितना होना चाहिए, लेकिन जो रिकमेंडेड है वो है एक्सीलेंस 5 पेजेस, इम्पैक्ट 2 पेज और इम्प्लीमेंटेशन 3 पेज। लेकिन आप लोग ये भी कर सकते हैं कि मैंने मैक्सिमम जो देखा है वो एक्सीलेंस 5.5 पेज रखते हैं, इम्पैक्ट 2 पेज रखते हैं और इम्प्लीमेंटेशन 2.5 पेज रखते हैं। मैंने भी यही रखा था, क्यों? क्योंकि एक्सीलेंस में आपको बहुत कुछ लिखना है और उसका वेटेज 50% है, तो उसको थोड़ा 5.5 ही रखें तो बेहतर है, और इम्प्लीमेंटेशन का वेटेज वैसे ही 20% है, तो अगर हम उसमें 3 पेज लगा देते हैं तो एक्सीलेंस कभी कभी थोड़ी सी हल्की पड़ जाती है। तो मैं कहूँगा पर्सनली कि एक्सीलेंस को, और 5.5 का मतलब है 5.5, इम्पैक्ट का 2 पेज का मतलब है 2, ये नहीं कि थोड़े से ज्यादा हो गए लाइन तो चलेगा, नहीं 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 नहीं, इस प्रपोजल में आपको एक लाइन भी बचानी, लिटरली एक लाइन, एक कोना, जहां से कुछ भी बचे आपको एक एक कोना इस्तेमाल करना है इस प्रपोजल का, जो 10 पेज है आपको उसका हर चीज इस्तेमाल करनी, तभी इस चीज का ध्यान रखना है हमें। तो अब ठीक है, तो ये जो 3 चीज है, एक्सेलेंस, इम्पैक्ट और इम्प्लीमेंटेशन, इनकी फर्दर जो है डिविजन होती है। तो ये जो हर किसी में मैंने 4 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, 1 में 4, 1 में 3 और 1 में 3, तो ये बेसिकली है एक्सेलेंस के अंदर, ये मैं डिटेल में अभी हम आगे देखेंगे, तो ये एक्चुअली है 1.1, 1.2, 1.3, 1.4। इसी तरह इम्पैक्ट सेक्शन में है ये 2.1, 2.2, 2.3, इसी तरह इम्प्लीमेंटेशन में है 3.1, 3.2, 3.3। अब ये क्या है 3.1 और ये 1 पॉइंट, ये अभी हम आगे देखेंगे सही से कि किस तरीके से, ठीक है। अब एक मेन चीज जो है कि ये याद रखिएगा कि एक्सीलेंस जो है असल आपका प्रोजेक्ट के बारे में, आपने एक्सीलेंस के अंदर अपनी मेथडोलॉजी बतानी है कि आप क्या मेथड यूज करेंगे, किस तरीके से होगा, क्या इनोवेशन यूज होगी, क्या आपके ऑब्जेक्टिव्स होंगे, यानी आपके प्रोजेक्ट के बारे में जो भी बताना है वो आप एक्सीलेंस में बताएंगे। अभी मैं एक्सीलेंस और इम्प्लीमेंटेशन का एक कंपैरिजन बता रहा हूँ कि इन दोनों में मेन डिफरेंस क्या होता है। और इम्प्लीमेंटेशन में आप अपने प्रोजेक्ट की मेथडोलॉजी नहीं बताएंगे, उसके आप डिफरेंट दूसरी चीजें बताएंगे कि आप इम्प्लीमेंट क्या करेंगे, उसके टास्क, डिलीवरेबल्स, माइलस्टोन, टाइमलाइन, कि हम अब ये प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट करेंगे तो किस तरीके से करेंगे। और एक्सीलेंस में हम ये बताएंगे कि हम क्या क्या इस्तेमाल करेंगे, मेथडोलॉजी क्या इस्तेमाल करेंगे। तो ये दोनों चीजें डिफरेंट हैं, लेकिन ये किस तरीके से होगा वो हम देखेंगे, और जो है इम्पैक्ट में वो भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अच्छा, हम अपने प्रोजेक्ट में कोई भी चीज होती है ना, हम उसको डिवाइड करते हैं वर्क पैकेजेस में। अगर किसी ने कभी, आप लोगों को शायद पता हो, कुछ को पता होगा कुछ को नहीं, तो वर्क पैकेज क्या होते हैं, जब भी आप कोई फंडिंग लिखते हैं, कोई ग्रांट, तो आपको अपने चीजों को वर्क पैकेजेस में तोड़ना होता है। तो वर्क पैकेजेस होते हैं, फॉर एग्जांपल मुझे एक घर बनाना है, ठीक है, तो उसको मैं डिफरेंट वर्क पैकेजेस में कैसे करूंगा, एक फ्लोरिंग, एक हो गई रूफ बनाना, रूफिंग या जो भी कहते हैं उसे, फिर वॉल्स बनाना, ठीक है, फिर खिड़कियां लगाना, यानी इस तरीके की चीज ना, ये वर्क पैकेज होगा मेरा। मेरा एक पहला वर्क पैकेज फ्लोरिंग करूंगा मैं पूरे घर की, ठीक है भाई, ये मेरा पहला वर्क पैकेज है। फिर मेरा दूसरा वर्क पैकेज है, फिर मैं दीवारें खड़ी करूंगा, ठीक है, मेरा दूसरा वर्क पैकेज है। तीसरा वर्क पैकेज है, मैं सरिया डालूंगा, ठीक है, मेरा तीसरा वर्क पैकेज है। अब वर्क पैकेज के अंदर जो है ना, वो मेन 3 चीजें होती हैं, एक होता है टास्क, डिलीवरेबल्स, थर्ड होता है माइलस्टोन्स। तो ये बड़ा ध्यान से आप लोग सुनिएगा, ठीक है। तो मेन हो गया वर्क पैकेज, वर्क पैकेज के अंदर 3 चीजें आ गई हमारे पास, टास्क, डिलीवरेबल, माइलस्टोन। टास्क होता है कि अच्छा ठीक है, मैंने फ्लोरिंग करनी है,
तो मैं ऐसे तो नहीं ना ऐसी फ्लोरिंग कर दूंगा, उसको भी मैं सब डिवाइड करूंगा कि मैं इसके क्या क्या करूंगा, ठीक है मैं सीमेंट बनाना है, रेत बनानी है या उसको मिक्सअप करना है, तो ये डिफरेंट मेरे वर्क पैकेज के अंदर डिफरेंट टास्क हो गए, जिसको हम कह सकते हैं T1.1, T1, अगर हम वर्क पैकेज 1 की बात कर रहे हैं, T1.1, 1.2, 1.3, ये इस तरीके से। अब इसी तरह डिलीवरेबल्स होंगे हर वर्क पैकेज के, इसी तरह माइलस्टोन होंगे, लेकिन ये क्या होंगे वो मैं अभी आपको आगे सही से बताऊंगा। लेकिन ये याद रखिएगा कि हम प्रोजेक्ट को वर्क पैकेजेस में तोड़ते हैं और फिर हर वर्क पैकेजेस को उसके डिलीवरेबल्स, टास्क और माइलस्टोन में तोड़ते हैं, तो ये चीज़ याद रखिएगा आप लोग, ठीक। और हाँ दैट्स फाइन, और हाँ इसमें आपके पास एक कंटीजेंसी प्लान भी होना चाहिए, वो भी हम बात करेंगे कि अगर मैंने जो अप्रोच यूज कर रहा हूँ अगर वो फेल हो गई तो क्या होगा, तो मैं मेरे पास बैकअप प्लान क्या है, तो हमें वो भी इसमें बताना होता है इस पूरे ओवरऑल प्रोपोजल में। तो अगर आप ये पूरी फिगर देखें तो इसमें ये है कि एक स्टेट ऑफ द आर्ट है, स्टेट ऑफ द आर्ट मतलब जो पुरानी पहले ही रिसर्च हो चुकी है, एक न्यू लेवल ऑफ नॉलेज है, यहाँ से वहाँ हम डिफरेंट वर्क पैकेजेस के थ्रू पहुँचेंगे और जो इसकी बेस है डिफरेंट डिलीवरेबल्स, और अगर आप ऊपर से नीचे गिरे तो कोई कॉन्टीजेंसी प्लान होना चाहिए कि भाई नीचे दो बंदे कुछ लेके खड़े में कि अगर आप गिरे तो आप उसमें बच भी जाएंगे। तो ये पूरा इसका समझ लें एक लेआउट होगा और ये मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है। तो अब हम आगे भाई पहले एक्सीलेंस सेक्शन के अंदर, तो तीन सेक्शन थे, एक्सीलेंस, इम्पैक्ट, इम्प्लीमेंटेशन, ओके। अब मैंने आपको बताया था कि एक्सीलेंस के अंदर 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 चार थे, ठीक है। और ये चार जो हैं प्रोपोजल टेम्पलेट में मेन इन चारों की हेडिंग है। ये प्रोपोजल का टेम्पलेट आप उसी वक्त सिर्फ डाउनलोड कर सकते हैं जब आप अपना अकाउंट बनाएंगे, तो आप वैसे विदाउट लॉगिन आपको ये टेम्पलेट नया वाला कहीं नहीं मिलेगा। तो आप जो है लॉगिन करेंगे अपने अकाउंट में, वहां लिखा होगा टेम्पलेट सेक्शन बी, तो आप उसको डाउनलोड करेंगे तो B1 और B2 का अलग अलग टेम्पलेट डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। तो अब जब आप B1 के अंदर जाएंगे तो उसमें जो है तीन हेडिंग्स आप जब प्रपोजल के अंदर जाएंगे तो लिखी भी होंगी, एक्सीलेंस, इम्पैक्ट, इम्प्लीमेंटेशन, और एक्सीलेंस के अंदर ये चार सब हेडिंग्स भी लिखी भी होंगी, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, ठीक है। 1.1 क्या है, 1.1 है क्वालिटी एंड क्रेडिबिलिटी ऑफ द रिसर्च इनोवेशन प्रोजेक्ट, लेवल ऑफ नोवेल्टी, एप्रोप्रिएट कंसिडरेशन ऑफ इंटर मल्टीडिसिप्लिनरी एंड जेंडर एस्पेक्ट। यानी कि आपको 1.1 में ये चीजें बतानी है कि असल में साइंटिफिक मेथड और प्रोजेक्ट के बारे में आपको बताना है 1.1 में। 1.2 में क्या बताना है, क्वालिटी एंड एप्रोप्रिएटनेस ऑफ ट्रेनिंग एंड टू वे नॉलेज ऑफ ट्रांसफर बाय द रिसर्चर एंड द होस्ट। सो 1.1 में हमने प्रोजेक्ट की बात करनी है, 1.2 में हमने बताना है कि भाई ठीक है मुझे ट्रेनिंग क्या मिलेगी, जहाँ मैं वहाँ जा रहा हूँ मुझे क्या क्या उधर ट्रेनिंग मिलेगी, एंड वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, मैरी क्यूरी जो है ना टू वे ऑफ नॉलेज ट्रांसफर जरूरी है, कि आप भी कुछ नया इंक्लूड कर रहे हो उस लैब में और उस लैब से भी आपको कुछ नया मिल रहा हो, तो ये टू वे ट्रांसफर ऑफ नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये इनमें से कोई भी फैक्टर मिसिंग है तो आपका स्कोर बिल्कुल खत्म हो जाएगा, और अगर आपके एक्सेलेंस में गंदे स्कोर आए ना तो आपका वैसे ही पूरा प्रपोजल गंदा हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 50% एक्सेलेंस सेक्शन है, ठीक है। तो ये जो 1.1, 2, 3, 4 ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। तो पहला हो गया भाई हमारा साइंटिफिक मेथड और प्रोजेक्ट के बारे में, 1.2 में हो गया हमारे ट्रेनिंग्स के बारे में, 1.3 हो गया क्वालिटी ऑफ सुपरविजन एंड इंटीग्रेशन इन द टीम और इंस्टीट्यूशन, यानी कि इसमें कि भाई आप जो सुपरवाइजर के पास जा रहे हैं वो कितने अच्छे हैं, वो कितना रेलिवेंट है आपके प्रोजेक्ट से, ठीक है। और आप जिस यूनिवर्सिटी जा रहे हैं उनका ओवरऑल पूरी अरेंजमेंट कैसी है, क्या आप जाओगे तो वो आपको अच्छे से होस्ट करेंगे या नहीं करेंगे या क्या करेंगे, ठीक है। तो इसमें ये वाली बात आ गई। और फोर्थ है पोटेंशियल ऑफ द रिसर्चर टू रीच और रीइंफोर्स प्रोफेशनल मैच्योरिटी और इंडिपेंडेंस आफ्टर द फेलोशिप। असल में मैरी क्यूरी का क्या मकसद है कि जब मैरी क्यूरी फेलोशिप खत्म हो ना तो आप एक इंडिपेंडेंट रिसर्चर बन चुके हों, कि यानी आप अपनी अब इंडिपेंडेंट रिसर्च कोई कर सकें आफ्टर मैरी क्यूरी। तभी 1.4 में हमें जो है रिव्यूअर को कन्वेंस करना है कि मैं बहुत ही कोई अच्छा हूँ, ठीक है, कि मैंने ये किया हुआ है, मैंने वो किया हुआ है, अपनी पुरानी अचीवमेंट को बताना है, हाईलाइट करना है, और आपको ये शो करना है कि भाई मैं इतना अच्छा हूँ कि बस मुझे अब बस ये 2 साल की मैरी क्यूरी मिल जाए तो मैं रेडी हूँ कि मैं एक इंडिपेंडेंट साइंटिस्ट बन सकता हूँ, ठीक है।
तो यानी कि 1.1 था हमारी मेथोडोलॉजी के बारे में, 1.2 हो गई हमारी ट्रेनिंग्स के बारे में, टू वे नॉलेज ट्रांसफर के हम क्या सीखेंगे और हम उनको क्या सिखाएंगे, थर्ड हो गई हमारा सुपरवाइजर कैसे और हमारी इंस्टीट्यूट कैसी है, और चौथी के हमें उन्हें कन्वेंस करना है कि भाई मैं बहुत अच्छा हूँ और आफ्टर द फेलोशिप मैं मैच्योरिटी, प्रोफेशनल मैच्योरिटी में पहुंच जाऊंगा और मैं इंडिपेंडेंस की तरफ पहुंच जाऊंगा। ठीक है, तो ये चार जो है हमारी मेन हेडिंग्स हैं। ये जो आगे मैंने ये जो येलो में लिखा हुआ है ये हेडिंग्स का पार्ट नहीं है, ये थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन के लिए मैंने लिख दिया, लेकिन उससे पहले पहले 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 वो हेडिंग है। ठीक है, अब इन सब के अंदर हमें बारी बारी जाना है कि 1.1 में भी डिफरेंट चीजें हैं। अब आते हैं हम 1.1, 1.1 प्रोजेक्ट का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है क्योंकि इसमें आपने सारा प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करना है। अब 1.1 को जो है हम तोड़ेंगे 7 हेडिंग्स में, ये रिकमेंडेड है, ये वैसे रिकमेंडेड यानी कि बड़ी जो इंस्टीट्यूट है जो वर्कशॉप्स होती हैं यूरोप में ये वो, तो उन लोगों के उन्होंने ये क्राइटेरियाज बनाए हुए एक अच्छे प्रपोजल के लिए कि आप इसको इस तरीके से डिवाइड करें सेक्शंस में, क्योंकि हम भी एज ए रिव्यूअर जब पढ़ रहे होते हैं, आप इमेजिन करें 1.1 मेरे पास अगर लिखा हुआ आ गया कोई बहुत ही बड़ा सा बगैर किसी हेडिंग के, वो मुझे अखबार वाली लुक देगा और वो बड़ा अजीब सा लगता है कि कुछ पता ही नहीं चल रहा, मैं बीच में शायद अगर मेरा मूड अच्छा ना होगा तो मैं तो पढ़ते पढ़ते कहीं खो भी जाऊंगा कि यार कुछ लिंक नहीं हो पाएगा। तो बेहतर है कि हर सब हेडिंग्स हों, अलग अलग सेक्शंस हों, ताकि पढ़ने वाले को भी पता चल रहा हो और आप भी अच्छा, आपका भी अच्छे स्कोर्स आ जाएं। ठीक है, तो जो 1.1 के लिए जो हेडिंग्स हैं वो सबसे पहले है बैकग्राउंड, फिर है स्टेट ऑफ द आर्ट, फिर है प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव्स। अब ये तीन क्या है, अच्छा आगे और भी है लेकिन पहले ये तीन हम देख लेते हैं। बैकग्राउंड में तो भाई आपका जो भी टॉपिक है उसके बैकग्राउंड के बारे में जो भी थोड़ा बहुत बताना होता है कि अच्छा ये 3-4 लाइनें, 2-3 जो भी आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड हो और जो भी डिपेंड करता है। सेकंड हेडिंग आएगी सब हेडिंग स्टेट ऑफ द आर्ट, और अगेन ये नहीं कि बैकग्राउंड लिखा और उसके बाद लाइन छोड़ के नेक्स्ट लाइन से लिख रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, बैकग्राउंड लिखा उसी के आगे से शुरू करो, बस बैकग्राउंड को आप बोल्ड कर दो, इटैलिक कर दो और उसके आगे जो लिख रहे हैं उसको नॉर्मल फॉन्ट में रखें। ठीक है, जगह नहीं जाया करनी, बिलावजह शश के नहीं मारने हमने कि भाई ओह बड़ा प्यारा प्यारा फुल लाइन स्पेसिंग भी दे रहे हैं, ऊपर भी खाली नीचे भी खाली, तो भाई स्कोर भी खाली हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको बिल्कुल हमें हर चीज इस्तेमाल करनी है, इसको दिमाग में आप लोग बिठा लें। तो बैकग्राउंड हो गया, स्टेट ऑफ द आर्ट, फिर स्टेट ऑफ द आर्ट में आप ये बताएंगे कि अप टू डेट रेफरेंसेस रिसेंटली स्पेशली आप बताएंगे कि आपके इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड क्या क्या काम हो चुके हैं। बहुत अच्छा है कि आप उसमें अपने सुपरवाइजर की भी बात बताएं और अपनी भी कंट्रीब्यूशन बताएं, अगर 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 रेलिवेंट है कि आप बताएं कि जैसे फॉर एग्जांपल मेरे प्रोजेक्ट में था कि मैंने उससे पहले बहुत बड़ा एक रिव्यू पेपर लिखा हुआ था उस पर, तो मैंने अपने उस स्टेट ऑफ द आर्ट में मैंने बताया था कि भाई मैंने ये रिव्यू पेपर लिखा है और उस रिव्यू पेपर में मैंने ये लिमिटेशन फाइंड आउट किए हैं और उनको मैं इसमें जो है एड्रेस करूंगा ये वो। तो यानी कि ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट और पॉजिटिव है कि अगर स्टेट ऑफ द आर्ट में उसी टॉपिक से रिलेटेड या प्रोजेक्ट से रिलेटेड आपकी कोई पिछली पब्लिकेशन या कुछ प्री रिक्विजिट कुछ भी है आपका या आपका प्रोफेसर का, तो वो मेंशन लाजमी करें। और स्टेट ऑफ द आर्ट की लास्ट में 2-3 लाइन में आप गैप बताएं कि भाई देखें ये काम हो चुका है लेकिन अभी ये गैप है। और एज ए रिव्यूअर जब मैं आपका स्टेट ऑफ द आर्ट पढ़ू ना, तो मुझे खुद ही गैस कर लेना चाहिए कि अगले प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे। अगर तो मैंने गैस गलत किया तो इसका मतलब है कि आपने स्टेट ऑफ द आर्ट सेक्शन और रिसर्च गैप अच्छा नहीं लिखा हुआ था। तो एक अच्छे रिसर्च गैप की ये निशानी है कि जब पढ़ने वाला उसको पढ़े तो वो खुद ही प्रिडिक्ट कर चुका हो कि आगे ऑब्जेक्टिव क्या आने वाले हैं, और फिर जब वो आगे ऑब्जेक्टिव्स पढ़े तो वो कहे हाँ देखा ये थे ऑब्जेक्टिव्स, मुझे पता था, तो फिर वो बड़ा बहुत कोहेरेंस और बड़ा लिंक्ड होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, तो पहले हमने लिखा बैकग्राउंड, फिर हमने लिख दिया स्टेट ऑफ द आर्ट, देन हम जाएंगे प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव्स की तरफ। अब प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव्स भी हम डिफरेंट उसमें तोड़ देंगे। प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव लिखे PO, कह दिया उसको PO1, PO2, PO3, PO4, जितने भी आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं। और एक बात याद रखें, जितने ऑब्जेक्टिव्स हों उतने ही वर्क पैकेजेस रखें आप, कि फॉर एग्जाम्पल कि मेरा पहला ऑब्जेक्टिव ये है, दूसरा ये, तो पहले ऑब्जेक्टिव को मैं पूरा करने के लिए मेरा वर्क पैकेज 1 है, दूसरे ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए मेरा वर्क पैकेज 2 है, तीसरे ऑब्जेक्टिव को करने के लिए मेरे पास वर्क पैकेज 3 है।
तो इसकी एक एग्जांपल मैंने नीचे लिख दी है कि फॉर एग्जांपल PO2 डेवलपमेंट ऑफ डीप लर्निंग एल्गोरिथम फॉर फीचर एक्सट्रैक्शन एंड क्लासिफिकेशन फ्रॉम द रिकॉर्डेड ईईजी डेटा ऑफ स्ट्रोक पेशेंट्स, ठीक है, और ब्रैकेट में लिखना है WP2, यानी आप उसका लिंक शो करें कि जब मैं आगे रिसर्च प्रोपोजल पढ़ते हुए जाऊं तो मुझे पहले ही पता हो कि अच्छा ये जो प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव वन बोल रहा है वो वर्क पैकेज वन से लिंक है, प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव टू बोल रहा है वो वर्क पैकेज टू से। ये कोई चीजें मैंडेटरी नहीं होती, लेकिन ये वही छोटी छोटी चीजें जो बहुत जो है एक प्रोपोजल को बहुत कोहेरेंट बनाती है और स्कोर्स में बड़ी इंप्रूवमेंट के चांसेस बढ़ा देती हैं, क्योंकि जब रिव्यूअर पढ़ रहे होते हैं तो उनको बड़ा अच्छा लग रहा होता है कि यार ये तो बहुत अच्छा है, सब कुछ बहुत लिंक्ड है और बहुत प्रोफेशनल वे में लिखा, तो वो बस फ्लो में चलते रहते हैं और फिर उनको कोई गलती नहीं मिलती। ठीक है, तो पहला हो गया हमारा बैकग्राउंड, स्टेट ऑफ द आर्ट, प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव्स। चौथा फिर हम आएंगे रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड अप्रोच पे। अब इसमें होता है आपने अपने सारे वर्क पैकेजेस बताने, ठीक है, कि वर्क पैकेज वन उसकी हेडिंग, वर्क पैकेज वन उसकी कोई हेडिंग भी होनी चाहिए और फिर उसको दो तीन लाइन में उसकी मेथोडोलॉजी बताओ कि भाई वर्क पैकेज वन में मैं ये करूंगी। इस वक्त हमें डिलीवरेबल्स, टास्क, माइलस्टोन कुछ नहीं बताने, सही है, एक्सीलेंस में ये कुछ नहीं बताने, सिर्फ हम वर्क पैकेज की मेथोडोलॉजी बताएंगे कि ये वर्क पैकेज है और इसमें हम ये टेक्निक्स यूज करेंगे या ये मेथड्स यूज करेंगे या जो भी है इस वर्क पैकेज में। फिर हम जाएंगे वर्क पैकेज टू में, वर्क पैकेज थ्री में, वर्क पैकेज फोर में, तो ये सब चीजें हम करेंगे। और हाँ, एक और चीज के हमें ये भी याद रखना है कि जब वर्क पैकेज हम वो लिखें तो हमें बताना है कि ये वर्क पैकेज रिसर्च ऑब्जेक्टिव या प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव फलाने से लिंक्ड है। अगर मैं वर्क पैकेज टू कर रहा हूँ तो मैं बता दूं कि इट इज लिंक्ड विद PO2 या RO2, जो भी आपने बोला है, रिसर्च ऑब्जेक्टिव बोला या प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव बोला, आपकी मर्जी। और या अगर आप लिख दें या अगर ना लिखें तो उसको ब्रैकेट में मेंशन कर दें कि ये इसमें है। ठीक है, तो जो मैंने इसमें येलो में हाईलाइट किया वो यही बात लिखी हुई कि साइंटिफिक कॉन्टेंट पे इस पे हमारा फोकस है, नॉट द टाइमिंग एंड रिसोर्सेज कि भैया मैं कितने महीने में करूंगा, क्या रिसोर्सेज इस्तेमाल होंगे, नहीं, ये सब चीजें इम्प्लीमेंटेशन सेक्शन में हम डालेंगे। तो फर्क समझ रहे हैं आप लोग, एक्सीलेंस में हम साइंस की बात कर रहे हैं, हम उसके मेथड्स की बात कर रहे हैं, इम्प्लीमेंटेशन में हम उसको इम्प्लीमेंट करने की बात करें कि भाई मैं इसको इतने महीने में लगाऊंगा, मैं इसको फलाने यूनिवर्सिटी में करूंगा, मैं इसको सेकेंडमेंट में करूंगा, मैं इसको करूंगा या करूंगी जो भी। ठीक है, तो ये सब चीजें हम उसमें वहां पे जाएंगे, तभी वो ब्रैकेट में लगे दीज डिटेल्स ऑन प्रैक्टिकल प्लानिंग विल बी कवर्ड इन द इम्प्लीमेंटेशन सेक्शन। ठीक है, तो ये हो गए भाई हमारे डिफरेंट वर्क पैकेजेस, वर्क पैकेज उसकी हेडिंग और दो तीन लाइनें जो भी आपके प्रोजेक्ट से अकॉर्डिंगली हो वो आप बताएं। और एक इम्पॉर्टेंट चीज, एक वर्क पैकेज हमें रखना है लाजमी, उसको वर्क पैकेज वन ही रख दें बेशक, मैक्सिमम लोगों को मैंने देखा वर्क पैकेज वन डाल देते हैं या वर्क पैकेज लास्ट डाल देते हैं कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट डिसिमिनेशन ये वो। अब ये क्या होता है ये मैं अभी बाद में बताऊंगा, लेकिन एक वर्क पैकेज को उसके लिए डेडिकेट कर देते हैं कि भाई उस वर्क पैकेज में हम प्रोजेक्ट मैनेज करेंगे, उसको कॉन्फ्रेंस में जाएंगे, जर्नल्स में पब्लिश करेंगे, ये वो चीज़ों का उसका एक अलग वर्क पैकेज होता है, तो वो आप लोग एक रख सकते हैं अलग से वर्क पैकेज, या फर्स्ट रख दें या लास्ट रख दें वो आप पे डिपेंड। ठीक है, अब इसमें फिफ्थ सब हेडिंग होगी ओरिजिनैलिटी एंड इनोवेटिव एस्पेक्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। कि देखें अब अगर आप वो इमेजिन करें, फ्लो हमने बैकग्राउंड बताया, स्टेट ऑफ द आर्ट बताया, हमने गैप डिफाइन किया, फिर हमने ऑब्जेक्टिव्स बताए, उसके बाद हमने मेथोडोलॉजी बताई, अब हम बताएंगे कि भाई हमारे वर्क में ओरिजिनैलिटी और इनोवेटिव एस्पेक्ट क्या है। आप चाहें तो जो आपने पिछले स्टेट ऑफ द आर्ट मेंशन किए हो उन्हीं को मेंशन करके आप दोबारा ये भी कह सकते हैं कि भाई देखें फलाने फलाने में ये काम हो चुका है, हमारे काम में ये नया है जो कभी नहीं हुआ और जो फर्स्ट टाइम एक्सप्लोर होगा या जो भी। तो ओरिजिनैलिटी और इनोवेटिव एस्पेक्ट आपने बताने अपने प्रोजेक्ट के बारे में आफ्टर मेथोडोलॉजी पार्ट। ठीक है, कि तो और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्यों, क्योंकि अक्सर रिव्यूअर्स का ये कमेंट होता है कि साइंटिफिक नोवेल्टी एंड क्वालिटी ऑफ द प्रोजेक्ट इज नॉट क्लियर। ठीक है, या वाज मिसिंग, ये अक्सर होता है कि ये चीजें इनोवेशन हमें पता ही नहीं, ठीक है आपने बता दिया ये गैप है, ये आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये आप रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन इनोवेशन क्या है आपके काम में, आप पिछले काम से आप में नया क्या है, कुछ नया हो, कुछ अलग ही नया हो,
और अगेन जिस रेफरेंसेस से आप कंपेयर कर रहे होंगे दे शुड बी रीसेंट रेफरेंसेस, ये नहीं 2012 का किसी से रेफर कर रहे हैं और कह रहे हैं फलाने ने ये किया था और मैं जो हूँ ये कर रहा हूँ। भाई 2012 में उसने किया था, उसके बाद 10 साल गुजर गए तो बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ नया किया हो, तो रीसेंट बिल्कुल 2020-21-22 से कंपेयर करके बताइएगा कि इनोवेशन आपके प्रोजेक्ट में क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और ये लास्ट के दो, इंटरडिसिप्लिनरी एंड मल्टीडिसिप्लिनरी एस्पेक्ट ऑफ द प्रपोजल, ये जरूरी है कि आप इंटरडिसिप्लिनरी और ये चीजें बताएं। अब अक्सर लोग जो है ना कंफ्यूज हो जाते हैं यार कि इंटरडिसिप्लिनरी और मल्टीडिसिप्लिनरी में डिफरेंस क्या है, तो ये मैं आपको बताता हूँ। मल्टीडिसिप्लिनरी दो बिल्कुल अलग चीज होती हैं, उनका आपस में कोई इंटरेक्शन ही नहीं होता, बहुत ही फजूल बोला मैंने लेकिन मैं बताता हूँ। यानी कि फॉर एग्जाम्पल मैंने एक हेल्थ केयर सिस्टम डिजाइन किया, ठीक है, अब उनको मैंने स्ट्रोक पेशेंट्स पे टेस्ट करना है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, जब मैंने उसको डिजाइन किया और बनाया उस सिस्टम को तो ये इंजीनियरिंग है, और जब मैं उसके क्लिनिकल टेस्टिंग करूंगा ना स्ट्रोक पेशेंट्स पे तो वो जो है न्यूरल साइंस डिसिप्लिन में चला जाएगा या क्लिनिकल रिसर्च में चला जाएगा। तो देखें प्रोजेक्ट है एक ही लेकिन दो बिल्कुल अलग काम है और दो अलग चीजें हैं जो आपस में इंटरकनेक्ट नहीं है और अलग अलग काम है लेकिन एक ही प्रोजेक्ट के। तो यानी कि इंजीनियरिंग और न्यूरल साइंस ये दोनों इस प्रोजेक्ट में काम आ रहे हैं लेकिन अलग अलग, बिल्कुल यानी कि एक दूसरे से मिक्सअप नहीं हो रहे, तो ये मल्टी डिसिप्लिन है ये। अब इंटर डिसिप्लिनरी क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल के मैं एक एल्गोरिदम डिजाइन कर रहा हूँ, ठीक है, अब उस एल्गोरिदम में जो डेटा लिया वो मैंने पेशेंट से लिया और फिर मैंने उसके लिए एल्गोरिथम डिजाइन किया, तो यानी मैंने न्यूरल इंजीनियरिंग और कंप्यूटर इंजीनियरिंग को दोनों को एक टास्क में कंबाइन किया और उस टास्क में उन दोनों की जरूरत थी, यानी कि हाँ दोनों की उसी एक टास्क में या एक काम में जरूरत थी, ये होती इंटरडिसिप्लिनरी, ठीक है, कि उसी में वो काम था। तो इसमें आपने बताना है कि जो आपका प्रोजेक्ट है वो इंटरडिसिप्लिनरी या मल्टीडिसिप्लिनरी, ठीक है। इंटरडिसिप्लिनरी एस्पेक्ट क्या क्या है, फॉर एग्जांपल जैसे इसमें मैंने ये अपने का लिख दिया कि जो मैं जैसे मैंने मेंशन किया था अपने प्रपोजल में कि PO2 एंड WP2 इन्वॉल्व्स न्यूरल इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग, PO3 एंड WP3 इन्वॉल्व्स दिस इंजीनियरिंग एंड बायोलॉजी, PO4 एंड WP4 इन्वॉल्व्स बायोलॉजी एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। यानी जो भी मेरे वर्क पैकेजेस थे तो मेरे वर्क पैकेज 2 में न्यूरल इंजीनियरिंग कंप्यूटर इंजीनियरिंग दोनों लग रही थे, 3 में ये लग रहा था, 4 में ये लग रहा था। और अब इसका मल्टी डिसिप्लिनरी एस्पेक्ट मैंने क्या बताया, ये बताया कि प्रोजेक्ट जो है इंजीनियरिंग और न्यूरल साइंस को कंबाइन कर रहा है, यानी इंजीनियरिंग का एस्पेक्ट कब है, सिस्टम डिजाइनिंग में PO2 से लेके PO4, और जो क्लिनिकल है वो सिस्टम टेस्टिंग में यानी PO5 और WB5 पे, ठीक है। तो ये समझ रहे हैं ये इंटर डिसिप्लिनरी और मल्टी डिसिप्लिनरी ये चीज है। तो ये एक इसकी बकायदा हेडिंग है 1.1.6, और 1.1.7 है जेंडर डायमेंशन इन द रिसर्च कॉन्टेक्स्ट कंटेंट, यानी कि अगर आपके प्रपोजल में आप ह्यूमन बीइंग्स वगैरह को इन्वॉल्व कर रहे हैं तो उनकी जेंडर डायमेंशन आपको बतानी है, यानी इसमें ये हो सकता है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं हेल्थ टेक्नोलॉजी का या कोई इसका कोई हेल्थ का प्रोजेक्ट बताऊँ कि भाई हमें सिस्टम टेस्ट करना है पेशेंट्स पे, तो हम बोलेंगे भाई हाँ ठीक है, हम उसमें जो है जेंडर डायमेंशन का ध्यान रखेंगे कि भाई मर्द और औरत 50-50% रेशियो में, हम जो डेटा कलेक्ट करेंगे उसमें भी मेल फीमेल का, हम करें या ना करें एक अलग बात है लेकिन हमें उनको बस बताना है कि भाई हम जेंडर डायमेंशन को अपने माइंड में रखेंगे। और जेंडर डायमेंशन के ऊपर एक यूरोपियन यूनियन ने बहुत जबरदस्त वीडियो बनाई हुई है, वो यूट्यूब में अवेलेबल है, अगर आप लोग सिर्फ लिखें टाइप करें आपको दिखेगी, वो मैं इसलिए कह रहा हूँ देखने क्योंकि हर रिसर्च में जेंडर डायमेंशन का मतलब बहुत अलग होता है। तो उन्होंने पता नहीं वो कोई अर्बन इंजीनियरिंग में भी जेंडर डायमेंशन लगा रहे थे कि आप शहर बना रहे हैं और उसमें भी पता नहीं कहाँ से आप उन्होंने जेंडर डायमेंशन की एग्जांपल दे दी थी। तो अब मैं अभी जो आप हमारी ऑडियंस है वो तो बहुत डिफरेंट होंगे लोग, वो तो नहीं पता मुझे, तो हेल्थ टेक्नोलॉजी से तो मुझे पता है कि भाई हम पेशेंट्स पे टेस्टिंग करेंगे डिजाइन की, तो भाई वो वन पॉइंट क्या कह रहा हूँ, हाँ तो वो जो हम पेशेंट पे टेस्टिंग करेंगे तो उसकी जेंडर डायमेंशन ये है कि 50-50% हम रख देंगे, तो ये होती है जेंडर डायमेंशन, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 1.1 खत्म, ठीक। तो अगेन एक दफा रिकैप करता हूँ, बैकग्राउंड स्टेट ऑफ द आर्ट के क्या अप टू डेट रेफरेंसेस है, फिर हमने
उसमें करंट गैप बताया, देन प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव्स बताए, उसको वर्क पैकेज से लिंक कर दिया ब्रैकेट में लिख के, फिर रिसर्च मेथडोलॉजी बताई, रिसर्च मेथडोलॉजी के अंदर हमें सारे वर्क पैकेजेस बताने और उनकी मेथडोलॉजी बतानी है, और वर्क पैकेज की कोई हेडिंग भी होगी, और वर्क पैकेज के अंदर जब हम लिखेंगे हेडिंग आगे ब्रैकेट में PO3 RO3 जो भी लिखना है हम लिख देंगे, उसका अगला है ओरिजिनैलिटी और इनोवेटिव एस्पेक्ट बताना है हमें, ठीक है, और फिर इंटरडिसिप्लिनरी एंड मल्टीडिसिप्लिनरी एस्पेक्ट, एंड लास्ट में जेंडर डायमेंशन, और अगेन इन सब हेडिंग के आगे से हमने शुरू करना है, और ऊपर और नीचे बिल्कुल गैप नहीं देना, जीरो लाइन स्पेसिंग डालो कि बिल्कुल आप कहेंगे यार ये तो बहुत ही एक दूसरे से मिला हुआ है, भाई जितना मिला सकते हो एक दूसरे से उसको मिलाओ, एक एक लाइन इधर इंपॉर्टेंट होती है, एंड में जब आप काम कर रहे होते हो आपको फील हो रहा होता है कि यार मेरे पास एक लाइन आ जाए तो, मुझे याद है कि मेरा एक हफ्ता लग गया था, मेरी तीन लाइन एक्सीड कर रही थी, और लिटरली मेरा 5-6 दिन लग गए थे कि मैं वो उसको एडजस्ट कर रहा था कि मैं कहाँ से क्या कम करूँ कि ये 3 लाइनें बस वो 10 पेज के अंदर आ जाए। तो जब आप एक सही से प्रपोजल लिखेंगे तो आपको ये चीज फेस करनी पड़ेगी। तो लाइन स्पेसिंग वगैरह कुछ नहीं, मैं एंड में एक प्रपोजल ऐसे दिखाऊंगा सरसरी सा कि कितना कंजेस्टेड था, लेकिन ऐसे ही होते हैं जो नॉर्मली अच्छे प्रपोजल्स हो, कुछ नहीं भी होते होंगे, लेकिन बट आप लोग ये अपना वो बना लें कि बहुत मिला के और सारी जगह हमें यूज करनी है। तो ये हमारा एक्सेलेंस का 1.1 हो गया जिसमें हमें मेथडोलॉजी यूज करनी थी। तो ये जो इस एक्सेलेंस सेक्शन का 1.1 था वो हो गया कि भाई साइंटिफिक कंटेंट या मेथड या प्रोजेक्ट के बारे में क्या था। ठीक है, 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं। जी जी बिल्कुल, मैं यही कहने लगा था, आपको सांस चढ़ा हुआ है, आप पानी पिए, साथ में किसी का कोई क्वेश्चन है आई विल ट्राई टू आंसर देम। जिसका कोई क्वेश्चन है प्लीज आप, हाँ जी कोई भी सवाल हो क्वेश्चन है प्लीज अपना हैंड रेज कीजिएगा। जी डॉक्टर भगवान दास प्लीज बोलिए। सर ये वर्क पैकेजेस की हेडिंग होगी या वो जस्ट WP1 और WP2 करके ही हम हेडिंग, जैसे WP2 फॉर एग्जांपल हो जाए आपका, आपका डेवलपमेंट ऑफ डीप लर्निंग एल्गोरिथम, ठीक है, WP3 होगा अगर आपका डेवलपमेंट ऑफ हार्डवेयर XYZ हार्डवेयर यूनिट, WP5 वो टेस्टिंग ऑफ द सिस्टम ऑन स्ट्रोक पेशेंट्स जस्ट फॉर एग्जांपल, तो हेडिंग होगी, उसके आगे ब्रैकेट में उसका वो ऑब्जेक्टिव नंबर लिख दें PO1 या RO1 जो भी आप रख रहे हैं, और फिर उसके बारे में मेथडोलॉजी 2-3 लाइनें उसके बारे में बताएं उस वर्क पैकेज की, तो हेडिंग लाजमी होगी, लाजमी। ठीक हो गया, किसी और का कोई क्वेश्चन है प्लीज। आई थिंक सो किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है। तो अहमद भाई हमारे पास अभी तकरीबन 1 घंटा बचा है, और तकरीबन तो 1 घंटा, हाँ जी, तो आपको टाइम कितना चाहिए? पता नहीं, 1.1 हो गया, ये असल यही था, तेज ही निकलेगा, आई थिंक 1 घंटे में निकल ही जाएगा। चलिए ठीक है, बाकियों को मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ, और ये चीज मैंने इसलिए सामने रखी है कि ताकि रिलैक्स होके बैठे आप और सुनते जाएं और देखते जाएं, क्योंकि जाहिर बात है अगर कोई आपको तकरीबन 6,000 यूरो पर मंथ सैलरी दे रहा है तो उसके लिए मेहनत भी उतनी ही लगनी, ये नहीं है कि आप किसी का उठाएं, कोई चीज कहाँ से जोड़ी, कोई चीज कहाँ से जोड़ी, यार वो खाना पूरी करने वाली बात है, एक दफा अप्लाई कर दो बाकी अल्लाह पे छोड़ दो। ठीक है, नहीं नहीं ये नहीं होता, बेहतर ये है कि आप मेहनत करें और ये देखें जो चीजें बता रहे हैं आप, यकीन माने वर्कशॉप्स में भी इतनी डिटेल में कोई नहीं समझाता, और बेसिकली उर्दू में तो कोई बताता ही नहीं है। और मैं ये दावे के साथ कहता हूँ भाई, मैंने ऑनलाइन आप बहुत ये देखी हुई है वर्कशॉप्स और ये वो, जितनी मैंने कंसाइज वे में ये बनाई है ना ये प्रेजेंटेशन, आपको कहीं एक भी इतनी डिटेल में नहीं मिलेगी। बिल्कुल ऐसी ही बात है, और मेरे ख्याल से जितना आप, आपको अहमद भाई जैसे बता रहे हैं कंजेस्टेड लाइन वगैरह और लाइन स्पेसिंग और ये सारी चीजों पे फोकस करके करना है, क्योंकि जो रिव्यूअर होगा ना उसने एक एक चीज को नोट करना है, एक एक चीज का मतलब एक एक चीज, तो आपको लगेगा कि कोई नहीं छोटी सी लाइन बीच में अड़ा दी है हमने, फंसा दिया कि ठीक है ये भी निकल ही जाएगी। ठीक है, और रेफरेंस को आपने वो जैसे अहमद भाई बता रहे थे कि रेफरेंस 2008-09 या 12 का नहीं लगा देना, 2020-21-22 वाला लगाना है, लेकिन अक्सर ये भी होता है कि लोग जानबूझ के रेफरेंस उसका होता नहीं है उस पेपर का, लेकिन वो डाल देते हैं कि कोई बात नहीं रेफरेंस तो दिया ही है वो देखा जाएगा, तो इसी वजह से सब्जेक्ट मैटर के एक्सपर्ट्स जो होते हैं उन्हें इन चीजों का पता होता है ऑलरेडी। ठीक है, तो और उनको पता होता है अभी फील्ड में क्या काम चल रहा है, रिव्यूअर्स को
वो उसी तरीके से उन्होंने सेलेक्ट किए होते हैं आपके प्रपोजल के बेस पे, बिल्कुल अक्सर पता होता है। हाँ जी, क्वेश्चन आया है हमारे पास, अक्सा प्लीज बोलिएगा। मेरा क्वेश्चन ये है कि पीओस और डब्ल्यूपीस के लिए कलर्स यूज करना गुड आइडिया है विद इन दिस टेक्स्ट बॉडी और गैंट चार्ट में। सॉरी, क्या यूज करना? कलर्स, टेक्स्ट कलर, फॉन्ट कलर्स? नहीं नहीं, फॉन्ट कलर्स आप सिर्फ गैंट चार्ट में रंगीनियां मचाइएगा, इसमें नहीं। इसमें नहीं, ओके, इसमें नहीं करें, वो गैंट चार्ट में के एंड में जो है उन चीजों में कीजिएगा, जब बहुत सारी चीजें हो ना बतानी हो तब थोड़े कलर्स यूज कर लें। अभी सिर्फ पीओ फोर और वर्क पैकेज है तो इनको फिलहाल ब्लैक ही रखें। इम्प्लीमेंटेशन में थोड़ा कलर्स का इस्तेमाल आएगा। ठीक हो गया। डॉक्टर आकिफ जैब साहब प्लीज बोलिएगा। जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत जबरदस्त आपकी वो हो रही है, तो सबसे पहले तो उसके लिए आप लोगों का शुक्रिया। अच्छा, मेरा ये क्वेश्चन था कि जो रिसर्च प्रपोजल है अक्सर औकात इस तरह से होता है कि आप एक जनरलाइज्ड और ब्रॉड पर्सपेक्टिव में उसको लिख रहे होते हैं, तो रिव्यूअर कहता है कि जी ये बहुत जनरलाइज्ड आपने प्रपोजल लिखा है, और बाज औकात इस तरह से होता है कि हम जिस तरह हम मटेरियल्स के लोग हैं तो हम कहते हैं हमने क्रिस्टल इंजीनियरिंग करनी है, हमने वैकेंसी इंजीनियरिंग करनी है, हमने टेम्परेचर का ख्याल करना है, हमने ये, तो जब वो हम उस डिटेल में जाते हैं तो फिर वो कहते हैं नहीं जी ये बहुत नैरो है और ये सिर्फ एक ही फील्ड, ये केमिस्ट्री में घुस गए हैं और ये जो है वो फिजिकल केमिस्ट्री या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में घुस गए हैं और इनका इनका फोकस जो है वो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन की तरफ नहीं है, जैसे हम बैटरी टेक्नोलॉजीज पे काम करते हैं और मटेरियल्स के थोड़े मटेरियल, तो वो कहते हैं कि उस तरफ आपका जो है ध्यान कम है तो आपका ज्यादा काम जो है मटेरियल डिजाइन की तरफ है, सो दिस इज नॉट इंटरडिसिप्लिनरी, दिस इज वेरी नैरो, तो वो हमने एक वो बैलेंस उस वो कितना मैटर करता है और वो किस तरह उसको रिव्यूअर जो है वो जज कर रहा होता है या गेज कर रहा होता है, तो ये मैं पूछना चाह रहा था। थैंक यू। पहली बात के आप किधर अप्लाई कर रहे हैं पहले तो उस पर डिपेंड करता है कि आप कौन सी फेलोशिप में कर रहे हैं और उनकी क्या रिक्वायरमेंट है, तो वो तो एक, लेकिन अगर आप इसकी इसकी स्पेसिफिकली बात करूं तो इसके लिए इंटरडिसिप्लिनरी होना बहुत जरूरी है। अगर आप बहुत ज्यादा स्पेसिफिक हो रहे हैं सिर्फ एक ही साइंस में तो ये गलत है, यानी कि इसके लिए गलत है, मैं ये नहीं कह रहा कि वो आइडिया गलत है नहीं, लेकिन इसमें जो है इनका मकसद ही यही है, इंटरडिसिप्लिनरी इंटरडिसिप्लिनरी मल्टीडिसिप्लिनरी, इनको ये वर्ड्स बहुत ही पसंद है। इवन हमारे हमें जो इवेलुएशन रिपोर्ट की जो वो आई थी कि भाई ये क्राइटेरिया है जिसपे आप स्कोरिंग करेंगे, उसमें ये चीज मेंशन थी कि प्रोजेक्ट हैज टू बी इंटरडिसिप्लिनरी, हैज टू बी, ये बहुत दफा लिखा हुआ था कि इंटरडिसिप्लिनरी नहीं हो ज्यादा स्कोर काट लो खत्म, और एक्सलेंस में जहां हमने अगर एक्सलेंस में आपका चार आ गया ना पांच में से प्रपोजल खत्म, बात ही खत्म हो गई, क्योंकि उसका 50% काउंट है, आप जो मर्जी कर लें आपका फिर स्कोर नहीं पड़ेगा, तो एक्सेलेंस में फोर तो लाना ही नहीं है, एक्सेलेंस में तो हमें 4.5 4.7 तक चाहिए, तो उसके लिए आप एक छोटी सी भी मिस्टेक नहीं है, और ये इंटरडिसिप्लिनरी ना होना तो बहुत बड़ी चीज हो जाएगी, तो ये आपको अपनी फील्ड के लिहाज से सोचना पड़ेगा कि किस तरीके से कौन सा ऐसा रिसर्च टॉपिक हो, आपको फिर ऐसा ही रिसर्च टॉपिक ढूंढना है जो इंटरडिसिप्लिनरी हो, जैसे फॉर एग्जांपल ईआरसी ग्रांट्स हैं वो यूरोप की बहुत बड़ी हैं, उनमें अप्लाइड साइंस नहीं चलती, वो ग्रांट्स हैं ही सिर्फ बेसिक साइंस की, ठीक है, तो अब जब हम अप्लाइड के बंदे हैं तो हम तो सोच में पड़े रहते हैं कि हम बेसिक लाएं कहां से, तो हम नहीं अप्लाई कर रहे होते जब तक हमारे पास वाकई कोई बेसिक साइंस का आइडिया या टॉपिक ना हो, तो हम हमारा बेशक अप्लाइड का साइंस का बिल्कुल बहुत ही हाई लेवल का भी आइडिया होना वो नहीं देंगे हमें, क्यों, क्योंकि वो कह रहे हैं कि हमें बेसिक साइंस चाहिए, इसी तरह ये इंटरडिसिप्लिनरी है तो है, आप टॉपिक ढूंढो टॉपिक सोचो किसी तरीके से इंटरडिसिप्लिनरी करो, और इट हैज टू बी बैलेंस, ये नहीं कि 80% एक हो गया एक बस यू नो फॉर फॉर्मेलिटी आप जबरदस्ती थोड़ा सा कुछ डाल दिया कि भाई इंटरडिसिप्लिनरी बना दें, नहीं नहीं एक अच्छे लेवल पे। ठीक हो गया। नेक्स्ट रब नवाज भाई। अस्सलाम वालेकुम, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया ये मीटिंग ऑर्गेनाइज करने का, मेरी अहमद भाई से थोड़ी बहुत बातचीत हुई भी थी लिंक्डइन पे, तो मैं चूंकि एक और मीटिंग में बिजी था, अच्छा रब नवाज, हाँ जी मैं एक और मीटिंग में बिजी था तो अभी वो थोड़ी देर पहले ही खत्म हुए तो मैंने लेट ज्वाइन किया, हो सकता है मेरा जो क्वेश्चन है ऑलरेडी आंसर भी हो चुका हो, लेकिन खैर मैं पूछ लेता हूँ।
मेरा क्वेश्चन ये है कि बेसिकली जो अभी मैं एक पोस्ट डॉक ही कर रहा हूँ यूके बेस्ड हूँ ना, तो मेरा जो क्वेश्चन है कि अगर हम अप्लाई कर दे तो ये मारी क्यूरी जो फेलोशिप से ये हम यूके में यूटिलाइज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? आई थिंक यूके आप 2002 में कंट्री की लिस्ट एक दफा चेक कर लीजिएगा, मेरे ख्याल में इस साल यूके निकल गया है, मेरे ख्याल में, ये मैं श्योर नहीं हूँ, ये देख लीजिएगा आप। अच्छा, क्योंकि मुझे भी थोड़ा सा ये था अभी अभी आप यूके में हो? जी जी, मैं यूके में हूँ, मैं यूनिवर्सिटी। कितना टाइम हो गया आपको यूके में? मुझे तकरीबन साल पूरा होने वाला है। हाँ, और मेरे तो, यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 2.5 years का है, उससे पहले मैं आप डेडलाइन से पहले पहले आपको 12 महीने हो जाएंगे 14 सितंबर से पहले पहले। 14 सितंबर से पहले मुझे नहीं, मैंने यहाँ पे 1 अक्टूबर से स्टार्ट किया था ना, तो मुझे चले फिर आप देख लीजिएगा। हाँ, बस मुझे कंट्री का यूके का कंफर्म नहीं, लेकिन मैंने जहाँ तक सुना था तो यूके इस साल निकल रहा था। अच्छा, तो अभी कुछ तो चेक कर लीजिएगा आप, ठीक है? और लकीली दूसरी बात, मैं इसमें इंटरेस्टिंग और भी ज्यादा ये था क्योंकि ऑलमोस्ट हमारी फील्ड से है, मैं भी जो है ना बायोमेडिकल सिग्नल प्रोसेसिंग के ऊपर काम करता हूं। आईडिया नहीं चोरी कर लेना बस। चले चले, नहीं कोई बात नहीं, मेरा असल में चोरी तो कोई आईडिया किया नहीं, मैं मजाक कर रहा था यार, ये तो पुराना प्रोजेक्ट है वैसे भी, मैं ऐसे तंग कर रहा था। होपफुली ये जो हमारी मीटिंग रिकॉर्ड हो रही होगी तो बाद में हम इसकी रिकॉर्डिंग बिल्कुल बिल्कुल जी जी मिल जाएगी, मिल जाएगा। आपका क्वेश्चन यही था बस रवनवास भाई? जी जी, मेरा क्वेश्चन ये था। चलिए ठीक है, जी जी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, डजंट मैटर, वो कोई मसला नहीं। नेक्स्ट चलते हैं अक्सर अरशद की तरफ एंड देन वी विल मूव टुवर्ड्स आवर वर्कशॉप। ठीक है, ठीक है। हाँ, एक तो रबनवाज भाई ने जो क्वेश्चन किया है उनके क्वेश्चन का आंसर कर दूं कि यूके से अप्लाई कर सकते हैं इस साल, ये ऑप्शन वैलिड है। और दूसरा ये कि अगर आप मुझे एक रफ आइडिया दे दें कि जो पीओज हैं और जो वर्क प्लान है हमारा, उस अप्रोक्सीमेटली कितने नंबर ऑफ प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव्स हम ऐड कर सकते हैं और कोई गुड आइडिया? नॉर्मली 4 से 5 होते हैं नॉर्मल, क्योंकि ये भी याद रखें क्योंकि 2 साल का प्रोजेक्ट है तो बहुत ओवर एम्बिशियस भी नहीं शो करना है, मैं ये भी कर लूंगा, मैं चांद पे चले जाऊंगा, नहीं 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 भाई, इधर ही रहते हुए जो आप फिजिबल चीजें हो हमें वही बताना है। तो नॉर्मली बहुत ज्यादा भी हो तो हमें होता है कि नहीं कैसे होगा, ये भी एक रिजेक्शन का होता है कि फिजिबिलिटी नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पीओज और वर्क प्लान है ये हमें ब्रॉड सेंस में एड्रेस करना है। आपके प्रोजेक्ट में अगर छोटे छोटे वर्क पैकेज बन रहे बना दे, लेकिन अगेन वो ज्यादा बन रहे हो लेकिन वो अगेन 2 साल के अंदर बस पूरे होने चाहिए, बस इस चीज का आप ध्यान रखिएगा अपनी आपकी जो भी रिसर्च है कि बस छोटे छोटे भी बन रहे हैं लेकिन वो फिजिबिलिटी के एतबार से सही हो, लेकिन नॉर्मली इंजीनियरिंग में हमारे 4-5 वर्क पैकेजेस होते हैं हम लोगों के। ओके, ठीक है, थैंक यू, वेलकम। जी अहमद भाई प्लीज कंटिन्यू करें। चलें जी। ओके, हाँ चलें। हाँ, ये याद आ गया। अच्छा, 1.1 में एक ग्राफिकल एब्स्ट्रैक्ट या ग्राफिकल फिगर लाजमी डालनी है, लाजमी 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 डालनी है, ठीक है, जिसमें आपका पूरा प्रोजेक्ट शो हो रहा हो। ये नहीं डालनी, यानी कि जो भी, जैसे फॉर एग्जांपल ये ऐसी एक डाल देंगे जो सारे दिखा रहा हो कि फलाना वर्क पैकेज कनेक्ट है या कोई भी, बस कोई फिगर की सूरत में कुछ ना कुछ आपने दिखाना है कि भाई ये पूरा प्रोजेक्ट एक फिगर में कि भाई ये वाले वर्क पैकेजेस आपस में लिंक्ड हैं, पहले ये करूंगा वो करूंगा करूंगी जो भी, ठीक है। तो ये चीज लाजमी है कि 1.1 में हमें एक ये भी डालना है। तो अब देखें, हमारे पास सेक्शन 1 एक्सीलेंस के लिए 5.5 पेज है और अभी सिर्फ हमने 1.1 किया है जिसमें हमारी सब हेडिंग 7 थी और हमें फिगर भी डालनी है। तो आप खुद सोच सकते हैं कि 5.5 पेजेस में हमें कितना वो होगा कि कैसे करना है तो इस चीज का। तो अब दूसरी चीज आती है हमारी कि क्वालिटी एंड अप्रोप्रिएटनेस ऑफ ट्रेनिंग एंड ऑफ द 2-वे नॉलेज ट्रांसफर बिटवीन द रिसर्चर एंड द होस्ट। तो इसके अंदर भी 2 रिकमेंडेड सब हेडिंग है, इसमें सिर्फ 2 ही है, एक है ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर द फेलो और दूसरा था कि हाँ ट्रांसफर ऑफ नॉलेज टू द होस्ट, यानी कि पहला है कि भाई आपको क्या ट्रेनिंग्स मिलेंगी और दूसरा आप होस्ट को क्या दोगे, ठीक है। तो ये इसमें 2 चीजें हैं। तो इसमें ट्रेनिंग्स में हमें 2 चीजों पे बहुत फोकस करना है, एक है रिसर्च स्किल्स और दूसरी है ट्रांसफरेबल स्किल। रिसर्च स्किल्स होती हैं जो रिसर्च बेस्ड आपकी ट्रेनिंग्स हों, ठीक है, और दूसरी ट्रांसफरेबल स्किल्स, यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल आपको मिले
मैनेजमेंट के ऊपर कोई ट्रेनिंग मिल जाए, आपको लीडरशिप पे ट्रेनिंग मिल जाए, आपको एंटरप्रेन्योरशिप पे कोई ट्रेनिंग मिल जाए, इस तरीके की जो है जो सॉफ्ट स्किल्स वाली होती है वो होती है ट्रांसफरेबल स्किल्स। तो इसमें हमें दो ट्रेनिंग्स का बताना है कि रिसर्च बेस्ड कौन कौन सी हमें ट्रेनिंग्स मिलेंगी। तो आप वो कर सकते हैं कि रिसर्च बेस्ड ट्रेनिंग्स मुझे फॉर एग्जाम्पल 5 मिलेंगी और उसको नाम दे दें, अगर वो आप कुछ भी नाम उसके रख सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल उसका आप नाम रख दें T1 से T5 और बता दें कि T1 मेरी ये ट्रेनिंग होगी, T2 ये ट्रेनिंग होगी, T3 ये ट्रेनिंग होगी। फिर आप बताएं ट्रांसफरेबल स्किल्स, उसका नाम रख दें F1 फॉर एग्जाम्पल, तो मेरी F1 ये होगी, F2 ये होगी, यानी कि इस तरीके से आप बताएं। तो आपने फिर इसमें कौन कौन से सवालात को आपने एड्रेस करना है कि पहला है कि व्हाट विल यू लर्न, कि भाई कौन कौन सी ट्रेनिंग होगी, ठीक है। दूसरा हाउ विल यू लर्न, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि आपने ये भी बताना है कि वो ट्रेनिंग्स आपको देगा कौन, क्या आपको सुपरवाइजर देगा, आपको उसका कोई पोस्ट डॉक है वो देगा, या आपको रिसर्च उनके रिसर्च ग्रुप का कोई बंदा देगा, या कौन देगा, ये आपको लिखना है। और आप कुछ भी लिख दें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस उनको लिखा होना चाहिए कि भाई ये लिखा हो, ठीक है। और वो जो नई स्किल्स आप सीखेंगे उसका आपको फ्यूचर में क्या फायदा होगा, ठीक है। तो आप जब लिख रहे होंगे तो ये तीन चीजों को माइंड में रखते हुए आपने बताना है कि भाई मुझे फलानी चीज, अब मैं जो हूँ मैं फॉर एग्जांपल EEG यानी ब्रेन सिग्नल प्रोसेसिंग सीख रहा हूँ, ठीक है, और उनके ग्रुप का कोई एक मुझे रिसर्चर ये चीज सिखाएगा और फ्यूचर में ये चीज मेरे करियर में ये हेल्प कर देगी, इसी तरह दूसरी ट्रेनिंग बता दी, तीसरी ट्रेनिंग बता दी। तो इस तरह से जो है आप कुछ जो है रिसर्च ट्रेनिंग्स का बताएं और कुछ ट्रांसफरेबल स्किल्स का बताएं। अब जैसे DTU में जो है इसका पूरा एक अलग वो था, एक सेक्शन है जो इस तरीके की ट्रेनिंग्स देते हैं मैरी क्यूरी वालों को। तो जब मैं प्रपोजल लिख रहा था तो उन्होंने मुझे कुछ बता भेजे थे लिंक्स के, भाई हम लोग ये ट्रेनिंग्स कराते हैं तो आप अपने प्रपोजल में इन ट्रेनिंग्स के नाम लिख लें अगर आप लिखना चाहें। तो मैंने मोर स्पेसिफिकली उनके नाम भी लिख लिए थे कि भाई अच्छा ये कराएं DTU ये कराएगा मुझे, वो कराएगा ये कराएगा, कराई नहीं कराई एक अलग बात है, ठीक है, कितनी कराई तो वो एक अलग डिबेट होती है, लेकिन उससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आपको ट्रेनिंग प्रोग्राम में ये चीजें बतानी है, कौन कौन सी, रिसर्च ट्रेनिंग्स एंड ट्रांसफरेबल स्किल्स, और उन दोनों में कि भाई आप क्या सीखोगे, कौन सिखाएगा और वो आगे आपके लिए कैसे फायदेमंद होगी। तो ये प्रोग्राम हो जाएगा भाई, आपकी ट्रेनिंग हो गई। दूसरा अब आप उनको क्या दोगे, अब आप इंटरडिसिप्लिनरी, और इधर यही बात आती है कि आप कुछ नया लेके आ रहे हो उस लैब में और आप कुछ लैब से सीख रहे हो, तो आपने ये भी बताना है कि भाई आप कुछ ऐसी चीज जो उस लैब के पास ना हो, कोई नॉलेज, कोई ऐसे स्किल्स, आप बताएं मैं इनको ये ट्रेनिंग दूंगा, ठीक है। और अगर आप सेकेंडमेंट भी आपने रखी हुई है तो आप उसको भी एड्रेस करें कि भाई मैं जो सेकेंडमेंट में सीखूंगा वो मैं मेन होस्ट में भी आके बताऊंगा, ठीक है, और मैं कैसे बताऊंगा। आप बोलें कि भाई मैं वापस जब सेकेंडमेंट से आऊंगा मैं इधर कोई सेमिनार रख दूंगा, ठीक है, मैं इधर सेमिनार कराऊंगा फलानी अपने डिपार्टमेंट में और मैं जो हूँ उसको डिस्कस करूंगा और ये वो, ठीक है। और इसके अलावा आपने ये भी बताना है कि जो आपका, आप तो एक रिसर्चर हो तो आपका कोई, जब आप आ रहे हो उस लैब में आपका एग्जिस्टिंग कोई नेटवर्क तो होगा रिसर्चर्स का, तो वो कैसे बेनिफिशियल होगा उस होस्ट के लिए। तो आप ये भी बोल सकते हो उसमें कि भाई हम लोग जो है कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स लिखेंगे, हम डिफरेंट यूरोपियन फंडिंग में अप्लाई करेंगे, हम फलानी फंडिंग में अप्लाई कर देंगे, हम ऐसा कर देंगे वैसे कर देंगे, यानी कि आपने बताना है कि भाई आपकी प्रेजेंस से उनको फायदा होगा। तो कौन कौन सी स्किल्स आप उनको लेके आओगे, आप सेकेंडमेंट में जो सीख के आओगे वो इनको बताओगे, वो इनको सिखाओगे और कैसे सिखाओगे, वर्कशॉप्स कराऊंगा, सेमिनार्स कराऊंगा, जो भी कराऊंगा, जो भी आपकी फील्ड से रिलेटेड वो बताना है। और तीसरा भाई के जो मेरा नेटवर्क है, मेरी फलानी फलानी कोलैबोरेशंस है, उससे हम नए नए प्रोजेक्ट लिखेंगे। अब इधर मेरा जो एक कमेंट था रिव्यूअर का, वो उसने कहा था कि तुमने जो ट्रांसफर ऑफ नॉलेज टू द होस्ट है वो बड़ी जेनेरिक मेंशन कर दी। फिर जब मैंने बाद में नोट किया तो मैंने देखा कि हाँ वो थोड़ी मैंने जेनेरिक लिख दी थी। तो यू हैव टू बी स्पेसिफिक, ये भी एक बात बता दूं कि जो ट्रांसफर ऑफ नॉलेज आप होस्ट करेंगे ना, जो स्किल्स, तो वो थोड़ा सा स्पेसिफिक रखिएगा कि मैं इससे रिलेटेड बताऊंगा,
ठीक है, जैसे मैंने फ्लेक्सिबल इलेक्ट्रॉनिक्स बता दिया था, मैं फ्लेक्सिबल इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर ये ट्रेनिंग दूंगा, तो उन्होंने कहा ये बहुत जनरलाइज टर्म है फ्लेक्सिबल इलेक्ट्रॉनिक्स, उन्होंने कहा यू हैव टू बी मोर प्रिसाइज अबाउट इट। तो ये एक मेरा कमेंट था वीकनेस में, मुझे याद है, तो इसका आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो 1.2 में हमारी दो चीजें होंगी, दो सब हेडिंग्स होगी, ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर द फेलो, ट्रांसफर ऑफ नॉलेज टू द होस्ट। ठीक है, इसी तरह तो 1.1 हो गया हमारा जिसमें हमने मेथोडोलॉजी की बात की, 1.2 हो गया हमारा जिसमें हमने ट्रांसफर ऑफ नॉलेज की बात की, नंबर ऑफ थर्ड क्वालिटी ऑफ सुपरविजन एंड इंटीग्रेशन इन द टीम एंड इंस्टीट्यूशन, यानी कि सुपरवाइजर आपका कैसा है, ठीक है, उसकी रेप्यूटेशन कैसी है, सुपरवाइजर की अचीवमेंट कैसी है, और अगर आपके पास सेकेंडमेंट है तो उन सेकेंडमेंट वाले सुपरवाइजर्स की भी डिटेल की बताओगे। तो मेरे पास तीन थे, एक DTU का सेकेंडमेंट वन, एक सेकेंडमेंट टू, मुझे तीनों के बारे में बताना था कि इन तीनों में क्या क्या है और किस किस तरीके का जो भी। ठीक है, तो ये जो है आप लोगों के पास 2-3 मिनट है, जरा आप ये जरा क्वालिफिकेशन ऑफ होस्ट सुपरवाइजर एक दफा पढ़ लें, जल्दी से बस पढ़ लें आप लोग। और ये मेरे सुपरवाइजर की है, ये मेरे प्रोपोजल का पार्ट है ये वाला, तो आप पढ़ें जरा। तो आई थिंक पढ़ लिया होगा। तो अच्छा, 1.3 में देखें, ये सब हेडिंग है 1.3.1 क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस ऑफ सुपरवाइजर। और हाँ, अगर जैसे अब मेरे तीन सुपरवाइजर्स थे तो मैंने पेज लिमिट इतनी वो थी, कंस्ट्रेंट था, तो मैंने बाकी दो को छोटा कर दिया। तो अगर आपके ज्यादा सुपरवाइजर्स हैं तो जो मेन होस्ट है ना उसको थोड़ा ज्यादा इलेबोरेटिव रखें और बाकी दो को थोड़ा सा शॉर्ट आउट कर दें तो भी चलेगा, लेकिन मेन वाले को सही से लिखना है। अगर आप इसमें देखें कि मैंने इसको सारी चीजें बताई कि भाई उनकी अचीवमेंट्स क्या थी, उन्होंने कौन कौन से अवार्ड्स जीते, कौन से यूरोपियन फंडिंग में काम कर रहे हैं, रिसर्च ग्रांट्स मिली, इतने जर्नल पेटेंट्स, बुक, इतने पोस्ट डॉग, ये वो। तो एक और बात, जब आप ये वाला हिस्सा सेक्शन लिख रहे होंगे, आप सुपरवाइजर से अपने बोलेंगे कि भाई मुझे अपनी आप बायो भेजें, तो नॉर्मली प्रोफेसर के पास जो बायो पड़ी हुई होती है वो वही भेज देते हैं, ठीक है, और वो अक्सर बहुत इलेबोरेटिव नहीं होती हैं। तो मैंने भी मांगी थी, उन्होंने भी कोई ऐसी भेज दी, तो मैंने उनको फिर हर जगह से गूगल में इधर उधर ढूंढा, उनकी हर जगह से चीजें उठाई और फिर मैंने खुद लिखा पूरा कि भाई उनको क्या क्या कहाँ कहाँ से मिला हुआ है। तो ये भी याद रखिएगा कि जो सिर्फ आपके सुपरवाइजर अक्सर बिजी ही होते हैं, तो वो जो आपको दें तो एज इट इज सिर्फ वही मत डाल दीजिएगा कि 3-4 लाइन डाल दी, 5 लाइन डाल दी, नहीं, आपको इसका इस प्रपोजल का हर सेक्शन आपने खुद लिखना है और बहुत परफेक्ट वे में लिखना है, बहुत ज्यादा परफेक्ट वे में, ठीक है, कि कोई कमी कहीं भी नहीं होनी चाहिए। तो अगर आप इसमें देखें, इसमें अचीवमेंट्स भी हैं इनकी हर चीज, यानी कि एक जो सुपरवाइजर की होनी चाहिए वो सब इसमें मेंशन है, ठीक है, तो इस चीज का बहुत ध्यान रखिएगा आप लोग, सही। और ठीक है, अब इसकी भी सिर्फ दो हेडिंग है 1.3 की, कि देखें अगर पढ़ें तो 1.3 क्या है, क्वालिटी ऑफ द सुपरविजन End of the integration in the team and institute. तो पहला सेक्शन हमने कर दिया क्वालिटी ऑफ सुपरविजन, सेकंड पार्ट है
होस्टिंग अरेंजमेंट यानी कि इंटीग्रेशन इन द टीम। अच्छा, इधर इसका ये मतलब है कि आप होस्ट इंस्टीट्यूट में जब जा रहे हैं तो आपको आपकी वहां इंटीग्रेशन किस तरीके से होगी, सिर्फ रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं या सिर्फ उस रिसर्च ग्रुप में नहीं, एज अ यूनिवर्सिटी आपकी इंटीग्रेशन कैसे होगी, तो उसमें आप बताएं कि भाई मेरी रिसर्च ग्रुप से 1-on-1 मीटिंग होगी। ठीक, अच्छा, तो इसमें डिफरेंट आ जाती है, एक होता है रिसर्च ग्रुप के साथ इंटीग्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन और ट्रेनिंग, ये सब के आपकी एक तरह से उस एनवायरमेंट में इंटीग्रेशन कैसे होगी। तो रिसर्च ग्रुप में आप बता सकते हैं 1-on-1 मीटिंग होगी मेरी, मैं जो हूँ करियर डेवलपमेंट प्लान डिस्कस करूंगा, रिसर्च ग्रुप मीटिंग करूंगा, सेमिनार, डिपार्टमेंटल मीटिंग, ये सब करूंगा। और एक करियर डेवलपमेंट प्लान मेंशन करना बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, यानी ये लव्स इसको मेंशन करना बहुत जरूरी है। ठीक है, पूरा डिटेल नहीं बताना है कि क्या क्या प्लान होगा डेवलपमेंट प्लान में, करियर डेवलपमेंट प्लान, वो तो जब आप जाएंगे तो उस बाद में बनेगा, लेकिन मेंशन बहुत जरूरी है करना। इसके बाद दूसरी एडमिनिस्ट्रेशन के आपके लिए, आप जब जाएंगे तो किस तरीके से आपकी वहाँ पे इंटीग्रेशन होगी एडमिनिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, कि भाई वो वेलकम प्रोग्राम रखेंगे इंटरनेशनल स्टाफ का, स्पाउस प्रोग्राम रखेंगे, हाउसिंग अरेंजमेंट्स करेंगे, सपोर्टिंग इन अंडरस्टैंडिंग टैक्स रिलेटेड इश्यूज, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, हॉलीडे, पेंशन, नेटवर्किंग इवेंट्स फॉर दीज, यानी एडमिनिस्ट्रेशन में भी आपको वो लोग अच्छा इंटीग्रेट करेंगे। सही, अब तीसरा है कोर्स एंड ट्रेनिंग, और फिर इसमें वही बताना है कि कॉम्पिटेंसी डेवलपमेंट हैज अ हाई प्रायोरिटी, ये DTU की एग्जाम्पल है तो फिर इसमें DTU लिखा हुआ है कि भाई इनके पास ये सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग्स भी होती है जो मेरी प्रोफेशनल और पर्सनल स्किल्स को भी एनहेंस करेगी, ये करेगी, वो करेगी। तो यानी होस्टिंग अरेंजमेंट में आपको तीन चीजें मेन बतानी होगी, एक रिसर्च ग्रुप में इंटीग्रेशन, एक एडमिनिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंटीग्रेशन, दूसरा कोर्सेज एंड ट्रेनिंग्स वगैरह भी जो आपकी होगी। तो यानी होस्ट ने आपके लिए क्या क्या अरेंज करके रखा है, होस्टिंग अरेंजमेंट्स, तो रिसर्च ग्रुप में मीटिंग्स अरेंज रखी हुई है, एडमिनिस्ट्रेशन ने डिफरेंट प्रोग्राम्स अरेंज रखे हुए हैं कि भाई मुझे सब पता चलेगा, और मेरे लिए आपके होस्ट ने सारे कोर्सेज एंड ट्रेनिंग्स सब का इंतजाम करके रखा हुआ है। ठीक है, तो ये इस तरह हमारा हो गया पॉइंट 1.3 एक्सीलेंस का, और एक्सीलेंस का लास्ट पॉइंट 1.4, पोटेंशियल ऑफ द रिसर्चर टू रीच और रीइंफोर्स प्रोफेशनल मैच्योरिटी इंडिपेंडेंस ड्यूरिंग द फेलोशिप, यानी कि जब फेलोशिप खत्म हो जाए तो आप एक इंडिपेंडेंट बन चुके हैं और मैच्योर बन चुके हों बिल्कुल। ठीक है, तो भाई इसमें आपने ना अपना सब कुछ बहुत बताना है कि भाई मेरी जो भी कुछ भी प्रेस्टीजियस थिंग्स के मैं फलाने कॉन्फ्रेंसेस में गया, मैंने ये स्टे अब्रॉड किया, या ये पब्लिकेशन की, मेरा ये इसमें साइटेशन ज्यादा आ गई, या मैंने ये वाली रिसर्च कोलैबोरेशन फलानी खुद बना ली, या मैंने टीचिंग असिस्टेंटशिप की, मैंने इतने प्रोजेक्ट्स को सुपरवाइज किए, यानी आप जितना भी बता सकते हैं ना उनको कि आपने क्या क्या किया अपने पिछले बैकग्राउंड में, और फिर उनको बताएं ताकि आप उनको कन्विंस करें दैट यू हैव द कैपेसिटी टू रीच अ पोजीशन ऑफ प्रोफेशनल मैच्योरिटी आफ्टर दिस फेलोशिप। तो आपने उसको कन्विंस करना है अपने आप को बहुत कुछ बता के, भाई मैंने ये किया, वो किया, ऐसा किया, और हाँ ये सब चीजें आप जब लिख रहे होंगे तो इसमें आपने जो जो किया ना तो उसको बोल्ड कर दीजिएगा कि फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि अगेन बहुत ज्यादा जगहें तो हमने छोड़नी नहीं है, आप लिख रहे होंगे कि भाई मैंने ये किया, और अगर इवन पॉइंट्स भी डाल रहे हैं ना तो उधर ही नंबर 1 डाल के लिख दिया, फिर अगर उधर ही आगे से नंबर 2 भी शुरू कर दें, और कुछ चीजें बीच बीच में बोल्ड कर दें, कुछ इटैलिक कर दें, जो भी उस तरीके से आपको लगे वो चेंज करें। ठीक है, और इसमें कोई सब हेडिंग नहीं है, ये सिर्फ 1.4 जो है इटसेल्फ एक अपने आप में ही वो है। ठीक है, तो अगर मैं सिर्फ एक दफा वो जल्दी बस दिखाऊं तो देखें, एक्सेलेंस सेक्शन 50% 5.5 पेजेस होने चाहिए, 4 थिंग के, पहली में हमारी प्रोजेक्ट इटसेल्फ और उसकी मेथोडोलॉजी, सेकंड में उसकी ट्रेनिंग्स और ट्रांसफर ऑफ नॉलेज, टू वे ट्रांसफर, थर्ड में क्वालिटी ऑफ सुपरविजन और इंटीग्रेशन इन द टीम एंड इंस्टीट्यूशन, और चौथा कि आप बहुत अच्छे हो और आप मैच्योर हो जाओगे। और 1.1 में 7 चीजें थी, बैकग्राउंड, स्टेट ऑफ द आर्ट में रेफरेंस बताए, गैप बताया, फिर प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव बताए हमने, फिर मेथडोलॉजी बताई हमने, डिफरेंट वर्क पैकेजेस बताए, उनका लिंक कर दिया उनके ऑब्जेक्टिव से, फिर अपने वर्क की हमने ओरिजिनलिटी और इनोवेटिव एस्पेक्ट बताया रीसेंट रेफरेंसेस के थ्रू, फिर इंटरडिसिप्लिनरी और मल्टीडिसिप्लिनरी एस्पेक्ट बताया, और जेंडर डायमेंशन, दैट्स इट, 1.1 खत्म। और हाँ, फिगर लाजमी होनी चाहिए, लाजमी। देन हम आए 1.2 में, जिसमें टू वे ट्रांसफर, पहली थी आपकी ट्रेनिंग प्रोग्राम, दो तरह की ट्रेनिंग प्रोग्राम, रिसर्च ट्रेनिंग और ट्रांसफरेबल स्किल्स, तीन चीजों का ध्यान रखना है, आप क्या सीखेंगे,
किससे सीखेंगे, आगे आपको क्या फायदा होगा, ये सारी ट्रेनिंग्स में आपको ये बातें बतानी है। फिर आपसे उनको क्या फायदा होगा, आप कौन सी स्किल्स लेके जाएंगे, सेकंड मिनट में जो सीखेंगे आप वो इधर कैसे बताएंगे, कब बताएंगे, और आपके जो पुराना नेटवर्क है उनसे आपके होस्ट को क्या फायदा होगा। ये हो गया 1.2। 1.3 पहला केस, आपके सुपरवाइजर कैसे हैं, आपकी रिसर्च इंस्टीट्यूट कैसी है, भाई सुपरवाइजर मेरा बहुत अच्छा है, ठीक है। और आप अगर देखें ये मेरा लिखा हुआ सब कुछ बिल्कुल कोई जगह नहीं छुटी हुई, सब एक दूसरे के अंदर है और बिल्कुल यानी जगह बची है, बचा के किया हुआ है, ठीक। अगला हाउसिंग अरेंज, होस्टिंग अरेंजमेंट, यानी रिसर्च ग्रुप में, एडमिनिस्ट्रेशन में, कोर्सेज ट्रेनिंग में, रिसर्च ग्रुप में मीटिंग्स, करियर डेवलपमेंट प्लान का जिक्र बहुत जरूरी, एडमिनिस्ट्रेशन में कि वो डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेशन स्टफ में मुझे हेल्प करेंगे, और तीसरा के वो यूनिवर्सिटी मुझे डिफरेंट कोर्सेज और ट्रेनिंग्स देंगी डिफरेंट किस्म के, और चौथा कि भाई मैं बहुत अच्छा हूँ, मैंने ये अच्छा हूँ या अच्छी हूँ, मैंने ये किया वो किया ऐसा किया वैसा किया, और मैं प्रोफेशनल मैच्योरिटी के लिए रेडी हूँ, आफ्टर दिस फेलोशिप मैं वो इंडिपेंडेंस मेरी हो चुकी होगी, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सेक्शन वन, जो कि जो सबसे बड़ा पार्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, 50% है, 5.5 पेजेस है, बाकी चीजें और कंपैरेटिवली अब तेजी में ही होंगी और आसान भी है एक्सीलेंस के मुकाबले में, ठीक है। तो इसी तरह आ गए हम इम्पैक्ट के सेक्शन में, इम्पैक्ट का वेटेज है 30% और 2 पेजेस, और इम्पैक्ट सेक्शन में मेरा जो स्कोर था, अच्छा हर किसी का 5-5-5 होता है, तो इम्पैक्ट में मेरा स्कोर 5 out of 5 था, ठीक है। तो इम्पैक्ट जो मैं आपको बताऊंगा बिल्कुल वैसे ही कीजिएगा, और मैंने बाकी भी काफी दोस्तों को पहले भी अप्लाई कराया, तो इम्पैक्ट में मेरा हमेशा 5 उन दोस्तों का भी आया है। तो इम्पैक्ट में 3 चीजें हैं, पहली चीज इनहेंसिंग द फ्यूचर करियर परस्पेक्टिव, कि उसका इम्पैक्ट आप पे क्या हो रहा है, ठीक है, कि आपका करियर परस्पेक्टिव कैसे बढ़ेगा आफ्टर दिस फेलोशिप, आप क्या करोगे। दूसरा, आप अपने रिजल्ट्स को एक्सप्लॉइट और डिसिमिनेट कैसे करोगे। तीसरा, आप अपने रिजल्ट्स को कम्युनिकेट कैसे करोगे, अब ये क्या चीज होती है ये मैं आपको बताऊंगा। और ये 3 मैंडेटरी हेडिंग्स हैं जो प्रोपोजल टेम्पलेट में पहले से ही हैं, ये 3 हेडिंग्स, ठीक है। तो अब हम 2.1 पे चलते हैं, एनहेंसिंग द फ्यूचर करियर परस्पेक्टिव ऑफ द रिसर्च आफ्टर फेलोशिप। इसमें आप जो है 4 चीजें कवर करोगे, पहली है न्यू कॉम्पिटेंसीज एंड स्किल्स, उसके लिए आप ये छोटा सा टेबल भी बनाओगे कि जिसमें आपने क्या ट्रेनिंग ली, उससे क्या सीखा और उससे आपके करियर में क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है। तो ये स्किल्स का आपका एक टेबल बनेगा। दूसरा, आप बताएंगे कि साइंटिफिक इम्पैक्ट के भाई आपने, आपसे इससे ये फायदा हुआ है कि भाई आपने लीडिंग साइंटिस्ट के साथ काम किया, कोलैबोरेशंस की, XYZ स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज में काम किया आपने, तो ये आपको आगे काम देगा। इम्पैक्ट ऑफ द कोलैबोरेशंस मेड ड्यूरिंग द फेलोशिप, कि आपने फलानी फलानी कोलैबोरेशंस की, तो अब मैं फ्यूचर में नए प्रोजेक्ट्स भी इनके साथ काम करूंगा या करूंगी। इम्पैक्ट ऑफ योर रिसर्च ऑन नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी एंड सोसाइटी, के आपके आपकी कॉन्ट्रीब्यूशन से अगर कोई ऐसी कॉन्ट्रीब्यूशन आपको लगता है कि बनेगी जो आपकी सोसाइटी को या इकोनॉमी पे इम्पैक्ट करेगी, तो आप वो बताएं कि जो डिफरेंट इंडस्ट्रियल गैप्स हैं, अगर आपका ऐसा कोई प्रोजेक्ट है जो इंडस्ट्री में काम आ सकता है, तो आप बताएं कि इससे ये फायदा होगा। और इधर जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, जो हमने एब्स्ट्रैक्ट में मैंने आपको बताया था कि SDG 1, 2, 3, 4, उसका जिक्र इधर लाजमी करना है, ठीक है, कि वो होती है नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी, कि भाई उस मेरे वो जो है मेरा फलाना काम फलाने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के इक्विवेलेंट है या उसके साथ का है, तो इसमें ये फायदा होगा, ठीक है। तो इनहेंसिंग द फ्यूचर करियर परस्पेक्टिव में आपने ये 4 चीजों को फोकस करना है, न्यू कॉम्पिटेंसीज एंड स्किल्स, उसका एक टेबल बन जाएगा, फिर साइंटिफिक इम्पैक्ट, इम्पैक्ट ऑफ द कोलैबोरेशन, और इम्पैक्ट ऑफ योर रिसर्च ऑन नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी एंड सोसाइटी। सो ये 4 चीजें हमने सिर्फ कवर करनी है 2.1 में, बहुत आराम से, इजी तरीके से, कोई मसला नहीं। अब ये आ गया भाई 2.2। अब 2.2 इज अबाउट डिसिमिनेशन एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ योर रिजल्ट्स। तो 2.2 को हम ब्रेक करेंगे 2 हेडिंग में। पहली है, अगर आप ये पढ़ें पूरा, तो लिखा हुआ क्वालिटी ऑफ द प्रपोज्ड मेजर टू एक्सप्लॉयट एंड डिसिमिनेट द एक्शन रिजल्ट, यानी ये 2 चीजें, एक्सप्लॉयट करना और डिसिमिनेट करना। तो पहली हेडिंग हम बनाएंगे डिसिमिनेशन ऑफ द रिसर्च रिजल्ट्स। अच्छा, तो डिसिमिनेशन असल में होता क्या है, डिसिमिनेशन में याद रखें हमारी टारगेटेड ऑडियंस होती है साइंटिफिक एक्सपर्ट्स और साइंटिफिक ऑडियंस, दैट्स इट। क्या मतलब, अच्छा, और इसमें ये वाला टेबल बनेगा, ये मेरे प्रपोजल का टेबल है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या है कि
पहला है प्रोजेक्ट डिटेल्स एंड रिजल्ट्स, देन एक्टिविटी और चैनल, टारगेट ऑडियंस, वेन और एग्जीक्यूशन, मैट्रिक्स और लास्ट में क्या लिखा हुआ है, एक सेकंड हो, हाँ गोल, सही है। तो यानी प्रोजेक्ट डिटेल्स, एक्टिविटी, टारगेट ऑडियंस, वेन, मैट्रिक्स, गोल। तो अगर हम पहला पढ़ते हैं, मैंने क्या कि मेरे एग्जांपल में प्रोजेक्ट ऑन गोइंग प्रोग्रेस एंड रिजल्ट्स। अच्छा, डिसिमिनेशन मतलब होता है कि अपने रिजल्ट्स को, अपनी रिसर्च के रिजल्ट्स को डिसिमिनेट करना, यानी कि उसको शेयर करना, फैलाना डिफरेंट तरीकों से। वो कॉन्फ्रेंसेज हो सकती हैं, वो जर्नल पब्लिकेशन हो सकती हैं, वो वर्कशॉप्स हो सकती हैं, वो सेमिनार्स हो सकते हैं, वो स्काइप मीटिंग्स हो सकती हैं, वो डिफरेंट सोसाइटी में जो आप प्रेजेंटेशंस होती हैं आपकी, वो हो सकती हैं। लेकिन इन सब चीज़ों में एक चीज़ कॉमन है, वो ये है कि डिसिमिनेशन में आपकी टारगेटेड ऑडियंस साइंटिफिक है, जो रिसर्च बेस्ड हैं, जो जो आपकी ही फील्ड के या उसी से मिलते जुलते एक्सपर्ट्स हैं, या ठीक है। तो इसमें अगर आप देखें तो हमें क्या क्या लिखना है कि पहला के डिटेल प्रोजेक्ट की, फिर एक्टिविटी चैनल कि हम किस तरीके से उसको करेंगे, फिर टारगेटेड ऑडियंस कि हमारी टारगेटेड ऑडियंस कौन है, वेन एग्जीक्यूशन कि एग्जीक्यूशन हम कब करेंगे, किस महीने, ठीक है। मैट्रिक्स और हम क्या, मैट्रिक्स मतलब एक्सपेक्टेड वैल्यूज, हम क्या चाहते हैं और उसका गोल क्या होगा। तो अगर आप पहला देखें कि भाई प्रोजेक्ट ऑनगोइंग प्रोग्रेस एंड रिजल्ट्स मैं डिसिमिनेट करूंगा कैसे, DTU हेल्ड टेक सेमिनार्स के थ्रू, और उसकी टारगेट ऑडियंस मेरी होगी रिसर्चर्स एंड स्टूडेंट्स ऑफ DTU हेल्थ टेक, DTU मतलब टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ डेनमार्क, ठीक है। व्हेन, कब करूंगा मैं, M6 पे करूंगा, M12, M18, M24, M मतलब मंथ्स, ये मैंने कहीं ऊपर मेंशन कर दिया था, M इज मंथ्स, तो आपको भी मेंशन करना है पहले, ठीक है। तो यानी छठे महीने, बारहवें महीने, अठारहवें महीने, चौबीसवें महीने, और क्या मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि कितने अटेंडीज हो फॉर एग्जाम्पल इसमें, ठीक है, 20 से 30। और गोल क्या है, शेयर द आइडियाज, ऑब्टेन सजेशन एंड एडवाइसेस। इसी तरह आप दूसरा एक्टिविटी चैनल देखें, वो स्काइप मीटिंग्स और सेमिनार्स, उसमें टारगेटेड ऑडियंस है मेरी एकेडमिक एंड इंडस्ट्रियल को होस्ट, ठीक। तीसरा है प्रेजेंटेशन इन BCI सोसाइटी, क्योंकि मेरी BCI ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस का प्रोजेक्ट था, तो हमारी एक सोसाइटी होती है, ठीक है। मैंने कहा कि भाई मैं उधर जाऊंगा फलाने फलाने मंथ, फिर वर्कशॉप कराऊंगा क्लिनिकल BCI सोसाइटी में। फिर एंड के जो दो है ना, वो इंपॉर्टेंट है, कॉन्फ्रेंसेस एंड जर्नल पब्लिकेशन, एंड यू हैव टू बी स्पेसिफिक अबाउट इट। अपनी फील्ड की कॉन्फ्रेंसेज के नाम देखो, आप सर्च करो गूगल में, आपको मिलेंगे कौन कौन सी अच्छी कॉन्फ्रेंसेज हैं, ये भी नहीं कि कुछ भी, कोई भी कॉन्फ्रेंस नहीं, कोई अच्छी कॉन्फ्रेंस। तो देखें, CO1, CO2, CO3, मैंने तीन कॉन्फ्रेंसेज को फोकस किया, ठीक है। टारगेटेड ऑडियंस, साइंटिफिक कम्युनिटी, मैं कब करूंगा, M7 से M24 के बीच में, यानी कभी भी, ठीक है। अब इसका मेरा गोल क्या होगा, प्रोपेगेट डाटा, इंक्रीज डेवलपमेंट ऑफ आइडियाज, दिस एंड ब्ला ब्ला ब्ला। लास्ट वन कि मेरा प्रोजेक्ट का क्या होगा, डेवलप एल्गोरिथम, हार्डवेयर, दिस दिस दिस, जर्नल पब्लिकेशंस, ये तीन जो मेरे टॉप नॉच जर्नल थे, ठीक है। फिर वो कौन सी सोसाइटी है, अब ये देखें टारगेट ऑडियंस में, और फिर मैंने लिखा है गोल्डन ओपन एक्सेस। तो ये जो है, ये मेरिक्यूरी, ये यूरोपियन वगैरह की ये जरूरत है कि गोल्डन ओपन एक्सेस हो, यानी कि फ्री ओपन एक्सेस हो, तो ये लाजमी मेंशन कीजिएगा, ठीक है। और फिर मैंने इसमें बता दिया कि भाई ठीक है, M7 से M24 तक, ठीक है, मैंने बता दिया कि भाई वर्क पैकेज 2 जो है मैं वो J1 में डालूंगा, जर्नल 1 में, M9 में, वर्क पैकेज 3 एंड 4 J2 में, वर्क पैकेज 2 से 6 पूरा J3 में, फलाना फलाना। और आप देखें हर चीज को मैंने नाम दिया है कि DN1, DN2, DN3, DN4, फिर कॉन्फ्रेंसेस को CO1, CO2, CO3, जर्नल को J1, J2, J3, और ऊपर मेंशन की है DN का मतलब है डिफरेंट डिसिमिनेशन एक्टिविटीज, CO का मतलब कॉन्फ्रेंस डिसिमिनेशन जर्नल। ये मैंने क्यों किया, क्यों, क्योंकि अब हम आगे जब गैंट चार्ट में ये सब मेंशन करेंगे, तो मैं उधर हम गैंट चार्ट में लिख देंगे DN1, तो उसका मतलब वो खुद ही लिंक हो जाएगा इससे, कि यानी DN1 पीछे हमने DN1 कर दिया और इसको येलो 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 कर दिया कि ये बिल्कुल उसके हाईलाइटेड उनकी आंखों में रहे कि इस टेबल में ये चीज अलग है। तो ये आप देखें, ये है इसकी पूरी डिसिमिनेशन के, और देखें सारा कुछ इसमें कवर होगा कि क्या कब करना है, मैंने क्या करना है, क्यों करना है, कैसे करना है, मेरा एक्टिविटी और चैनल क्या होगा, ये सब चीजें मैंने बताते हैं। और एक और मेन चीज इसमें, अच्छा ये नहीं करना है कि डिसिमिनेशन की हेडिंग डाली और डायरेक्ट टेबल बना दिया, नहीं नहीं नहीं, कभी भी ऐसा कुछ भी नहीं करना, हमेशा 2-3 लाइनें लिखनी है कुछ, कि एक हेडिंग शुरू हो, 2-3 लाइनें उसके बारे में कुछ आपने लिखा,
फिर एक टेबल आया कि आप उसमें कुछ भी बताएं, और इसमें एक बात ये भी बतानी है कि आपको ये डिसिमिनेशन अरेंज करने में हेल्प कौन करेगा। जैसे डीटीयू में इन सबको हेल्प करने के लिए डीटीयू कम्युनिकेशन ऑफिस है, तो मैंने उनसे पूछा, उन्होंने बताया हाँ हमारा ये है, तो मैंने ये लिख दिया। तो ये सवालात आप प्रोपोजल राइटिंग के वक्त अपने होस्ट से पूछें भी कि भाई ये सवालात हैं, आप काइंडली बताएं। वो बता देते हैं, जो होस्ट आपके होते हैं वो जवाब दे देंगे। ठीक है, कि अगर कोई नहीं भी है, अगर कोई ऐसा जवाब, तो फिर आप अपनी तरफ से ही लिख दें कि भाई फलाना उनका डिपार्टमेंट मुझे हेल्प करेगा या फलानी मैनेजमेंट उनकी हेल्प करेगी, कुछ भी। लेकिन ये बताना है कि ये सारी एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज करने में, ये जैसे डीटीयू हेल्थ टेक सेमिनार, ये वो भाई, जो ऊपर 2-3 लाइनें लिखेंगे उसमें ये बता देगा कि डिसिमिनेशन एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज करने में मुझे डीटीयू या XYZ का फलाना डिपार्टमेंट मुझे हेल्प करेगा। ठीक है, तो ये हो गई हमारी डिसिमिनेशन। अगेन, डिसिमिनेशन में टारगेट ऑडियंस साइंटिफिक और एक्सपर्ट ऑडियंस होती है। तो ये टेबल हो गया, ये बहुत जबरदस्त आपका 2.2 की पहली हेडिंग हो जाएगी, सही। अब इसकी हम दूसरी हेडिंग होती है एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉयटेशन क्या होती है? एक्सप्लॉयटेशन होती है कि आपके रिजल्ट्स से आप उसको डिफरेंट चीजें करें, यानी कि आप उससे क्लिनिकल गाइडलाइंस बनाएं, आप उससे लाइसेंस बनाएं, उसको पेटेंट करें, आप किसी कंपनी से कोलैबोरेट करें, पॉलिसी मेकर्स में चले जाएं, यानी इन इन चीजों में ये होती है उसकी एक्सप्लॉयटेशन। डिसिमिनेशन सिर्फ साइंटिफिक कम्युनिटी, एक्सप्लॉयटेशन में पॉलिसी मेकर्स, इन्वेस्टर्स, गवर्नमेंट, हेल्थ केयर टेक इंडस्ट्रीज, मेरे केस में हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज, आपके केस में कोई दूसरी इंडस्ट्रीज, तो ये सब चीजें आ जाती हैं एक्सप्लॉयटेशन। तो इसी तरह एक्सप्लॉयटेशन का ये टेबल आप लोग बनाएं जिसमें सिर्फ रिजल्ट्स हो, एक्सप्लॉयटेशन मेथड, टारगेट यूजर, इम्पैक्ट, दैट्स इट। तो रिजल्ट यानी क्या, मेथडोलॉजी, उसकी लाइसेंसिंग, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, कौन से टारगेट ग्रुप्स हैं, उसका इम्पैक्ट क्या होगा, मार्केट अपटेक ऑफ रिजल्ट्स, यानी कि कोई स्पिन ऑफ बनेगी या जो भी उससे, ठीक है। लास्ट वन अगर आप देखें तो उसमें मेरा टारगेट ग्रुप था इन्वेस्टर एंड द गवर्नमेंट, व्हाई, फॉर द कमर्शियलाइजेशन ऑफ माय प्रोडक्ट, फॉर क्रिएशन ऑफ स्पिन ऑफ, कि कोई मैं स्टार्टअप स्टार्ट करूं उससे, यानी इस तरीके से। अब सेकंड में मैंने पॉलिसी मेकर्स को हाईलाइट किया, क्यों, मेकिंग ऑफ न्यू पॉलिसी एंड एडिशन ऑफ न्यू सिस्टम गाइडलाइंस इन रिहैबिलिटेशन प्रोटोकॉल्स, क्योंकि मेरा रिहैबिलिटेशन से रिलेटेड प्रोजेक्ट है, तो रिहैबिलिटेशन प्रोटोकॉल्स वगैरह हम पॉलिसी मेकर्स वालों से बात करें। और सही, एक्सप्लॉयटेशन मेथड को भी मैंने E1, E2, E3 कह दिया कि अगर आगे कहीं यूज करना हो तो हमारे पास ये सब है। तो ये हमारा हो गया 2.2, ठीक है। 2.1 था हमारा एनहेंसिंग द फ्यूचर परस्पेक्टिव, आपका करियर, ठीक है, न्यू स्किल्स, साइंटिफिक इम्पैक्ट, इम्पैक्ट ऑफ द कोलैबोरेशंस, इम्पैक्ट ऑफ योर रिसर्च ऑन नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी। 2.2 में आ गया डिसिमिनेशन, एक्सप्लॉयटेशन, दैट्स इट। 2.3 लास्ट है इम्पैक्ट का, इसमें है कम्युनिकेट द प्रोजेक्ट एक्टिविटीज टू द डिफरेंट टारगेट ऑडियंस, ठीक है। अब इसमें एक बड़े मजे की बात है, डिसिमिनेशन में जो है आपकी टारगेट ऑडियंस साइंटिफिक होती है, कम्युनिकेशन और आउटरीच में आपकी टारगेटेड ऑडियंस लोकल लोग होते हैं, हर कोई हर चीज होते हैं, ठीक है। अच्छा, मैं पीछे एक बात कहना भूल गया। अब अगर आप ये लास्ट में देखें, मैंने ये भी इसमें लिखा है, ऑल्सो डिसिमिनेटेड ऑन एकेडमिक फोरम्स लाइक रिसर्च गेट, academia.com। मैंने ये अलग से नहीं लिखा कि लाइन कि इसका मैं अलग बनाऊंगा तो और एक नया कॉलम, सॉरी रो बन जाएगी तो ज्यादा होगा, तो मैंने इधर ही ब्रैकेट में ये भी बात लिख दी कि जर्नल पब्लिकेशन के साथ साथ मैं जो हूँ वो रिसर्च अपने डिसिमिनेट करूंगा एकेडमिक फोरम में। क्यों? क्योंकि वो भी साइंटिफिक, आप देखें साइंटिफिक ऑडियंस है वो भी मेरी, के रिसर्च गेट, लिंक्डइन, academia.com, ठीक है। तो ये बात याद आई थी। हाँ, तो कम्युनिकेशन जो है ना वो बेसिकली है कॉमन लोग, बिल्कुल कॉमन, कोई भी हो सकता है, ठीक है। अब डिसिमिनेशन में हम रिजल्ट्स डिसिमिनेट करते हैं कि हमारे क्या रिजल्ट्स आए। कम्युनिकेशन में हम अपना प्रोजेक्ट डिस्कस करते हैं, क्यों, क्योंकि एक आदमी को मैं अपना ग्राफ बताऊं वो कहेगा भाई ये क्या है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, कम्युनिकेशन में की मैसेजेस होते हैं कि जैसे जनरल इंफॉर्मेशन, अगर मेरा पहला वाला देखें, ये भी मेरे प्रपोजल का पहला देखें, तो जनरल इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोजेक्ट, ये की मैसेज है। अब एक्टिविटी या चैनल, प्रिंटेड पॉपुलर साइंस ब्रोशर, मैंने ब्रोशर बनाऊंगा वो लोकल कम्युनिटी में बांट दूंगा, ठीक है। उसका गोल क्या है मेरा, इन्फॉर्म पीपल अबाउट द डेवलपमेंट डन इन द साइंटिफिक फील्ड, और उसका एक्सपेक्टेड इम्पैक्ट क्या है, इंक्रीज पब्लिक इंटरेस्ट इन नेशनल रिसर्च, ठीक है। और इस
कम्युनिकेशन को, अच्छा इस एक्टिविटी को कम्युनिकेशन कहते हैं, ठीक है। तो अगर आप देखें कि मैंने नीचे वहां पे वो लिख दिया कम्युनिकेशन को सी कह दिया, एट मंथ्स 8, 5 and 20 द कम्युनिकेशन विल बी असेस्ड विद द सुपरवाइजर एंड एडजस्टेड इफ नेसेसरी। यानी मैंने ये भी बता दिया कि भाई कम्युनिकेशन करूंगा मैं और अपने साथ साथ फलाने फलाने मंथ में सुपरवाइजर से मैं डिस्कस करके उसको एडजस्ट भी करूंगा। ये इनको पसंद आती है ऐसी चीजें लिखी भी होना इन लोगों को। और साथ में लिख दिया इंश्योरिंग नॉन डिस्क्लोजर ऑफ सेंसिटिव आईपी थ्रू आउट, यानी कि जो सेंसिटिव इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है जो उनको मैं डिस्क्लोज नहीं करूंगा इन सब पब्लिक चीजों में, जो कॉन्फिडेंशियल चीजें उनको मैं नहीं बताऊंगा, ठीक। अब इसी तरह सेकंड मैसेज है मेरा नोवेल कॉन्सेप्ट ऑफ होम बेस्ड रिहैबिलिटेशन, वो कैसे फैलाऊंगा। हाँ, कम्युनिकेशन में ये याद रखिए, आप जिस होस्ट में जा रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं डेनमार्क जा रहा था तो मैंने उधर का पता किया कि उधर के न्यूज़पेपर का नाम क्या है जो बड़े फेमस हैं। तो उनके दो न्यूज़पेपर थे, बर्लिंस्के और पॉलिटिकेन जो भी है, मैंने उनके नाम डाल दिए कि भाई मैं इन न्यूज़पेपर में भी ये वाला आर्टिकल डालूंगा, ठीक है। फिर इंक्रीज अवेयरनेस बढ़ाऊंगा इसकी, तो इससे पब्लिक प्रेशर होगा गवर्नमेंट में कि फंडिंग दो इस तरीके से। फिर नए ट्रेंड्स होगा, ई कम्युनिकेशन का यूज करूंगा, ट्विटर फेसबुक का, उसमें मेरी टारगेट ऑडियंस यंग पीपल होगी, ठीक है। फिर लास्ट में मैं एक प्रोजेक्ट की वेबसाइट भी बना दूंगा, उसकी टारगेट ऑडियंस एवरीवन। तो ये मैंने कम्युनिकेशन कर लिया, ठीक है। डिसिमिनेशन रिजल्ट्स थे और टारगेटेड ऑडियंस हमारी साइंटिफिक थी। कम्युनिकेशन में हम रिजल्ट्स नहीं डिस्कस करेंगे, हम प्रोजेक्ट और उसका कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे और लोकल कम्युनिटी से जो कॉमन लोग हैं करते चलते फिरते उनमें इंटरेस्ट बढ़ाएंगे कि उनको रिसर्च का हो, वो गवर्नमेंट में प्रेशर करे, ये उसका इम्पैक्ट आएगा। तो ये होती है कम्युनिकेशन। तो 2.3 में कम्युनिकेशन के साथ ये टेबल बड़ा था कि जिसके नीचे एक और चीज होती है आउटरीच, ये लेकिन एक पेज में इधर मैं स्लाइड्स में नहीं आ रहा था तो मैंने ये अलग कर दिया। तो कम्युनिकेशन वाला ये था, अगला इसका आगे कंटिन्यूएशन में था आउटरीच। अब आउटरीच क्या होता है कम्युनिकेशन में, अगर आप नोट करें तो मैंने कहीं भी पब्लिक इंटरेक्शन नहीं हुआ मेरा। देखें तो देखें ब्रोशर, आर्टिकल्स इन न्यूज़पेपर्स, ई कम्युनिकेशन, प्रोजेक्ट वेबसाइट, कहीं भी मेरा पब्लिक के साथ इंटरेक्शन नहीं हुआ। ये सारा वन वे है कि सिर्फ मैं बता रहा हूँ और वो कहीं सुन रहे हैं, ठीक है। तो ये होती कम्युनिकेशन। आउटरीच में क्या होता है कि हम लोगों में जाएंगे, हम लोगों में जाके पब्लिक में जाके बताएंगे, पब्लिक में, बच्चों में, डिफरेंट यूरोप के इवेंट्स में। इस एक्टिविटीज को कहते हैं आउटरीच एक्टिविटीज। इसमें भी साइंटिफिक नहीं होता, सिर्फ यही चीजें होती हैं कि की मैसेजेस आप आगे फैलाते हैं। तो इसमें अब देखें, अब इसमें मैंने पता किया कि भाई ये मैंने सर्च किया कि डेनमार्क में कौन कौन से साइंस के फेस्टिवल्स होते हैं, तो मुझे मिल गए दो मिल गए कि भाई ये जो भी हैं मैंने लिखा है उसको, एक को इंग्लिश में कहते हैं कल्चर नाइट, दूसरे को डेनिश साइंस फेस्टिवल और तीसरे को रिसर्च डेज। तो मैंने O1 O2 O3 कह दिया, फिर इसके आगे मैंने बता दिया इससे फायदा क्या होगा ये वो, ठीक है। इसी तरह एक और होता है पब्लिक प्रेजेंटेशन इन डेनिश आईपी फेयर, एक होता है, मैंने कहा मैं उधर भी जाऊंगा। फिर मैंने कहा भाई मैरी क्यूरी एम्बेसडर का प्रोग्राम होता है, एक स्टेम का प्रोग्राम होता है, मैंने कहा उधर मैं वर्कशॉप भी अरेंज करूंगा, ये स्कूल्स के लिए होती हैं, ठीक है। लोकल स्कूल्स में कुछ वर्कशॉप्स होती है, मैंने कहा मैं उधर करूंगा स्टेम और मैरी क्यूरी की वर्कशॉप्स, फिर उससे जो है इंस्पायर होंगे यंग बच्चे साइंस के बारे में, लेवल ऑफ स्टूडेंट टेक्निकल यूनिवर्सिटी में बढ़ेगा, ये इसका इम्पैक्ट होगा। इसके अलावा यूरोपियन इवेंट्स में जाऊंगा, रिसर्चर्स नाइट, साइंस इज वंडरफुल, ये दोनों में बड़े अच्छे इवेंट है जहाँ पे कॉमन पब्लिक होती है, उधर जाऊंगा, उधर बच्चों का इवेंट है, उधर उनको फायदा होगा। लास्ट में मैंने लिख दिया मैरी क्यूरी ओपन डे एट DTU, हमारे यहाँ DTU में होता है, मैं उधर भी मैं स्टूडेंट और जनरल पब्लिक को जो है प्रेजेंटेशन दूंगा अपने प्रोजेक्ट के बारे में। तो इसमें देखें ये है आउटरीच कि मैं खुद जा रहा हूँ, लोगों में जा रहा हूँ, उनको अपना प्रोजेक्ट बता रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो पब्लिक टॉक हो गई डेनिश फेस्टिवल्स में, यानी कि आपका जो एक तो होस्ट है जहाँ पे उस पे, और इसके साथ साथ एक यूरोपियन फेस्टिवल्स में भी, ठीक है। तो यूरोपियन में आ गया भाई, यूरोपियन रिसर्च ना साइंस वंडरफुल, फिर मैरी क्यूरी का ओपन डे आ गया, कुछ स्कूल्स में वर्कशॉप करा दी मैंने कोई, और डेनमार्क के फेस्टिवल, दैट्स इट। ये हो गया हमारा आउटरीच खत्म। तो ये भाई हमारा ये खत्म हो गया इम्पैक्ट सेक्शन भी। ये इसमें क्या था, इम्पैक्ट में तीन चीजें थी, एनहेंसिंग द फ्यूचर करियर पर्सपेक्टिव, देन डिसिमिनेशन एंड एक्सप्लॉयटेशन, देन कम्युनिकेशन एंड आउटरीच, ये तीन चीजें।
करियर पर्सपेक्टिव आपका अच्छा समर गया, सब अच्छा हो गया, यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का जिक्र लाजमी करना है, कर दिया। फिर आगे हमारी एक्सप्लॉयटेशन और डिसिमिनेशन, डिसिमिनेशन में हमारी टारगेटेड ऑडियंस थी एक्सपर्ट और साइंटिफिक ऑडियंस, एक बहुत अच्छा टेबल बनाया, सब एक्सप्लेन कर दिया, सबके हमने कुछ एक्रोनियम रख दिए DN1 DN2 XYZ जो भी। एक्सप्लॉयटेशन में हमारे पास टारगेटेड ऑडियंस अलग थी, इंडस्ट्रीज, पॉलिसी मेकर्स, इन्वेस्टर्स, गवर्नमेंट्स, हमने उसका बता दिया भाई हम ये करेंगे। फिर कम्युनिकेशन में वन वे था कि भाई ब्रोशर्स, इंटरव्यूज, ये वो सारा, इसमें रिजल्ट्स हम नहीं शेयर करते, सिर्फ जो है अपने प्रोजेक्ट की डिटेल्स या प्रोजेक्ट को डिस्कस करते हैं, ठीक है। देन आउटरीच, आउटरीच में डिफरेंट फेस्टिवल्स, डिफरेंट वर्कशॉप स्कूल्स वगैरह में, ठीक है, ये हो गया, ये हमारा हो गया। इम्पैक्ट सेक्शन 30% भी खत्म, यानी हमारा प्रपोजल 80% खत्म, ठीक है, 50% इम्प्लीमेंट, 50% एक्सीलेंस एंड 30% इम्पैक्ट, परफेक्ट, सही। अब हमारा लास्ट रह गया इम्प्लीमेंटेशन सेक्शन। अब इम्प्लीमेंटेशन सेक्शन है 20% और इसको आप 2.5 पेजेस में ही रखोगे, इतना लगेगा ही लगेगा, ठीक है। तो इसमें जो है तीन मेन चीजें हैं, ये तीनों भी इसकी मैंडेटरी हेडिंग्स हैं जो प्रपोजल टेम्पलेट में आपको दिखेंगी। ये अगर ना भी हुई, हल्की फुल्की अगर चेंज हो भी गई तो शायद वर्डिंग्स का ही हेर फेर होगा, लेकिन वैसे आई थिंक यही होता है। जब आप अकाउंट बनाएंगे तो आपको टेम्पलेट तभी डाउनलोड होगा, अभी ऑनलाइन नहीं मिलेगा ऐसे। ओके, तो पहला है कोहेरेंस एंड इफेक्टिवनेस ऑफ वर्क प्लान इंक्लूडिंग अप्रोप्रिएटनेस ऑफ द एलोकेशन ऑफ टास्क एंड रिसोर्सेज। यानी पहले में आपने अपना वर्क प्लान बताना है और दूसरा ये भी बताना है कि भाई जो टास्क और रिसोर्सेज जो किए हैं आपने एलोकेट, वो अप्रोप्रिएट हैं। दूसरा है अप्रोप्रिएटनेस ऑफ मैनेजमेंट एंड स्ट्रक्चर एंड प्रोसीजर्स इंक्लूडिंग रिस्क मैनेजमेंट। दूसरे में आपने बताना है कि भाई जब हम इंप्लीमेंट कर रहे होंगे तो कुछ रिस्क मैनेजमेंट होगी, रिस्क क्या होगा, कैसा होगा, वो बताना है। थर्ड में होगा भाई इंस्टीट्यूशनल इन्वायरमेंट, यानी इंस्टीट्यूट का इन्वायरमेंट क्या, उधर लैब्स कैसी हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, कि जो मैं जा रहा हूँ तो उधर क्या क्या फैसिलिटीज हैं जो मेरे प्रोजेक्ट में काम आएंगी। तो इसमें सिर्फ 3.1, 3.2, 3.3 एंड दैट्स इट। 3.1 के अंदर कोई सब हेडिंग एज सच नहीं है, लेकिन ये क्या है मैं बताता हूँ। इसमें ये मेन चीज है कि आपने वर्क पैकेज के डिफरेंट टाइटल्स रखने, टास्क, डिलीवरेबल्स, माइलस्टोन, ठीक है, ये तीन चीजें आपने इधर बतानी है कि भाई ये तीन चीजें मेरे हर वर्क पैकेज के अंदर ये है। और एंड में आपने ये भी इसमें बताना है कि एक्सप्लेन व्हाई द नंबर ऑफ पर्सन मंथ्स प्लान एंड रिक्वेस्टेड फॉर द रिसर्चर इज अप्रोप्रिएट इन रिलेशन टू द प्रपोज एक्टिविटी। क्या मतलब कि अगर मैं कह रहा हूँ वर्क पैकेज 1 7 महीने का है तो वो जस्टिफाइड होना चाहिए। मेरा एक नेगेटिव कमेंट आया हुआ था कि उन्होंने कहा था इसने वर्क पैकेज 2 के लिए बहुत ज्यादा दिन दे, बहुत ज्यादा मंथ लगा रख दिए, इतना ये जस्टिफाई नहीं बनता। और फिर बाद में सोचा तो इतना बाकी नहीं जस्टिफाई बनता था, लेकिन देखें उन्होंने ये बात भी पकड़ ली मेरी कि आप गहराई चेक करें इन लोगों की, कि इन्होंने कहा वर्क पैकेज 2 में इसने जो मंथ्स लिखे हैं इतने नहीं बनते, इससे कम बनने चाहिए थे, यानी वो सारी एक्सपर्टिंग भी देख रहे हैं, ठीक है। तो अब इसमें क्या क्या होगा ये मैंने एक, अच्छा हाँ, डिलीवरेबल और माइलस्टोन्स हैं क्या, ये मैं आपको बता देता हूँ के इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन इसकी, कि आपको पता हो कि डिलीवरेबल क्या है और ये क्या है। अच्छा, डिलीवरेबल कोई भी चीज़ हो सकती है कि किसी भी वर्क पैकेज का, जैसे एक रिपोर्ट हो गई, डॉक्यूमेंट हो गया, फॉर एग्जांपल कॉन्फ्रेंस सबमिशन, ये एक डिलीवरेबल है, ठीक है, और जर्नल सबमिशन, ये एक डिलीवरेबल है। अब मैं एल्गोरिदम डेवलप कर रहा हूँ, अगर मेरा वर्क पैकेज है वो डेवलप हो गया तो ये एक डिलीवरेबल है, भाई एल्गोरिदम मेरा रेडी हो गया, ठीक है। और जो आपका वर्क पैकेज है उसके लिहाज से हम डिलीवरेबल लिखते हैं, मतलब अगर वर्क पैकेज 2 की बात हो रही है तो पहला वर्क डिलीवरेबल हो जाएगा मेरा वर्क डिलीवरेबल D2.1, अगला D2.2, 2.3, ठीक है। अब माइलस्टोन क्या होता है, माइलस्टोन जो है ना एक वो पॉइंट है कि उसके पहुंचने के बाद ही आपका प्रोजेक्ट आगे चलता है, ठीक है। मतलब कि अगर हम घर बना रहे हैं, ठीक, अगर दीवार ना बनाऊं मैं तो क्या मैं डायरेक्ट छत बना सकता हूं, नहीं, छत बनाने के लिए पहले दीवारें तो खड़ी हो ना। तो यानी जब हमारी दीवारें बन जाएंगी ना, ये एक माइलस्टोन हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इसके बाद अब आगे प्रोजेक्ट और चल सकता है। इसी तरह अगर मेरा हार्डवेयर मेरे एल्गोरिदम से कनेक्टेड है तो
तो जब मेरा एल्गोरिदम बन जाएगा ना, तो वो मेरा डिलीवरेबल भी होगा और मेरा माइलस्टोन भी होगा कि माइलस्टोन मेरा बन गया एक, अब मैं इसको आगे लेके जा सकता हूँ। ठीक है, अब मैं कोई दूसरा काम कर रहा हूँ, अगर कोई तीसरा काम मेरा उस दूसरे पे डिपेंडेंट होगा, तो जब मेरा वो दूसरा काम खत्म हो जाएगा तो हो जाएगा मेरा माइलस्टोन, माय सेकंड माइलस्टोन अचीव हो गया। तो कभी कभी ये भी हो सकता है कि डिलीवरेबल और माइलस्टोन सेम हो, तो उसमें कोई परेशानी की नहीं बात। तो ये एक डिफरेंस है, तो इसको थोड़ा बहुत अच्छे से माइंड में रखिएगा, डिलीवरेबल्स क्या होते हैं, माइलस्टोन क्या होते हैं, और टास्क तो वही होता है जो टास्क अंदर होता है। तो इसमें एक मैं अपनी उसकी एक एग्जाम्पल मैंने ये आपको लगाई। अब मैंने ऐसे किया था, मैंने एक टेबल बना दिया बड़ा सा। अच्छा, इसमें मैंने टेबल तो बनाया लेकिन इसका मैंने फॉन्ट साइज 8 नहीं रखा, 11 रखा। क्यों? क्योंकि अगर मैं इसमें 8 रखता ना, और क्योंकि टेबल में तो 8 अलाउ है, लेकिन ये लोग कहते हैं कि भाई ये इसने ज़बरदस्ती किया है, और इसको अगर मुझे 11 करवाते तो फिर मेरा प्रपोजल लंबा हो जाता। लेकिन मैंने इसको टेबल की सूरत में इसको इसलिए किया, क्योंकि अगर आप देखें तो सब चीज़ें अब कनेक्टेड है और बड़ा एक अच्छे तरीके से। अब इस तरह मेरे सारे वर्क पैकेजेस इस तरह से थे, तो अब देखें वर्क पैकेज 2, उसकी एक हेडिंग ब्रैकेट में लिख दिया मैंने M1 से M8 तक, यानी पहले 8 महीने में होगा, और ब्रैकेट में लिख दिया कि DTU, यानी कि ये DTU में करूंगा। कुछ वर्क पैकेज जब दूसरे सेकंडमेंट में था तो वो ब्रैकेट में उसका नाम लिख दिया, और ये देखें ये कलरफुल है कि डिफरेंट कलर्स में मैंने किए। ठीक है, अब देखें टास्क 2.1 2.2, वर्क पैकेज 2 था तो टास्क 2.1 किया, आगे ब्रैकेट में लिख दिया कि 2.1 कितने महीने में होगा, पहले से चौथे महीने तक। टास्क 2.2 पांचवे से आठवें महीने में। अब डिलीवरेबल्स देखें, एल्गोरिदम बना रहा था, पहला डिलीवरेबल हुआ मेरा कि भाई एल्गोरिदम बन गया, सेकंड डिलीवरेबल के कॉन्फ्रेंस में सबमिट होगा, थर्ड डिलीवरेबल जर्नल में सबमिट होगा। आप करें या ना करें एक अलग बात है, और आप देखें यहाँ पे जर्नल सबमिशन J1, अगर आपको याद हो तो ये J1 डिसिमिनेशन में था। तो देखें पूरा प्रपोजल आपका कनेक्शन में चलेगा, कोहेरेंस होनी बहुत जरूरी है। और सबके सामने मैं M9 M8 M7 लिख रहा हूं कि किस महीने में करूंगा। अच्छा, इसमें माइलस्टोन क्या हुआ कि भाई हाँ भाई ऑप्टिमाइज एल्गोरिथम डेवलप हो गया फॉर दिस, और सेकंड माइलस्टोन रख दिया कि मॉनिटरिंग प्रोग्रेस ऑफ डिसिमिनेशन एंड कम्युनिकेशन। जैसे तो इस तरीके का एक वर्क पैकेज बना दिया। तो अब देखें इसमें हमने कोई मेथडोलॉजी डिस्कस नहीं की, ये इम्प्लीमेंटेशन सेक्शन है। तो इसमें हमने हर वर्क पैकेज का टास्क, डिलीवरेबल, माइलस्टोन, और ये किस महीने करूंगा, मैं किस इंस्टीट्यूट में करूंगा, ये सब बातें मैंने बता दी। और इसकी जो साइंस और मेथड्स थे वो हमने फर्स्ट सेक्शन एक्सेलेंस में किए थे हर वर्क पैकेज। देखें सब चीजें कनेक्टेड है तो ध्यान रखिएगा, सही है। अब ये है गैंट चार्ट आ गया भाई मेरा, सही है, ये मेन गैंट चार्ट आ गया। 24 महीने कर दिए एक्टिविटीज वर्क पैकेजेस। अब देखें हर वर्क पैकेज के सब टास्क लिखे हुए कौन कौन से महीने में होंगे, और ये वही टास्क रखे हुए जो इधर मेंशन है, इनको भी सही होना चाहिए। अगर आप देखें टास्क 2.1, चलें टास्क 2.2 लेते हैं, टास्क 2.2 मैंने लिखा हुआ है M5 से M8। तो देखें इधर वर्क पैकेज 2 का टास्क 2.2 मैंने वर्क पॉइंट 5th मंथ से 8th मंथ तक ही रखा हुआ है। तो यानी पूरा गैंट चार्ट आपको अब उस पर जो आपने पीछे सब सब बताया उसके लिहाज से करना है। तो सारे वर्क पैकेजेस बता दिए, सारे डिलीवरेबल्स मैंने बताया कि मैं कौन कौन से महीने में कौन कौन से स्पेसिफिक डिलीवरेबल दूंगा, कौन कौन से मंथ में कौन सा माइलस्टोन करूंगा, सेकंडमेंट्स और शॉर्ट स्टे, मेरा एक सेकंडमेंट था एक शॉर्ट स्टे था, वो किस किस महीने जा रहा हूँ। ठीक है, CDP होता है करियर डेवलपमेंट प्लान। अगर आप टॉप में देखें तो गैंट चार्ट रिलेटेड टर्म्स सबसे टॉप में आप मेंशन कर दें कि किसका मतलब क्या है। ठीक है, अब जर्नल्स एंड कॉन्फ्रेंसेस देखें, CO1, J1, CO2, J2, CO3, J3, ये सब वही हैं जो हमने डिसिमिनेशन में बताया था। और अगेन जो मंथ हमने डिसिमिनेशन चार्ट में मेंशन किए थे ना कि मैं M8 में करूंगा, M6 में करूंगा, वही गैंट चार्ट में होना चाहिए, एग्जैक्टली द सेम। ये नहीं कि उधर कुछ चल रहा है इधर आप अलग चला रहे हैं। तो यानी मैंने जर्नल कॉन्फ्रेंसेस का बता दिया, फिर मैंने डिसिमिनेशन बता दिया, अपनी एक्टिवेशन एक्सप्लॉयटेशन बता दिया, कम्युनिकेशन बोल दिया, आउटरीच बता दिया मैंने कि भाई विल कैरी आउट थ्रू आउट द फेलोशिप डिपेंडिंग ऑन द ऑर्गेनाइज्ड पब्लिक इवेंट्स दिस। तो ये देखें एक बड़ा प्यारा सा फुल गैंट चार्ट भी हमारा बन गया। तो ये इम्प्लीमेंटेशन जी
जी, तो हमारे पास टाइम बिल्कुल कम है अभी इस वक्त, तो मेरे ख्याल से ऑडियंस को हम क्वेश्चंस के भी टाइम दें साथ साथ। बस मैं फाइव मोर मिनट्स। चलें ठीक हो गया। तो ये हमारा भाई, ये इसका जो है 3.1 हो गया। 3.2 में हमें बताना है कि जो है हाँ, मैनेजमेंट स्ट्रक्चर प्रोसीजर और रिस्क मैनेजमेंट। तो 3.2 में दो सब हेडिंग है, 3.2.1 और 3.2.2। 2.1 में हमें बताना है प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट स्ट्रक्चर और फाइनेंशियल मैनेजमेंट स्ट्रक्चर। क्या मतलब है, यानी इसमें हमें ये बस बताना है कि प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइज और मैनेज करने के लिए हमारे पास वहाँ पे लोग हैं, जहाँ पे मैं जा रहा हूँ वहाँ पे मुझे हेल्प मिलेगी। यानी कि प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या है कि भाई मैं सुपरवाइजर से डिस्कस करूंगा, करियर डेवलपमेंट प्लान बनाऊंगा। मैनेजमेंट स्ट्रक्चर के लिए कि भाई डिफरेंट लेवल्स हैं DTU में जो प्रोजेक्ट की मैनेजमेंट के लिए काम होगा। फाइनेंशियल मैनेजमेंट स्ट्रेटजी, यानी मैं सुपरवाइजर के साथ काम करूंगा कि भाई हमें काम मनी क्या पैसे किधर हम खर्च करें। और ऑल्सो प्रोजेक्ट अकाउंटेंट के साथ मैं टच में रहूंगा कि अपने पैसों को ध्यान में रखूं कि सही खत्म हो रहे हैं या नहीं। तो प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइज, ये पहली हेडिंग हो गई। और दूसरी हो गई रिस्क, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, ये भी रिस्क एनालिसिस हमें करना है। तो इसके तीन बनेगा, रिस्क, लाइकलीहुड इम्पैक्ट और प्रोपोज्ड मिटिगेशन। मतलब कि रिस्क क्या है और उसके चांसेस कितने, और अगर वो हो गया तो कितना इम्पैक्ट पड़ेगा हमारे उसमें, और उसकी मिटिगेशन भी हमें बतानी कि अगर तो ये रिस्क हो गया तो उसका बैकअप प्लान हमारे पास क्या है, यानी कॉन्टीजेंसी प्लान्स क्या है हमारे पास। तो ये इसका हो गया रिस्क एनालिसिस, जरूरी है। एंड लास्ट हो गया हमारा इंस्टीट्यूशनल एनवायरनमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर। इसमें हमें बताना है कि भाई ठीक है कि भाई वहाँ पे इक्विपमेंट क्या है, फैसिलिटीज क्या है, मेरे पास उधर इन लैब में मेरे पास एक्सेस है, मैं वर्क पैकेज 2-3 फलानी लैब में करूंगा, वर्क पैकेज 4-5 फलानी में करूंगा इधर स्टेट ऑफ, यानी बस आपने इंस्टीट्यूशनल एनवायरनमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर का बताना है। तो यानी कि हमारे पास जो ये थर्ड था इम्प्लीमेंटेशन, तो उसकी भी तीन चीज़ें थी, कोहेरेंस एंड इफेक्टिवनेस ऑफ वर्क प्लान, दूसरा मैनेजमेंट स्ट्रक्चर रिस्क एनालिसिस, तीसरा इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये हमारा पहला हो गया डिलीवरेबल्स, टास्क, माइलस्टोन्स, गैंट चार्ट आ गया, बहुत अच्छा सर ये बताया, रिस्क एनालिसिस कर दिया और साथ में हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बता दिया। दैट्स इट, दैट वाज B1। B2 में कुछ नहीं है, एक है CV, CV 5 पेज की होनी चाहिए और क्या क्या रिक्वायरमेंट है ये जब आप टेम्पलेट डाउनलोड करेंगे उसमें लिखा हुआ है, बस ये होना चाहिए। तो एक अच्छी सी 5 पेज की CV बनाएं, यूरो पास कभी मत बनाइएगा, बहुत फजूल होती है नॉर्मली। कोई अच्छे सी अपने टेम्पलेट्स बनाएं आप अच्छे से, बस 5 पेज की हो और उन्होंने लिखा होगा उनको क्या क्या चाहिए। फिर अच्छा ये B2 है, B2 में एक सेक्शन 5 में ये लिस्ट ऑफ ये होती है, इसको फिलअप करना होता है कि ठीक है मेरी बेनिफिशियरी ये है, मेरा सुपरवाइजर ये है, ठीक है ये बस ये आपने डालना है, पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन यानी सेकंडमेंट्स कौन है, कौन सा कंट्री है, बस ये। और इसके अलावा आपको हर होस्ट का एक ये पेज डालना होगा, ये भी टेम्पलेट में होता है। तो इसका लेफ्ट वाला सारा लिखा हुआ होता है और ये राइट आपको फिल करना है हर इंस्टीट्यूट का, और ये एक पेज का ही होना चाहिए, एक पेज से एक्सीड नहीं होना चाहिए। तो ये यानी अगर टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ डेनमार्क है तो एक उसका, और जो सेकंडमेंट है एक उसका भी, तो इसमें कि भाई क्या सुपरवाइजर का काम है, क्या उधर इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये सब आप जो है देख लेंगे, इसमें कोई इतना नहीं। एथिकल इश्यूज, ये आपको सुपरवाइजर से करना पड़ेगा बात, वो आपको बताएंगे कि भाई क्या है, ये 2-3 पेज का होता है। बस एक फाइनल टिप्स एंड सजेशन, सुपरवाइजर और इंस्टीट्यूट मैटर्स करता है। हाँ, और स्टार्टिंग में आपको प्रोजेक्ट का कोई एक्रोनियम रखना होगा, कीप इट इजी एंड कैन नॉट चेंज। आपने एक दफा वो एक्रोनियम डाल के अपना अकाउंट बना लिया और वो सब हो गया तो एक्रोनियम चेंज नहीं होगा। तो एक्रोनियम मतलब कोई, जैसे मेरे प्रोजेक्ट का नाम अगर है स्मार्ट रिहैब, तो एक्रोनियम है छोटा सा, ठीक है। यूज एवरी सिंगल कॉर्नर ऑफ द पेज, यूज फुटर फॉर द रेफरेंसेस, ये भी छोड़ दें, ठीक है। मेक योर लॉग इन अकाउंट इंटरडिसिप्लिनरी मल्टीडिसिप्लिनरी, बस वही, बाकी सारी वही चीजें, ठीक है। और हाँ, ये भी वही चीज़ है। हाँ, बस ये बात बताना चाहूँगा कि ये ऑनलाइन जो है इनके ऑफिशियली 2 गाइडलाइंस मौजूद होती हैं, एक है होराइजन 2020 और एक है ये वर्क प्रोग्राम होराइजन, ये जो यानी जो लेटेस्ट होंगी, ये दोनों होती हैं गाइड फॉर एप्लीकेंट्स। तो ये बहुत अच्छी खासी बड़ी होती है, लेकिन आप बैठ के पढ़ें ठीक से तो बहुत सारी चीज़ें आपको वो भी क्लियर हो जाएगी। एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड गुड लक। थैंक यू सो मच अहमद भाई, और मेरे ख्याल से बहुत ही ज़बरदस्त और डिटेल समेत सारी चीज़ें आपने बताई हैं। मैं टाइम का इस वजह से आपको कह रहा था, क्योंकि जारी बात है ये एक दिन में समझने वाली चीज़ तो नहीं है, और 2 घंटे में पूरी 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 की पूरी पोस्ट डॉक के बारे में तो नहीं हम बता सकते, लेकिन ये जो आपने जितनी भी चीज़ें यहाँ पे बताई हैं, दैट वॉज
मैं अगर कहूं कि अगर किसी को नहीं भी पता था पोस्ट डॉक्टर फेलोशिप या इंडिविजुअल फेलोशिप का, नाउ ही और शी कैन एक्चुअली ट्राई टू अप्लाई दिस ईयर. मेरा क्वेश्चन पहला बहुत इंपॉर्टेंट है जो सभी के माइंड में होगा. अभी हमें आज पता चला है पोस्ट डॉक्टर फेलोशिप क्या होती है. 14 सितंबर लास्ट डेट है. क्या हमें इस साल अप्लाई करना चाहिए या नहीं जिनके पास पीएचडी मौजूद है? यार ये जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक जल्दी से इसका जवाब दूंगा. लास्ट ईयर की बात है, मेरा एक ब्राजीलियन दोस्त था, उसको एक मई मैंने उसको कॉल की. मैंने उसको कहा, मैं कहा अच्छा तुम इंडिविजुअल पे अप्लाई करना चाह रहे थे क्या? एग्जैक्ट एक महीना रहता था 30 डेज डेडलाइन को. मैंने उसको मैं कहा, कहते हैं यार मैं ब्राजील में हूँ और मैं एसोसिएट प्रोफेसर हूँ, बहुत काम है, मुझे टाइम नहीं मिलता. ये मैंने कहा तुम्हारे पास छुट्टियाँ हैं? कहते हैं हाँ. मैंने कहा एक महीने की छुट्टी ले लो तुम, ठीक है, और तुम प्रोपोजल पे काम करो, मैं तुम्हें हेल्प करूंगा. उसको प्रोपोजल इतना नहीं आता था, थोड़ा बहुत था. तो मैंने कहा ठीक है लेट्स डू इट. तो कहते हैं अच्छा मैं सोच के बताता हूँ. अगले दिन उसकी कॉल आई, कहता है मैंने एक महीने की छुट्टी ले ली. कहते हैं एक महीने की, लिटरली उस बंदे ने एक महीने की अपनी छुट्टी ले ली और कहते हैं अब मैं प्रोपोजल लिखूंगा तो तुम हरिया को. मैं स्टार्ट हो जाओ. उसके दो दिन पहले कर लिया और उसका स्कोर आया 98%. और ये यानी ये आज तक का हाईएस्ट स्कोर है जो मैंने देखा है, ठीक है. तो और उसने वो फिर कर लिया, यानी कि हाँ मैंने बहुत तो इसमें, लेकिन उसने तो कर चांस लिया. नहीं होते, मतलब ये नहीं है कि आपने तीन दफा ही करना है फिर आप नहीं कर सकते. नहीं नहीं नहीं, 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 तो आप कह रहे हैं अप्लाई, इसका मतलब है कि आपको अप्लाई करना चाहिए. अगेन मैं ये बात कहना चाहता हूँ, मैंने भी जब इसका प्रपोजल लिखा था मुझे पता है सीरियसनेस कितनी चाहिए, ठीक है. ये नहीं कि कभी दिल किया तो कर लिया. नहीं नहीं, आपको शायद दिन में 12 घंटे भी बैठना पड़े, कभी आप 14 घंटे भी बैठेंगे और मैं बैठा हूँ काफी दफा, ऐसे बैठना पड़ता है, ठीक है. तो अगर किसी में ये डेडिकेशन है और उसने इसको प्रायोरिटी बना लिया तो ये एक डेढ़ महीना बहुत है. अच्छा अहमद भाई, वही चीज मैं बताने लगा हूँ कि एक डेढ़ महीना लगा के आप 2 साल के लिए, मतलब जो इसका ड्यूरेशन है पोस्ट डॉक्टर फेलोशिप का जिसको इंडिविजुअल फेलोशिप कह रहे हैं, आप हाईएस्ट सैलरीड और एक अच्छी यूनिवर्सिटी के अंदर आके अपनी लाइफ को अच्छे तरीके से सेटल कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल अगर आपकी मिसाल ली जाए, आपने पोस्ट डॉक्टर फेलोशिप की, नाउ यू आर ऑन ए ग्लोबल फेलोशिप जो नोवो नॉर्डिस्क की है, इसके बारे में कभी बाद में बात करेंगे, आप स्टैनफोर्ड में बैठे हुए हैं, तो ये बेसिकली तो मेरे ख्याल से चेन पीछे से स्टार्ट हुई ना, उनको आप पे यकीन होगा कि इस बंदे ने ये जीती है, फिर वो आगे ट्रांसफर करते गए, तो इस तरह आपकी आगे चेन बनती जाती है. जब आपकी प्रोफाइल में वैसी मैरी क्यूरी का नाम आ जाता है ना पोस्ट डॉक का, ठीक है, जैसे आईटीएन, और इसमें एक बहुत बड़ा डिफरेंस है कि आईटीएन में आपको प्रोपोजल वगैरह आपको नहीं लिखने, वो प्रोफेसर ने लिखने. अगर आप देखें तो प्रोपोजल राइटिंग एक छोटी चीज नहीं है. अगर ये वाला प्रोपोजल आप देखें, ये समझने में ही लोगों को महीनों निकल जाते हैं कि करना क्या है अगर खुद पढ़ने बैठे कोई, तो ये एक बड़ी अलग चीज है. तो अगर आपने ये सिक्योर की हुई है तो आपकी प्रोफाइल वैसे ही एक अलग लेवल पे चली जाती है कि भाई ये मैरी क्यूरी इंडिविजुअल फेलो था या मैरी क्यूरी पोस्ट डॉक फेलो था. आईटीएन की भी भाई पीएचडी की इतनी अहमियत होती है, मैंने देखा यूरोप में पीएचडी को बड़ा करते हैं मैरी क्यूरी, भाई भी आईटीएन के लोग हैं बड़ी अच्छी रिस्पेक्ट. तो पोस्ट डॉक तो उसका भी हाई लेवल है. तो मैं ये कहूंगा कि अगर आप भाई, वो ब्राजीलियन यही कहता है कि यार अहमद वो तुम्हारी एक कॉल थी, वो फिर अगले साल उसका हो गया डीटीयू में ही. अब वो कह रहे वो एक कॉल थी और उसने सब चेंज कर दिया कि मैंने अपनी छुट्टी ले ली और मैंने ये कर लिया वो कर लिया. तो मैं ये कहूंगा कि आप करें, और उसको भी मैंने इसी तरीके से काफी हेल्प की थी. तो भाई आप लोगों के लिए भी मैंने मैक्सिमम जितनी एफर्ट डाल सकता था शायद मैंने डाल दिए. जबरदस्त, नहीं अहमद भाई जबरदस्त किया आपने. और सेकेंडली मैं सभी को ये बता दूं जो जूम के अंदर है मौजूद अभी, कि हम लोग ये नहीं है कि आज एक वर्कशॉप की एंड दैट्स इट, हम इसको कंटिन्यू रखना चाह रहे हैं. और बेसिकली जब तक डेडलाइन नहीं आती हम आप में से बहुत ज्यादा लोगों को 1-to-1 गाइडलाइन करके और आपको हेल्प भी करेंगे आपके प्रपोजल बनाने में जितनी हमसे हो सकी. बेसिकली इसका ये मतलब नहीं है कि हर बंदा हमें कहे कि हमें भी आप सारा का सारा लिख के दें. नहीं, ये जितनी आज वर्कशॉप हुई है ये रिकॉर्डेड है, आपको इसका लिंक मिलेगा. लिंक मिलने के बाद आपने उस लिंक पे जाकर ये वीडियो को अच्छे तरीके से देखना है. देखने के बाद अपना प्रपोजल बनाएं, कॉन्टेक्ट करना शुरू करें प्रोफेसर के साथ. एंड इफ यू नीड एनी हेल्प, टेलीग्राम के ग्रुप के अंदर अहमद भाई भी मौजूद है, मैं भी मौजूद हूँ, तो आप हमें टेक्स्ट कर सकते हैं ओनली ऑन टेलीग्राम. अगर अहमद भाई प्रेफर करते हैं तो दे ही कैन प्रोवाइड यू हिज ईमेल, लेकिन बेहतर ये होगा ठीक है टेलीग्राम पे, ठीक है. तो इसमें ये होगा कि हम इंशाल्लाह इसको कंटिन्यू रखेंगे और कभी कभी 30 मिनट्स की 40 मिनट्स की आपके साथ गपशप लगाया करेंगे, ताकि आप लोग जो हैं वो मोटिवेटेड भी रहें इस प्रपोजल पे अप्लाई करने के लिए. और हमारा मेन मकसद ये है कि यार पाकिस्तानी इसमें ज्यादा से ज्यादा है, जितने ज्यादा पाकिस्तानी आएंगे उतना पाकिस्तान का फायदा. बहुत कम है और बड़ी बात यह है कि जब आप एक दफा यहाँ पे एंटर हो जाते हैं ना, तो फिर अपॉर्चुनिटीज का एक अंबार लग जाता है आपके सामने, चूज करना मुश्किल हो जाता है. तो ये एक अच्छा
आज मैं आर्टिकल पढ़ रहा था एक मैरी क्यूरी का, उन्होंने बोला कि सबसे ज्यादा मैरी क्यूरी जो है जो पोस्ट डॉक और आईटीएन के फेलोशिप्स हैं, ये जो फॉरेनर टैलेंट है ना, फॉरेन टैलेंट, फॉर एग्जांपल यूरोप के बाहर वाला, उसको रिटेन करता है यूरोप के अंदर। बिल्कुल, और जितना ये रिटेन कर रहे हैं ना अभी, इससे ज्यादा इसमें पोटेंशियल है। सो दे आर एक्चुअली इंक्रीजिंग द फंडिंग फॉर मैरी क्यूरी प्रोजेक्ट्स। तो हो सकता है इस साल भी इससे ज्यादा हो, जैसे अहमद भाई ने बताया कि सील ऑफ एक्सीलेंस मिलती है। सील ऑफ एक्सीलेंस के ऊपर बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज आपको उतनी ही फंडिंग देती है जितनी मैरी क्यूरी वाले देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही, नेदरलैंड के अंदर, जर्मनी के अंदर, इटली के अंदर। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। हमारे पास दो क्वेश्चंस का टाइम है एंड देन वी विल एंड अप दिस मीटिंग, और फिर नेक्स्ट मीटिंग में इंशाल्लाह हम बाकी चीजें भी डिस्कस करेंगे जो आज हमारी रह चुकी हैं। सबसे पहले अक्सर अर्शद, एक क्वेश्चन प्लीज क्विकली पूछिएगा। क्वेश्चन तो नहीं है, बस मैंने थैंक यू करना था। आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया प्रेजेंटेशन पे, बहुत अच्छी मेहनत की हुई थी, और मैंने आपने जो सिखाया है मैंने उससे बहुत ज्यादा लर्न किया। थैंक यू वेरी वेरी मच, जजाकल्लाह। मोहम्मद आरिफ, आपकी आवाज नहीं आ रही। आरिफ, नेक्स्ट चलते हैं डॉक्टर आकिफ जेब। डॉक्टर आकिफ बोलिएगा, आपकी आवाज भी कट रही है बीच में। मेरे ख्याल से उनका भी माइक का इशू है। खैर, हम आप लोगों के साथ इन कॉन्टेक्ट हैं। जिन लोगों को टेलीग्राम के ग्रुप का नहीं पता, तो पोस्टर के अंदर लिंक दिया हुआ है, उसके अंदर सारी डिटेल्स लिखी हुई हैं कि आपने हमारे साथ रब्ता कैसा करना है। और बेसिकली हम प्रपोजल्स के साथ मिलके लिखेंगे भी और आप लोगों को हेल्प आउट भी करेंगे। और अहमद भाई के को मैं दोबारा से इंशाल्लाह फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, कभी बैठ के हम 30-40 मिनट या 50 मिनट का एक सेशन दोबारा से करें, ताकि जो चीजें मिस हो गई हैं वो हम दोबारा इसे कवर अप कर सके। अहमद भाई, आप कुछ लास्ट टिप देना चाहें तो प्लीज गो अहेड। आपका माइक बंद है अहमद भाई। थैंक यू। बस भाई, मैं आप लोगों को ये कहना चाहूंगा कि भाई कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। मैं भी भाई आप ही लोगों की तरह कराची से या कोई जिस भी शहर से हैं, हम हैं तो पाकिस्तान के ही, लेकिन करके भाई बड़ी, यानी ये चीज जो मैंने आज आप लोगों को सिखाई है, मुझे शायद सालों लग गए थे इसको सीखने में, ठीक है, जिसका मैंने पूरा निचोड़ के आप लोगों को दे दिया। ये चीजें मैंने बहुत 10-12 सक्सेसफुल प्रोपोजल जो मेरे कॉन्टेक्ट्स के उनसे निकाल नकुल के चीजें, बहुत सारी वर्कशॉप्स जो मैंने अटेंड की थी आज तक 2-3 साल से, उन सब का निचोड़ आप लोगों को दिया है। तो इसको प्लीज फॉर ग्रांटेड मत लेना आप लोग, ठीक है, कि भाई बस हाँ मिल गया, कोई नहीं। सही, अब जैसे इधर सुबह के, रात के सुबह 7 बजे थे और मैं कल पूरी रात नहीं सोया, मैं इस पर काम कर रहा था, ठीक है, लिटरली मैं सोया ही नहीं हूँ, ठीक है। तो अब मैं ऑफिस चला जाऊंगा इसके बाद, लेकिन ये मुझे अच्छा लगा कि मैंने किया आप लोगों के लिए। तो बस इसको कभी फॉर ग्रांटेड मत लेना आप लोग, आप लोग अपनी तरफ से पूरा मैक्सिमम दो, ठीक है। 1-2 महीने की बात होती है और यही चीजें होती हैं जो आपकी जिंदगी बदल देती हैं लॉन्ग रन। ऐसे ही आपको थोड़ा सा, आपको अपने लाइफ में ना चीजों को प्रायोरिटाइज करें थोड़ा सा आप लोग, क्या प्रायोरिटी। और दूसरा, आप लोगों का माइंड सेट हमने देखा, मैंने देखा है कि बड़ा एक ब्लॉक होता है कि हम तो कर ही नहीं सकते, ये तो हमारे लिए है ही नहीं, ये तो मैरी क्यूरी तो एक अलग ही चीज है। ठीक है, अलग चीज है, लेकिन आप उस लेवल तक पहुंच सकते हो अगर आप कोशिश करो। अगेन, मैरी क्यूरी प्रोपोजल 99% प्रोपोजल बेस्ड सिलेक्शन है। अगर आपने अच्छा प्रोपोजल लिख दिया और पब्लिकेशंस 2-3 भी हैं आपके, और प्रोपोजल जैसे मैंने आपको बताया है उन्हीं चीजों को करें, और दूसरा जो गाइडलाइंस वगैरह हैं जो उनको पढ़ें, इनको पढ़ने में टाइम लगता है लेकिन बैठ के पढ़ें, ठीक से देखें कि क्या है, तो आप लोग आराम से इसको इंशाल्लाह क्रैक कर जाएंगे। मैं और अमार भाई हैं आप लोगों के लिए, आप लोगों को हम करते रहेंगे, और तभी इस वर्कशॉप में सिर्फ मैं ही हूँ, क्योंकि हमें कोई पोस्ट डॉक वाले इतने मिले ही नहीं कि जो वर्कशॉप में हमारे साथ होंगे या जो करें, क्योंकि बहुत पाकिस्तानियों में कम है। तो जिस तरह माशाल्लाह अब INT में बढ़ रहे हैं, ठीक है, बाकी इरास्मस में बढ़े, सब कुछ बढ़े, तो अब हम इस चीज में भी हम लैग कर रहे हैं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह आगे जाएंगे हम। असल में अहमद भाई लोग थे, लेकिन असल में उनके पास टाइम निकालना उनके लिए बहुत मुश्किल है। भाई कह रहा हूं, भाई कह रहा हूं, अंडरस्टैंड कि आप बिजी थे लेकिन फिर भी आपने टाइम निकाला, ये सबसे बड़ी बात है। और पाकिस्तानियों के लिए, हमारे अपने लोगों के लिए हम टाइम नहीं निकालेंगे तो फिर किसके लिए निकालेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर और आपको जो बोलो बोलो बोले बोले आप, मैं एंड कंक्लूड कर लूंगा। अच्छा, कह रहा था अगर और मोटिवेशन वगैरह चाहिए हो तो मैंने YouTube चैनल भी स्टार्ट किया है, तो उसमें मेरी पूरी लाइफ लाइन आपको बड़ी एक, मैंने भी रिसेंट वीडियो डाली है,
और अब उस चैनल में बिल्कुल स्कॉलरशिप और बहुत सारी चीजें नई नई आती रहेंगी, तो मैंने इतनी मेहनत की आप लोग भी उधर आके थोड़ा सा मुझे उस चैनल को विजिट करें, आप लोगों को अच्छा लगेगा, मेरी वीडियो देखें। मैं देख रहा था आपकी स्लाइड के नीचे कॉर्नर में लिखा हुआ है उसका नाम, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हां हां ठीक ठीक ठीक, नहीं अच्छी बात है। चैनल का नाम है सलाम नमस्ते फ्रॉम यूएसए, ठीक है, और वो रिकॉर्डिंग देखिएगा, स्लाइड के नीचे मैंने यूट्यूब चैनल का सिर्फ नाम लिखा हुआ है, तो आप लोग वो सर्च कीजिएगा, आपको मेरी एक वीडियो मिलेगी और वीडियोस बहुत जबरदस्त आने वाली हैं, लेकिन आप लोग बहुत मोटिवेटेड हो जाएंगे, और लाइफ में छोटी छोटी मोटिवेशंस ही होती हैं जो हमें चाहिए होती है। बिल्कुल ऐसे है, वो एक किक चाहिए होती है ना। मैं एक सच बताऊं, मैं अमार से ये जो इन्होंने चिल्ला विल्ला स्टार्ट किए हैं ना, उनसे मैं बहुत ज्यादा इम्प्रेस हुआ हूँ, बहुत मोटिवेट हुआ हूँ। इवन मैंने अपने सर्कल्स में भी इस चीज को बहुत डिस्कस किया, और एक बात बस लाजमी मैं कहूंगा कि आप लोगों को डिस्कस करना छोड़ें, आइडियाज को डिस्कस करना शुरू करें, अच्छी इनोवेशन को डिस्कस करें, अच्छी क्वालिटीज को डिस्कस करें। हमारे पाकिस्तानियों में क्या, एक दूसरे को हम डिस्कस करते हैं, फलाना ये कर रहा है, फलानी फलाना वो उधर था, इसके साथ था, उसके साथ थी, जो भी था, लोगों को मत डिस्कस करो यार, अब मैच्योर हो गए हैं हम सब, तो अब थोड़ा आप लोग आइडियाज को और बहुत अच्छी चीजें एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करो, ठीक है, और मिलके जो जितना कर सकते हैं करें और आगे बढ़े इंशाल्लाह। भाई उम्मीद है हम सब आगे जाएंगे। बिल्कुल 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 अहमद भाई, थैंक यू सो मच, आपके लिए दिल से दुआ भी है कि अल्लाह ताला आपको और तरक्कियां दे, क्योंकि आप लोग हम साथ हमारे साथ मिलके ये हम सब कुछ प्लान करेंगे और लोगों को प्ले प्लेटफॉर्म पे ला के हम कुछ एक नई स्ट्रेटेजी शो करवा के और उन्हें उर्दू लैंग्वेज के अंदर अगर टिप्स एंड ट्रिक्स बताएंगे तो मेरे ख्याल से सीखना आसान होगा। यहीं पे आपकी जगह पे कोई गोरा बैठा बता रहा होता ना, आधे लोगों ने चले जाना था, यहाँ से उठ के चले जाना था, और अभी तो डेढ़ महीना रहता है ना, इंशाल्लाह अब नेक्स्ट साल से हम और बड़ा प्रॉपर इसको लेंगे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह ये डेढ़ माह के अंदर हमारा टारगेट है कि मुझसे 5 से 10 लोग हमारे सिलेक्ट होंगे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह जरूर होंगे, निकलेंगे भाई 8-10 निकलेंगे इसी डेढ़ माह में, जो सीरियस होके करेंगे वो निकलेंगे, मेरी गारंटी है भाई। आप लोग हेल्प चाहिए, हम लोग हेल्प के लिए राजी है, लेकिन मैक्सिमम आप लोग देंगे तो उसको पॉलिश हम करेंगे, ये नहीं कि हम स्पून फीडिंग नहीं करेंगे, स्पून फीडिंग मैंने प्रेजेंटेशन हमने दे दी आप लोगों के लिए, ऑर्गेनाइज करा दिया, बाकी आप लोग मेहनत करें, अगर मेहनत हम देखेंगे हम आपको पूरा सपोर्ट देंगे इंशाल्लाह, अपना टाइम निकाल के आपको देंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच अहमद भाई, और सभी का शुक्रिया, इसी के साथ ही आज की मीटिंग जो ऐसे एंड करते हैं, और इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी बहुत जल्द। सब अपने गांव में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़ जी, अल्लाह हाफिज़।